بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محتساتها وكل محتسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال عز في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد तमाम तारीफ़ें उसल के लायक़ुजेबा है जो तमाम जहनों का बनाने वाला और उसे पालने वाला है और सलाम उसके आखिरी नबी महम्मदली वम पर अलहदुल्ला हमाम यहीं हफ्ते वारी कुरान के लिए जमा हुए हैं और इन शज़ीज़ आज जो आपके सामने उनवान मैं जो रखने की कोशिश करूँगा वह है की तबाहकारियाँ याबत की हलाकतें याबत की बुराइयाँ याबत क्या है और इससे क्या नुकसान होते हैं अदर की माशरे पर मैं वो रखने की कोशिश करूँगा याद रखिए गीबत ये एक बहुत 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 संगीन जुर्म है मतलब ये कबायर में कबीरा गुनाहों में एक बहुत संगीन गुनाह है इसलिए कि कबीरा गुनाहों में भी अलग अलग दर्जे के गुनाह होते हैं जैसा कि शिरक भी एक कबीरा गुनाह है लेकिन शिरक बहुत संगीन कबीरा गुनाह है मतलब बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है उसी तरह गीबत भी याद रखिए ये गुनाह है कबीरा में एक बहुत बड़ा गुनाह है इसलिए कि ये गुनाह बंदों के हक़ में याद रखिए बहुत नुक़सान करता है लिहाजा इसको हम मामूली ना समझें इसकी कबाहतें इसकी बुराइयाँ हम सबको पता है कहीं ना कहीं हम सब इसको सुनते हैं कहीं ना कहीं इसके बारे में दर्स वाज नसीहतें किताबी शक्ल में हमने पढ़ा है कहीं ना कहीं समाज माशरे में लोग बोलते हैं कि गलत यहाँ तक के मुसलमान नहीं गैर मुस्लिम भी कहें किसी की कि निंदा करना बिला वजह उसके पीठ पीछे बात करना गलत है ये बात बिल्कुल आम है कोई भी कहेगा कि भाई ये गलत है ये दुरुस्त नहीं है तो गोया इस्लाम इसको गलत कह रहा है इसको दुनिया का माशरा गलत कह रहा है इसको तमाम मुसलमान गलत समझते हैं लेकिन क्या बात है इतनी तमाम चीज़ें मालूम होने के बाद भी हम लोग इसको मामूली समझ के कर लेते हैं क्या ऐसा तो नहीं हम गीबत क्या है ये समझते ही नहीं या फिर ऐसा तो नहीं हम इसको मामूली गुनाह समझते हैं एक तो नॉलेज ही नहीं है कि वाकई में गबत क्या है सेकेंड दूसरी चीज़ कि अगर मालूम भी ये गुना है तो कहीं ये तो हम समझते नहीं हल्का गुना है थोड़ा सा कर लिए तो क्या मसला है आखिरत में जो है देख लेंगे क्या हूँगा उसके बाद जन्नत में चले जाएंगे तो याद रखिए गईबत ये उन गुनाहों में से नहीं है जिसको हम मामूली समझे लाइट ले ये बहुत संगीन जुर्म है लेकिन बड़ी अफसोस की बात है आज की जदीद दुनिया में ईबत को गॉसिप को पीठ पीछे बात करने को किसी इंसान की पीछे ऐसी बात करना जो उसके सामने करे तो बुरा लगे ऐसी बातों को उसके पीठ पीछे, पीछे करना बिल्कुल आम समझा जाता है बल्कि मैगजीन शुमारे नॉवेल्स प्रमोट करते हैं वॉसिफ़ को गॉसिप्स को हमने ऐसा सुना ये आदमी ने फ़लाँ किया वो आदमी की ख़बर आई वो गिर गया फ़लाँ का पता चला वो लुट गया फ़लाँ की ख़बर आई उसकी बच्ची भाग गई फ़लाँ का पता चला उसका रंग काला हो गया और कुछ भी इसकी हकीकत नहीं गॉसिप है यूँ ही बस में बात को उड़ा दिया आपने दो लोग बहस कर रहे हैं आपस में कुछ डिस्कस कर रहे हैं आपने ख़बर उड़ा दी कि दोनों में झगड़ा हो गया और बहुत लड़ाकू है वो दूसरा तो ऐसा है पहला तो इतना फ़लाँ है वो कमीना है ये जलील है वो रज़ील है आप ही कर रहे हैं सब हालांकि बहस कर रहे हैं ऑफ़िस का डिस्कशन बाद में ख़त्म हो गया तो गॉसिप ये आम हो चुका है मैगजीन्स के जरिए और जदीद मीडिया ने ये जो सोशल मीडिया है इसने इसको बिल्कुल जैसा कहते हैं ना कि आग में तेल का, का काम कर दिया अब तो हालत ये है, है रिकॉर्ड की जा रही हैं गवतें ऑडियो है, वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए भेजी जा रही हैं ईबतों को मैसेंजर्स के ज़रिए बातचीत के ज़रिए प्रमोट किया जा रहा है कि आज फलां ये हुआ वो काले ने यह किया वो लंगड़े का फलां हो गया वो पड़ोसी मोटा नहीं है क्या उसका ऐसा हो गया वो फलां नहीं है कि साहब जिनकी बच्चियों की शादियां हो रही नहीं परेशान आ रहे उनका ये हो गया फ़लाँ मतलब ऐसी बातें जो किसी के मुँह पे कही जाए उसको बुरा लगे वो बातों को करना बिल्कुल आम समझा जाता है तो ़ीबत ने एक नया शक्ल ले लिया सोशल मीडिया के आते ही और ये एक तूफ़ान की तरह जो है फैलते जा रहा है तो मेरे भाइयों अगर ईबत क्या है ना पता हो तो इनशाला आज वो भी हम देखेंगे अगर ईबत की संगीनियाँ उसका जुर्म क्या है अगर नहीं पता हो तो वो भी इन देखेंगे कि ये मामूली जुर्म नहीं है ये मामूली ख़ता नहीं है ये मामूली इसम और गुना नहीं है यह मामूली ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम लाइट लेकर थोड़ा बहुत कर लिए तो क्या होता है लेकिन कितनी अफसोस की बात है आज उम्मत मुस्लिम की औरतों ने और साथ में मर्दों ने नेीबत को अपने खाने के साथ अचार जिस तरह लगाया जाता है अपनी ज़िंदगी के मामूल में इसको अचार बना लिया कि इसके बगैर जिंदगी का गुजारा ही नहीं है किसी जगह बैठे तो गीबत नुक्कड़ पे बैठे तो गीबत चाय की दुकान में है तो गीबत दो लोग जमा हुए तो गईबत दो औरतें जमा हुई तो गीबत मजलिस में गईत शादियों में गीबत दीनी इज्त में गीबत तो मतलब कोई इससे बचा नहीं ना दीनी शख्सियतें बची ना गैर दीनी शख्सियतें बची ना आम इंसान बचा ना ख़ास इंसान बचा ना मर्द बचे ना बच्चे बचे ना औरतें बची कोई नहीं बचा इस गीबत के सब जपेट में आ गए और पूरा समाज माशरा इससे बर्बाद हो रहा है याद रखिए गीबी के बे इंतहा नुकसान थे याद रखी एक इंसान पर और उसके समाज पर ना सिर्फ़ एक इंसान इससे ख़राब होता है पूरा समाज इससे बर्बाद होता है लेकिन हम मुसलमान जिनकी किताब ने अल्लाह रबुल्ज़त ने क़ुरान में ख़ास तौर से इस मामले में हमें मना किया आज दुनियावी लोग जो एन जी ओज़ हैं जो सोशल हारमोनी को प्रमोट करती है समाजी मोहब्बतों को ताकि समाज में मोहब्बतें आम हों प्रमोट करती है वो कह रही है गीबत गलत है गौसिब गलत है किसी के बैक पे बैक बाइटिंग करना पीठ के पीछे बात करना गलत है वो लोग कह रहे हैं क्योंकि उनको भी समझ में आ रहा है इसके दुनिया में बहुत नुकसान है बड़े बड़े लोग बड़े बड़े ऑफिस बड़े बड़े महकमे बर्बाद हो जाते हैं चंदीबों के नतीजे में समझ रहे आप तो आप अंदाज़ा लगाइए वो कह रहे हैं लेकिन हमारे दीन ने नेबत को गुनाह कबीरा करार दिया न सिर्फ गुनाह कबीरा करार दिया इतना बड़ा इतना संगीन जुर्म करार दिया कि कहा कि ये तुम्हारे भाई का मुर्दार गोश खाने के बराबर है लेकिन उसके बाद भी मुसलमान आम गिबत कर रहे हैं ना औरतों को इसकी कोई तमीज़ है गिबत क्या है इसका जुर्म क्या है ना मर्दों ने इसको समझा बस हर आदमी दूसरे से मिलता है तो सबसे पहले चाहता है कि वो गीबत करे या मैं गीबत करूँ तो मतलब तू खय करता है और मैं चाटता हूँ या मैं खे करता हूँ तू चाटता है क्या करना है पहले दोनों में से ये हालत है हमारी ये हालत है याद रखें जहाँ दो लोग जमा हुए तीसरे की कीबत हो रही है जहाँ तीन जमा हुए चौथे की हो रही है जहाँ एक मजलिस जमा हुई जो एक फ़िक्र एक मकतब एक सोच के वो दूसरे सोच वालों की कर करें वो लोग इनकी इनकीतें कर रहे हैं तमाम माशरा एक दूसरे कीमत में लगाए और जो जितनी कर रहा है वो उतना तीस मार खान समझा जा रहा है अरे ये बहुत जबरदस्त आदमी है इसको सब मालूम जिसका उसका पूरी पोल खोल देता है सबहानल्ला यह जायज़ नहीं है कि आपको अगर किसी के बारे में कुछ ख़बर हो तो उस खबर को पब्लिकली आम करे जब तक कि उस खबर का ताल्लुक पब्लिक से ना हो एक आदमी का ज़ाती ज़िंदगी गुनाह है आप उसको पब्लिक में आम नहीं कर सकते हैं क्या वाकई आपको याद नहीं उमर होबन खत्ताब रज़ी अल्लाह एक मरतबा रात में आप जो है गश्त करते थे मा, मामलात को जानते थे लोगों की कोई कोई प्रॉब्लम तो नहीं मेरे से लोगों को खिलाफत में मामला कैसा चल रहा है ये तमाम चीज़ों को देखते थे तो एक दिन वो रात में एक घर के पास गए तो उसमें से मौसी की आवाज़ आने लगी मौसी म्यूज़िक आपको बड़ा गुस्सा आया कि मेरे होते हुए लोग म्यूजिक सुन रहे आप उस घर की दीवार के पीछे से कूद के अंदर चले गए अंदर गए तो देखा कि वो जो साहेब मकान है वो घर जिसका है वो आदमी रखासाएं औरतें नाच रही है और शराब पी रहा है मतलब उनका नाच देख रहा है एंटरटेन कर रहा है आपने आपको अब हजरत उमर को देखते ही जो है वो परेशान हुआ हजरत तो उमर ने कहा कि तुम ये काम कर रहे हो तो उसने कहा मेरे ममीन मेरे एक सवाल का पहले आप जवाब दीजिए आप मेरे घर में ना इजाज़त लेकर आए ना मुझे आपने सलाम किया इसलिए कि कुरान की आयत है या ला आमनु लदकूबयुत गैर अब हता न सवत आए वो लोग जो ईमान लाए हो अपने घरों के सिवा दूसरे घरों में दाखिल ना हो जब तक के अहिल खाना से अहले घर से इजाज़त न ले लो और उन लोगों पर सलाम ना भेज दो तो आपने एक तो इजाज़त नहीं मांगी पहली मिस्टेक सेकेंड मिस्टेक आप बगैर सलाम के अंदर आ गए उमर अब्न ख़ताब अन्हु शर्मिंदा हुए हाँ कुरान का हुक्म है फ़र्ज है इजाज़त लेना और ये उसका ज़िंदगी का ज़ाती मामला है ये पब्लिक में नहीं कर रहा है पब्लिक को नहीं भागा अपने घर में वो गलत काम कर रहा गलत गलत है लेकिन हज़रत उमर खामोशी से निकल कर चले गए एक बार वो हजरत उमर रजी अल्लाह को मजलिस में मिला हज़रत हतर रजिया को देखने लगी अरे आ गया अब कहीं बोलना दे कि मैं ऐसा कूद के आ गया था जब मजलिस में आया तो उसको बुलाया इधर हज़रत उमर ने कहा तुमने बोला तो नहीं ना मेरे बारे में किसको कि मैं ऐसा घुस के आ गया था घर में तुम्हारे तो उसने कहा नहीं मैंने नहीं बोला उसके बाद वो शख्स ने क्या क्या तुमसे तो 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 पता है उसने कहा उसके बाद मोमिन मैंने भी जो शराब पीना और अखास्व से गाने सुनना म्यूज़िक सुनना छोड़ दिया इसलिए कि मुझे डर है फिर से वापस आ जाएंगे ठीक है मतलब उसने भी गुनाह छोड़ दिया हाँ तुम्हारे ने कहा तुमने बोला तो नहीं ना पब्लिक में तो लोग बोलेंगे अमीर मोमिन कुरान के हुक्म को तोड़ के चला गया और उसने कहा मैंने भी उस दिन के बाद से कभी शराब नहीं पी और कभी वो मैंने नाच गाना नहीं देखा और म्यूज़िक मैंने नहीं सुना देखिए कैसे लोग थे नसीहत मिल गई खामोश लेकिन हर उम्र ने गॉसिप नहीं की अरे वो तो बड़ा आजदार बताता होता है शायद दुनिया में हाँ मालूम तो होंगे ना मदीने का रहने वाला था ये नहीं कहा ना उस शख्स ने कहा कि अमीर न की बड़ बड़ी बातें करते तो उमर ये तखवा होगा मेरे घर में कूद के आ गए पर्सनल मामला है पब्लिक में ज़रूरत नहीं बोलने की खामोश वरना वरनाबत हो जाए समझा पर्सनल मामला है तो आज लोगों की पर्सनल जिंदगियों को हम कभी देख लेते होता है कभी वह आखिर नजर पड़ गई फुला हो गया लेकिन उसको प्रमोट कर रहे हैं सोशल मीडिया में पब्लिकली दुरुस्त नहीं रीबत के जुमरे में आ जाएंगे आइए गीबत क्या है बहुत सारे लोग इसलिए करते कि मालूम ही नहीं क्या है और बहुत से लोग इसलिए करते कि समझते छोटा गुना है दोनों चीज़ें इंशाल्लाह हम देखते हैं ना ये छोटा गुना है ना ये मामूली चीज़ है याद रखी बहुत संगीन जुर्म है ये क्या है पहले उसको समझने की हम कोशिश करते हैं आइए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से समझते हैं गीबत क्या है तो गीबत क्या है तो गीबत का माना और मफहूम शरायी असला में जिसको कहेंगे शरीयत के माने में डेफिनेशन क्या है उसका यह है कि उसका माना यह है उसकी तारीफ यह कि तुम्हारा अपने किसी मुसलमान भाई का इसके अद मौजूदगी ग़ैर मौजूदगी में ऐसे अल्फाज से तस्करा करना जिसे वो खुद अपने लिए सुने तो नापसंद करे और ये तस्करा ज़बान से या इशारों से दोनों से हो सकता है अपने किसी मुसलमान भाई का उसकी गैर मौजूदगी में ऐसा तस्करा करना चाहे अल्फाज से या इशारों से जो उसके अगर सामने किया जाए तो उसे नापसंद हो उसे बुरा लगे ये गीबत है तो ये जबान से भी हो सकता है और इशारों से भी हो सकता है समझिया किसी को इशारा कर जा रहे वो नहीं गिद्दा ये भी गीबत बोले नहीं हम से गीबत समझिया किसी के पीछे खड़े हो गए और इशारे कर रहे उसके पीछे से है ना करते हैं लोगबत है तो इसमें जरूरी नहीं अल्फाज अदा हो एक्शंस भी इंक्लूड है इसमें मैं इंशाल्लाह उसकी दलील भी आपके सामने रखूंगा कि इसमें इशारे भी शामिल है इशारों से भी गईबत होती है और इसका भी गुना वही है ठीक है तो ये बातों को हमको समझने की बहुत सख्त जरूरत है याद रखिए बहुत सख्त जरूरत है आइए आगे बढ़ते हैं हदीस से देखते हैं क्या है ये तो मैंने एक माना आपके साथ तारीफ़ी शक्ल में रखा था आइए सही मुस्लिम की रिवायत है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या तुम जानते हो गबत क्या है सहाबा से पूछा क्या तुम जानते हो गबत क्या है और देखिए बहुत सारे सहाबा से गीबत हुई लेकिन इब्तदाई दौर में उनको इसका इल्म नहीं था तो अल्लाह के रसूल ने उनको इल्म देने के लिए भी बताया जब उनसे गलतियां हुई तो आप ये नहीं समझ रहे सहाबा भी करते तो हम करें तो क्या हुआ नहीं ऐसा नहीं समझना ये बहुत सारे सहाबा थे जिनको पता नहीं था बाद में बताया गया तब से उन्होंने छोड़ दिया लेकिन अल्लाह के रसूल ने जब बताया संगीनी के साथ बताया फुल इंटेंसिटी के साथ बताया तो उनको भी समझ में आ गया और उम्मत को भी हदीस के शक्ल में ये बात समझ में आ जाना चाहिए है ना तो इस वजह से तो ऐसा नहीं समझ आ रहे सहाबा करते थे इतने बड़े बड़े तो हम क्या ये इब्तदाई दौर था उनको पता नहीं था आयतें उतर रही थी और बातें समझाई जा, जा रही थी तो आपने पूछा क्या तुम जानते हो होबद क्या है तो लोगों ने कहा सहाबा रजी अल्लाह ने अर्ज किया अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं हमको तो नहीं पता अल्लाह उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं कि किबत क्या है ठीक है ईबत क्या है अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को समझा रहे हैं आपने फरमाया कहा कि कहत क्या है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम्हारा अपने भाई का ऐसे अंदाज से ज़िक्र करना जो इसे नापसंद हो ठीक है तुम्हारा अपने भाई का ऐसे अंदाज़ में जिक्र करना जो उसे नापसंद हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया फिर सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह के रसूल जो किसी का ऐब जिक्र किया गया है वो उसमें है जो भाई का हम ऐब ज़िक्र कर रहे हैं वो उसमें है मतलब जो बुराई हम बयान कर रहे हैं वो उसमें है एक सोते पड़े रहता है एक बहुत मोटा है एक काला है एक भूरा है एक लंगड़ा है एक लूला है एक की बीवी फुला है एक कैसा है एक की बच्ची है है प्रॉब्लम है उसमें है उसमें वो इशू है मतलब साहबा क्या पूछ रहे हैं आप अल्लाह के रसूल फरमा रसुलमारे तुम्हारे अपने भाई के बारे में ऐसा ज़िक्र करना कि उसके सामने किया जाए तो उसे बुरा लगे तो साहबा क्या पूछ रहे हैं वो चीज़ उसमें है मतलब हम कोई ऐसी चीज़ नहीं पूछ रहे जो उसमें नहीं है वो गुनाह वो करता है ठीक है तब देखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे जब साहबा ने कहा वाकई में उसमें वो चीज़ है मौजूद है तो आपने फरमा कहा वो वाकई इसमें मौजूद हो तो, तो क्या फिर भी वो वोबत है तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया तो आपने फरमाया अगर वो ऐब इसमें है मौजूद है तभी तो वो ईबत है वरना फिर वो बहतान है क्या फरमाया जिक्र कर रहे तभी तो वो वीबत है और अगर इसमें वो ऐब मौजूद नहीं है तो वो बहुत है जो बात तुम कह रहे हो उसमें वो है वो लंगड़ा है वो काला है वो मोटा है वो गिद्दा है वो फुना है वो ज़्यादा सोता है आप जो बोल रहे वही है वो उसमें अगर वो है और तुम बोल रहे हो पीठ पीछे तो ग़ीबत है और अगर उसमें वो नहीं और तुमने कहा तो बहुतान है बहुतान समझते आप इल्ज़ाम है आपने एक ऐसी बात किसी मुसलमान के बारे में कही जो उसमें मौजूद है ही नहीं इसको बोलते बहुतान सफ़ेद झूठ खुला इल्जाम झूठा इल्जाम आपने उस पर बहुत तराशा एक झूठ बांधा सफ़ेद झूठ बोली आपने बांधा मतलब एक आदमी गोरा बोल रहे काला है सफ़ेद झूठ ये बहुत है उस पर समझिए आप लेकिन एक आदमी वाकई में काला बोल रहे वो काला है ये गई बात समझिए आप बात समझ रहे आप बात तो है वो चीज है उसमें लेकिन उसका कंसर्न पब्लिक से नहीं है तो उसको आम नहीं कर सकते आप बोल नहीं सकते उसको तो उसका जाती अमल है उसमें वो गलती समझ रहे आप लेकिन आप उसके सामने बोले बुरा लगेगा एक आदमी ज़्यादा खाना खाता है उसके सामने बोलने से बुरा लगता है सामने मत बोलो हाँ उसकी असलाह अगर मकसूद है तो अकेले में पकड़ के ज़रूर समझाओ कि इससे नुकसान हो सकता है सेहत ज़्यादा ख़राब हो सकती है हाँ बेली फैट बढ़ जाएगा पेट बड़ा हो जाएगा बीमारियाँ बहुत होती चलने मुश्किल होती नमाजों में रुखू से उठने मुश्किल होंगी मेरे भाई खैर खाई के जज्बे से बोल रहा हूँ बुरा लगे तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे माफ़ कर दें ये आप कर सकते ये जायज़ है लेकिन आप क्या कर रहे हैं किसी और के पास जाओ क्या खाता वो अब उसको बुरा लगता है उसके सामने बोले तो कितना खाता उसने अनलिमिटेड खा रहा हूँ अच्छा दूसरे लोगों को बड़ा मजा आता सुनने अरे तू उसका क्या बोल रहा मेरे पड़ोसी का सुन मतलब तेरी हिबत क्या है चिल्लर मेरी हिबत बताता मैं क्या इन्हें और नया वाक बोलता है और मतलब बहुत खुशी से बहुत आराम से चल रहा है मतलब ऐसा लग रहा है कोई बात ही नहीं एक मतलब बिल्कुल ऐसा जुर्म की कर लिए तो ठीक नहीं करे तो कोई मसला ही नहीं मतलब ऐसा कोई गुना जिस पे गुना नहीं लिखा जाता कर भी लेता ठीक नहीं भी करे तो को मसला नहीं ऐसा हो रहा ये इतना संगीन जुर्म है किबत क्या है तुम अपने भाई का ऐसा ज़िक्र करो कि उसे बुरा लगे तो कहा कि उसमें वो चीज़ है जो हम बोल रहे हैं तो अगर है तभी तो गईबत है अगर नहीं है तो मोहतान है हम आप बहुत सारे लोग बोलते हैं ना अरे वो मोटा है तो उस क्या बोलना फिर भाई वो उस मोटे का नाम अब्दुलरहमान है नाम से पुकारो अब्दुल्ला है नाम से पुकारो उसका नाम मोटा नहीं है उसको बुरा लगता नहीं नहीं वो है ना तो रियली है तभी तो ग़ीबत है वो चीज़ उसको बुरी लगेंगी सामने आपका हो तो वो ग़ीबत है अब एक सवाल हाँ कोई ऐसा मोटा है जिसको पसंद आए मोटा बोलना बोलिए फिर मसला नहीं ये गीबत में नहीं आता एक आदमी खुद बोल रहा है कि भाई मैं मोटा हूँ और अगर कोई मोटा बोले तो बोलता अरे यार कहाँ मोटाऊँ एक सौ से एक हो गया मैं मोटा बोल रहे तुम तो अभी भी मतलब वो उसके लिए कोई बात नहीं वो लाइक लेता है उसको नाम से पुकारे तो बोलता उसको समझ में नहीं आता उसको पुकारा जा रहा है क्योंकि और वो खुश होता है उसको कोई प्रॉब्लम तो ऐसी जगह लिखते हैं तब ग में नहीं आता है कोई आदमी काला लो है लोग बोलते अरे वो काला क्या अपना और उसको कोई प्रॉब्लम वो खुश होता है तो बहुत सारे लोगों के देखिए आप नाम असवद अबू असवद हाँ काले का बाप काला अरबी में थे लेकिन उनको बुरा नहीं लगता था मतलब वो नाम था उनके लिए कोई बुराई नहीं थी वो बल्कि उसको बुरा मानते ही नहीं थे तो उनके लिए मसला नहीं लेकिन अब आप ये हदीस बता के उसको नहीं बोलना देख तू मोटा है ना तो बुरा मत मान तो हम गिबत से बच जाएँगे तो मोटा बोलते रहेंगे नहीं आप मना नहीं सकते उसको तो उसकी मर्ज़ी उसको बुरा नहीं लगता और वो उसमें इन्जॉय करता है या वो समझता है बोला जाए है ना कुछ लोग होते हैं देखिए कालू भाई वो नाम ही रहता उनका लोग दूसरे नाम से उनको पहचानते ही नहीं और उनको भी अगर आप बोले ना रहमान साहब तो बोलते अरे बचपन अमी ने एक बार बुका रहे थे नाम से उसके बाद तो यूज ही नहीं हुआ ये नाम यहाँ तक कि बच्चों की शादी कार्ड में भी कालू भाई लिखा हुआ तो उनको प्रॉब्लम नहीं है उनको काले बोलने से प्रॉब्लम नहीं है इसलिए कि उनका नाम है या फिर वो पसंद करते हैं उस चीज़ को और उसमें कोई इश्यू नहीं अब वह वस्वाद असवद या कोई समीन मोटा है और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है बोलने तब ईबत नहीं आएगा लेकिन आप ये हदीसों से ये हवाला लेके दूसरों की बत बोलो तू काला है ना काला बोले तो बुरा लग रहा तो बुरा लगना छोड़ दे तो हम हमीबत से बच जाएंगे नहीं आप नहीं उसको बना सकते बट ही कैन वो चाहे तो उसको बुरा ना लगे तो वो बोल सकता है आप बोलो मुझे बुरा नहीं लगता तो ये बात याद रखी तो अपने भाई का जिक्र करना ऐसा कि उसके सामने किया जाए तो उसे बुरा लगे ये यही है मैं समझता हूं मैंने एकदम क्लियर किया मैं हदीस में और भी चीजें रखूंगा ताकि और इसकी क्लेरिफिकेशन वजाहत होती रहे बीच बीच में ठीक है तो कोई भी छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी ये नहीं आप बोल सकते यार इतनी छोटी चीज बोल रहे तो सुक्का है तो सुक्का ही बोलेंगे ना उसको बुरा लगता दुबला एकदम आदमी मत बोल बोलिए तू यार हकीकत में गिड्डा नब तीन फिट करते तो क्या बोलना उसका नाम है आप नहीं बोल सकते अगर आपने कहा उसके पीठ पीछे तो ये क्या हुआ यही गई यही गई यही गई याद रखिए ये बात हमको समझ में नहीं आती नहीं है ना उसमें हदीस में वही है तो ही गीबत अगर नहीं है तो बहुतान है इल्ज़ाम है समझ रहे बहुत डेंजरस बात है ये तो बहुतान तोबत से भी ऊपर ले जाता है ऐसा कोई काम अपने भाई के बारे में बोल देना जो उसमें नहीं है ये तो ऐसा बड़ा जुर्म है कि अल्लाह ताला अल्लाह ना करे साबित करो बोला क्यामत के दिन तो नहीं कर पाएंगे खजा ही अल्लाह उन्हें साबित करो पहले कर ये जुर्म कैसे साबित करूंगा कि वो ऐसा था इल्ज़ाम लगा दिया झूठा है फुला है आप कैसे साबित करो बहुत नहीं है तो समझ रहे आप तो इस चीज को याद रखें इस चीज को समझें लोग बहुत सारी बार अपनी तारीफ के चक्कर में दूसरों को बदनाम कर देते हैं अरे वो क्या सोते पड़ा था अपने सफर के अंदर क्यों बोल रहे हैं आप अब क्या लेना देना उसके सोने से क्यों बदनाम कर रहे हैं उसका ये लेना देना नहीं है किसी पब्लिक मामला से क्या लेना देना उसका हाँ वो पब्लिक ऑफिसर है और फिर सोते पड़ा रहता है जब काम का टाइम है तब आप बोल सकते हैं कि बत में नहीं आएगा कि तुम्हारा काम है जागना और काम करना तुम सोते हो तब तो ठीक है लेकिन ये तो ठीक नहीं है कि आप किसी की जीती चीज़ जिसका पब्लिक से कोई लेना देना नहीं मामला से कोई लेना देना नहीं उसकी जॉब नहीं है वो आप उसके ज़िम्मेदार नहीं है फिर आप खामुश रहिए ज़्यादा अच्छा है आप ये कह सकते हैं हाँ भाई रहते लोगों में कुछ चीज़ें तो मैं बयान नहीं कर सकता हूँ आप खुद देख लीजिए क्या है ठीक लेकिन आप जिम्मेदार है कोई एक अलग बात है इन आखिर वो भी रहेंगे हिबत क्या नहीं होती और कब किया जा सकता है इन चलिए आगे बढ़ते हैं ठीक है तो इस चीज़ को आप याद रखें ये हजतलिविदा का एक खुतबा है जो बुखारी के अंदर ये रिवायत आती है नबी करम सल ने क्या फरमाया सुनिए

इसी तरह हरमत वाले हैं जैसा तुम्हारे लिए आज का दिन आज ये महीना और ये शहर हरमत वाला है ख़बरदार हो मैंने इसकी तबलीग तुम तक कर दी क्या फरमाया तुम्हारा खून तुम्हारा माल तुम्हारी इज़्ज़त और आबरू एक दूसरे पर ऐसे हराम हैं जैसे आज का दिन योम नहर बहुत मुकद्दस दिन है याद रखिए मुबारक दिन है बकरीद का जैसे ये दिन ये महीना महीना कौन सा जिल हिज्जा का महीना वाले महीनों में और ये शहर ये शहर कौन सा शहर मक्का शहर जितना मोहतरम है ना वैसे ही एक मोमिन का है बल्कि आपने तो एक मरतबा काबे से कहा कुछ रात में था कि तू मोहतरम है लेकिन तुझसे भी मोहतरम एक जात रहती है वो मोमिन है क्योंकि काबा मिट्टी और पत्थर का बना है टूटकर फिर बन सकता है

महीना जो था जो हिज्जा का उतना ही ना तो इस बात को याद रखिए इज़्ज़तें मत एक दूसरे की मजाक मत समझिए आज हमने मामूली समझ लिया जिस मजलिस में बैठे यही चल रहा देखिए आप औरतों में तो इस कसरत से जिससे को इंतहान है मर्दों में तो का दुख का कभी सोमे से एक बोल देता ख्याल लगा के बैठे चलो छोड़ो यार औरतों में तो ऐसा तो है कि कोई अगर बोल के चले जाओ बड़ी आई फरिश्ता चल निकल यहाँ से चलाओ भाजी अपना शुरू करो कंटिन्यू पागल औरत आके डिस्टर्ब करी दुनिया में जीना है तो ये सब तो करना पड़ता है गोए गाड़ी के अंदर फ्यूल पेट्रोल का काम कर रहा है पेट्रोल नहीं दो गाड़ी नहीं चलती गबत नहीं होगी तो फिर मजलिस में आने का फ़ायदा क्या हुआ महफिल में जमे क्यों हम जब गबितें नहीं हो रही किसी की तो उन्होंने शादी करके लाया तो बहू कैसी गीबें करो उसकी उसने लड़ रही अपनी सास माशा कितना अच्छा हो रहा तो असलियत कुछ भी नहीं आवाज़ें आ रही आ रही रोज़ आती थी आवाज़ लेकिन दिन बहू आ गई नहीं तो लगा झगड़ा हो रहा है आप बोलता गीबत भी नहीं इल्ज़ाम लगाया जाए अगर वाकई में हो रही है और आप खामोखा लोगों में फैला रहे उस पर बेचारी की गिबत कर रहे ज़रूरत नहीं हाँ उसके ज़िम्मेदारान को आप बोले वो एक अलग मसला है समझ बहर रहा है बहरियाल तो हमने मामूली समझा मोमिन की इज़्ज़त का अहतराम कीजिए आदत ठीक है और ज़बान की हिफाजत बड़ी अहम चीज़ है बड़ी अहम चीज़ है चूँकिबत किस चीज़ से होती है ज़बान से आइए नबी अक्रम सल्ला वसम क्या फरमाते हैं इस तल्लु से जो रिवायत है सही बुखारी की रिवायत है और जो है सहल बिन साद रज़ी अल्लाह उसके रविओं फ़रते और कहते हैं नबी अक्रम सल्ह फरमाया कि जो शख्स मुझे दो चीज़ों के दरमियान वाली चीज़ों की ज़मानत दे दे मैं उसके जो है जन्नती होने की ज़मानत देता हूँ और फिर फ़रमाया वो दो जबड़ों के बीच में और वो जो टांगों के बीच में दो चीज़ों की ज़मानत दे दे दो चीज़ों के बीच में मैं उसके जन्नती होने की ज़मानत देता हूँ वो जो उसके जबड़ों के बीच में और वो जो उसके टांगों के बीच में मतलब जो इंसान अपनी ज़बान की ज़मानत दे दे इसे गलत इस्तेमाल नहीं किया और अपनी शर्मगा की ज़मानत दे दे इसे ग़लत इस्तेमाल नहीं किया वो शख्स क्या अल्लाह के रसूल गारंटर है अलैहि वसल्लम की मैं जन्नती होने की ज़मानत लेता हूँ मतलब वो खड़े रहेंगे अल्लाह के पास की इसकी जमानत मैं लेता हूँ जबान जबानी बच जबान से होती है ना उसको कंट्रोल में रखा जाए ठीक है वैसे जबान को कंट्रोल गुण गुण में रखने से बहुत सारे गुनाहों से बच जाते हैं याद रखिए अल अलकबायल अल्लाह मज़ाहबी अल्लाह ने किताब लिखी जिसमें सत्तर कबीरा गुनाह गिना आपने सत्तर में से मैंने एक बार गिना तो चालीस से ज्यादा से जबान से होते हैं चालीस से ज्यादा मोर देन फोर्टी एक्सेस जबान से होते हैं गाली लड़ाई झगड़ा है ना जबानी उसकी हसद जबान से इधार होता है हसद का है ना इल्जाम तराशी चुगली लोगों को अलकाब देना चीड़े लगाना सब जबान से होता है है ना झूठी गवाही देना जबान से होता है अल्लाह का इनकार करना जबान से होता है और मैं नहीं मानता जबान से करो ना जबान से काफ़ी लोगों ने जबान से इनकार किया ना अल्लाह जबान से होता है बहुत सारे बुनायाद जबान से होते हैं बहरहाल आगे आइए हम देखते हैं अबू मूसा अशर रजन फरमाते हैं मैंने कि मैंने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों में से अफजल कौन है अफजल मुसलमान कौन है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि अक्रम फरमाया जिसकी जबान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज हो अफज़ल मुसलमान वो है जिसकी हाथ से और जबान से दूसरा मोमिन भाई महफूज हो वो कौन है अफजल मुसलमान है अफजल समझते ना अच्छा मुसलमान है बरतर मुसलमान है आम मुसलमानों में उसका दर्जा अच्छा है ठीक है अफजल मुसलमान ने याद रखिए वो इंसान जो क्या करता हो जिसके हाथ और ज़बान से दूसरा मुसलमान महफूज है अब जैसी ऐसी हदीसी आती है नहीं है तो हम फौरन इधर वाली पार्टी बन जाते हैं हाओ मेरे पे उन्हें हाथ उठाया तो मेरे पे खिलाफ़ ज़बान चला नहीं नहीं नहीं, नहीं 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 अपने बारे में सोचो हमने किस किस पे क्या किया हमारा मामला क्या होता जब भी जैसा पड़ोसी के हकूक़ तो मैं पड़ोसी बन जाता और उससे हकूक मांगता बाजू वाले से अरे ये अच्छा सिस्टम है ना कर्ज ना लौटाने का अंजाम तो फौरन मैं जिससे लिया उसका नहीं सोचता मैं बन जाता जिसको दिया हाउ इन्हें नहीं दिया ना आ, हाँ इसका अंजाम बुरा हूं अरे तुमने किससे लिए उसका सोचो साहबा भी जब आए थे उतरती की, तो दूसरों को नहीं डालते अपने आप को डालते मिसाल हंजला रजी अल्लाह हंजला रजी अल्लाह ने एक मरतबा घर से निकले परेशान और तेज चल के जा रहे और वह सिद्दीक रास्ते में मिले हंजला क्या हुआ तो कहा हंजला तो मुनाफिक हो गया तो कहा क्यों क्यों लगता है तुमको तो कहा जब अल्लाह के रसूल की, की मजिस में होता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान का तखाजा अलग घर पे जाता तो ईमान का तकाजा कम हो जाता है तो कहा मेरी कैफियत भी है चलो पूछते हैं चलो। तो जब मुनाफिकत की तो मुनाफिक की दो चेहरे होते हैं तो हंजल रज़ील हम क्या सोच रहे मालूम नबी की मौजूदगी में ईमान अलग घर पर अलग मतलब मैं मुनाफ होता तो सहाबा अपने नफूस अपने आप को डालते थे जब गुनाह की बात आ रही है और हम फौरन दूसरों को डाल के अपने आप को सेट करते मजलूम की जगह और वो जालिम बन जाते नहीं नहीं अपने आप को सेट करो अपने आप को सेट करना है यहां ये नहीं सोचना है कि मेरे हाथ से मुस्... मतलब मैं कितने लोगों का जुल्म का शिकार बना हदीस क्या है अफजल मुसलमान मुसलमान वो जिसके हाथ हाथ और और से से दूसरा महफूज हो तो आप मुझे देखना है कि मेरे हाँ और जबान से किसी को तकलीफ तो नहीं हुई लोगों ने मुझे क्या किया वो नहीं सोचना है अब मैंने क्या किया साहब अपने आप को डालते थे दूसरों को नहीं अपने आप को मजदूर नहीं अपने आप को पड़ोसी नहीं बनाते जब पड़ोसी के हूक आते थे वो ये कहते थे मेरा पड़ोसी मेरे से कैसा है वो देखते थे तो वैसा मुझे और आपको करना है क्या करना है? वैसा मुझे और आपको करना है तो आप अपने आप को दादा मेरे हाथ से किसी मुसलमान की तकलीफ तो नहीं ना और मेरी जबान से किसी को मैं नुकसान तो नहीं पहुंचाता हूँ ना वर हाथ से तकलीफ तो लोग इतने आसाए मैंने देखा गाड़ी गाड़ी लग गई ठीक है ना तो गला कैसा पकड़ सकते आप इसकी इजाज़त किसने दी आप इसकी इजाज़त किसने दी आपको बताइए किसी गला पकड़ने की गाड़ी से गाड़ी की टक्कर हुई ठीक है लेकिन इसकी इजाज़त की आप हाथ उठाए उस पर ये ना कोई दुनिया का क़ानून देता है और ना ही शरीय क़ानून देता है समझिए आप इस्लाम एक बहुत ऊंचा दीन है वो तो अपने मानने वालों को बहुत ज़बरदस्त नसीहतें करता है समझ रहे आप समझ रहे एक बीच में ऐड आया था एक इंश्योरेंस कंपनी का दो लोग टकरा जा रहे एक दूसरे से मिल रहे नारियल पानी पीते बैठे चुके। इंश्योरेंस कंपनी आएंगी, दोनों को दे देंगे लेकिन आपको बताएँ ये मामला मुसलमानों का सदियों से चला आ रहा है आप गल्फ़ वगैरह में सऊदी अरब में कभी रहे होंगे गाड़ी से गाड़ी टकरा जाती है दोनों निकल के सलाम करते एक दूसरे की खैरियत पूछते माफ़ी मांगते गाड़ी क्यों गाड़ी वहाँ छोड़ दिए लोग आके उसको करेंगे जो करेंगे लेकिन कभी लड़ाई करते हुए देखेंगे हो गया ना जो होना है ऑलरेडी माली नुकसान हो चुका है समझ समझे रहे? गलती किसकी भी रहो यह आदत ये आदत हाँ एक इला माशाला गुस्सा फ्रस्ट्रेड एक्सपैट है घर के हालात ठीक नहीं तो एक अलग बात है आदमी गुस्सा नहीं है लेकिन जनरल सेंस में देखिए एक दूसरे को सलाम करेंगे उतरती सबसे पहले हाल अहवाल पूछेंगे गले लगेंगे दुआएं देंगे सब चक्कर ख़त्म होने के बाद गाड़ी क्या फिर देखेंगे ये लास्ट चीज़ ये लास्ट चीज़ हो गया हो इसी बहाने अल्लाह ने मिला दिया समझ बल्कि ये कई बार नए रिश्ते बनने की वजह बन जाती क्या इसको गाड़ी को लगी हाँ ऐसे हालात देखा मैंने एक साहब आए गाड़ी को टक्कर मारी गई जनरली वहाँ गाड़ियों में अपने मोबाइल नंबर रखे लोग सामने रखते हैं अगर मेरी गाड़ी से तकलीफ है तो मुझे कॉल करें पीछे लगाते आगे रखते हैं उसने नंबर पे मैसेज किया मैं अर्जेंट मीटिंग में जा रहा हूँ आपकी गाड़ी को टक्कर लग गई है बना लीजिए जितना पैसा ले ले। तो हो मुझसे आके ले लें क्योंकि मैं जल्दी में हूँ रुक नहीं सकता हूँ लेकिन मेरी गाड़ी से लगा कोई देखने वाला था कोई भी नहीं लेकिन उसको पता है ये भाई आके हाथ नहीं उठाएंगा उस पर ये भाई आके उसका माली नुकसान नहीं करेंगे अच्छा मेरी गाड़ी को मारा ले पत्थर लेके उसकी गाड़ी और तोड़ दी नहीं उसने डाल के गया मैसेज एस एम एस किया कि मेरी गाड़ी से आपकी गाड़ी को टक्कर लग गई आप मेहरबानी करके मुझसे कांटेक्ट करें गाड़ी बना ले अपनी जो चार्जेसों मैं पे करूंगा मैं जल्दी मेरा इसलिए रुक नहीं पा रहा समझिया ऐसे लो ऐसा होना चाहिए हाथ से और जबान से दूसरा मुसलमान अगर मेरे हाथ और जबान से महफूज है मैं अफजल मुसलमान नहीं तो फिर सोचें हम सोचें बहुत सोचने की बात है हमारे मुल्कों में ज़रा ज़रा बातों पर हाथ उठा देते हैं और माली नुकसान करते लोग बिल्कुल नहीं माली नुकसान यही नहीं कि आप किसी घर तोड़ दें माली नुकसान सिर्फ यही नहीं कि उसका माल चुरा ले माली नुकसान ये भी है कि आप किसी घर में खाना खाए और पर्दों से हाथ पहुँच के आए उसका माल डैमेज होता है उसके पर्दे महंगे ख़राब हो सकते हैं समझिया बहुत एहतियाती माली नुकसान नहीं होना और मेरी इज्जत ना होते रहे तो जिसकी ज़बान से जिसके हाथ से रूसा महफूज है वह अफजल है आइए आगे बढ़ते हो आमिर बिन अबार फ़रमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल सल्ला वसुम नजा पाने का तरीक़ा क्या है नजात पाने का तरीक़ा क्या है मैं कैसे सक्सेसफुल बनूँ नजात पाऊँ नजात से मुराद आख़िरत में कैसे कामयाब रहूँ सुनिए नबी करम सल्लम क्या फ़रमाते हैं उनको आपने फरमाया अपनी ज़बान पर मुकम्मल कंट्रोल रखो क्या फरमाया उस सहाबी को आपने कि किबा अपनी ज़बान पे मुकम्मल कंट्रोल रखो ये बात जबान से होती है ना इस ज़बान के बारे में बातें रख रहा हूँ अपनी ज़बान पे मुकम्मल कंट्रोल रखो फिर फरमाया रखो और फरमाया अपने घर में टिके रहो मतलब बिला ज़रूरत घर से मत निकलो बिला ज़रूरत बात मत करो अपने घर में टिके रहो और अपने गुनाहों पर खूब रोया करो ये निजात का जरिया है अपनी जबान पे कंट्रोल रखो खामोखा मत चलाओ अपने घर में टिके रहो बेवजह घूमने फिरने बाहर नुकड़ों पे खड़े रहने की आदत मत डालो बिला जरूरत रास्तों पे खड़े मत रहो बिला जरूरत घर के बाहर मत रहो और अपने आंसू बहाओ घर में रह के रो अपने गुनाहों तो तुम ना जा पाते जबान पर कंट्रोल बेवजह बाहर ना जाना गुनाहों पर रोना न जा आज जबान पे कंट्रोल तो छोड़ दीजिए आप किसी का किसी पे भी नहीं उनवान ज़बान पे नहीं है इसलिए मैं तफीलत में नहीं जा रहा उनवान गीबत पर जबान से होने वाले एक जुर्म पर बात हो रही है लेकिन ज़बान की एहतियात करना उससे रोके रखना बहुत ज़रूरी है ज़बान की क्या हलाकतें होती है मेरा एक तफसीलीन इस पर हो चुका है जबान की हलाकतें आप उसको नेट पर देख सकते हैं आगे आगे बढ़ते हैं जाम त्ररमेज़ी की रिवायत है अबू सईद खुदरी रजिए फरमाते और कहते हैं कि नबी अकरम सल्ला ने फरमाया जब इबन आदम सुबह उठता है ठीक है नींद में से उठता है तो इसके तमाम अज़ाय जिसम इसके ज़बान को लान करते हैं तू सीधी हो जा तू सीधी रहे तेरी वजह से सब हमारा मामला है तू सीधी रहेंगी तो हम सीधे रहेंगे तू बिगड़ जाएंगी तो हम बिगड़ जाएंगे तो लान करते हैं और कहते हैं हमारे मामले में अल्लाह से डर डर क्योंकि हमारी अमन और सलामती या हमारी शामत तुम्हारी वजह से पूरे आजा जहनुम में जाएंगे ना जबान के जो आदमी गिबत करेंगे झूठ बोलेंगे तो खाली ज़बान थोड़ी जाएंगी पूरा आदमी जाएंगे तो लान तान करते रहो कहते अल्लाह के मामले में तू हमारे मामले में अल्लाह से डरती रहे कि तो तेरे वजह से हम सलामत रहेंगी या तेरे वजह से हम सजा भुगतने वाले हैं समझ रहा जबान जबानीबत भी जबान से होती है इसलिए मैंने जबान के बारे में यहाँ बातें रखी याद की आइए आगे, आगे बढ़ते मालिक रजी फरमाते अबाउद की रिवायत आपने फरमार कहा जब मुझे मेराज दिखलाई गई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु रसील्ला फरमा जब मुझे मेराज दिखलाई गई मैं मेराज में गया आसमानी सफर किया जन्नत का सफर कराया गया और जहन्नुम भी दिखलाई गई क्या तो फरमाते और कहते हैं मैंने कुछ लोगों को देखा उनके पास से गुजरा जिनके नाखुद तांबे के हैं नाखुद नेल्स तांबे के हैं पीतल के हैं चूंकि अभी में जो धात का अल्फाज है वो दोनों के लिए इस्तेमाल होता है पीतल के लिए भी और तांबे के लिए भी तांबे के हैं ये पीतल के मैंने उनके नाखून देखे नाखून तांबे के थे इनसे वो अपने चेहरों और सीनों को नोच रहे थे और तांबे के नाखून से जब आदमी आम नाखून से नोचे तो पूरा घसरे लग जाते लेकिन वो छिल रहे थे और सीनों को छिल रहे थे हजार सी बात है सब गोश्त निकल के आ जा रहा हूँ तो अपने चेहरों को और सीनों को नोच रहे थे छिल रहे थे मैंने पूछा है जब्राइल ये कौन लोग हैं ये क्या सज़ा है क्यों मिल रही है इनको ये सज़ा तो ये लोग कौन हैं इन्होंने फरमाया ये वो लोग हैं जो लोगों का गोश्त खाते थे ये लोगों का गोश्त खाते थे और इनकी इज़्ज़त और आबरू को दर पे होते थे इनकी इज़्ज़त और आबरू उतारते थे लोगों का गोश्त खाते थे और उनकी इज़्ज़त आबरू उतारते थे। लोगों गोश्त खाते से मुराद क्या है लोगों की ईबत करते थे लोगों की ईबत करते थे ठीक है इसलिए कि अल्लाह इज्जत ने कुरान के अंदर याद रखिए गीबत को इसी से तजबी दी

लोगों के बारे में बदगुमानिया मत रखो इन्हें ऐसा दिख रहा तो ऐसा होगा इन्हें फला है तो ऐसा करता हूँ इन्हें मालदार है लेकिन गवर्नमेंट जॉब पे तो रिश्वत लेता हूँगा जन है यकीन नहीं तो आप बचो बदगुमानियों से बचो ठीक है इसलिए कि बहुत सारी बदगुमानियाँ गुना हैं फिर फरमाया सुनिए आगे क्या फरमाया तजसूल और एक दूसरे की जासूसी मत करो जासूसी है याद रखें हाँ तहस जाए तहस क्या होता है किसी के मामला में गौर करना ताकि कुछ अच्छा निकाले मेरे पड़ोसी के भूखे तो नहीं सोते गरीब दिखते हो तो तहसुस से मालूम लिया मैंने हो यार भूखे सोते और खाना भेजना शुरू किया ये तहसुस है है क्या होता है? किसी के पीछे पड़ना कुरेदना चीजों को ताकि उसकी बुराइयां निकाले ये मना है तो फिर फरमाया वला तजस और जासूसी मत करो एक दूसरे के पीछे तो हमें मत लगे रहो अमाल के फिर फरमाया वला और एक तुम में से कोई किसी की गीबत ना करे फिर फरमाया क्या तुम में से कोई तो पसंद करेंगे अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाना मतलब किसी की गईबत करना उसके गोश्त खाने के बराबर है वो भी मुर्दा भाई का एक मुसलमान मर गया फिर आप उसका गोश्त खा रहे निकाल के अगर क्या तुम पसंद करोगे किसी मुर्दार भाई का अपने गोश्त खाना फिफरमाया मई तन फ़करह तुम तुमको इससे घिन आएंगी तुमको इससे किरात आएँगी वक़ुल्ला तब्रहीम तो अल्लाह से डरते रहो अल्लाह तोबा कबूल करने वाला माफ़ करने वाला मतलब ये गुना कबीरा है तबा करना ज़रूरी है जिन गुनाहों पर तोबा के अल्फाज आते हैं वो गुनाह कबीरा होते हैं जिन गुनाहों पर सज़ाएं दी जाती है वो गुनाह कबीरा होते हैं जिन गुनाहों पर जहनमुम की वईद आती है वो गुनाह कबीरा होती है यहाँ का तौबा करो गुनाह कबीरा ही गुनाह कबीरा है और अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना है तो यहाँ हदीस में क्या आया वो गोश्त खाया करते थे मतलब क्या करते थे ईबतें किया करते थे ठीक है आगे आइए हम देखते हैं इस गुनाह को हमने बड़ा हकीर समझ लिया है ना जबकि अल्लाह की नज़र में गुनाह बहुत संगीन जुर्म है आइए और भी हदीस सुनिए कितनी सख्त है ईबत के बारे में सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो शख्स अल्लाह जोश अल्लाम आखिरत पर ईमान रखता है वो अपने भाई के बारे में भली बात कहे या खामोश रहे जो शख्स जोश् रोज़े आखिरत पर ईमान रखता है वो या तो भली बात करे या फिर खामोश रहे जो शख्स अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखता है वो शख्स बात करे तो अच्छी करे वरना मुंह बंद रखे हम लोग दो लोग मिल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं कर रहे हैं तीसरी की मिलो तो अच्छी बात करो अच्छी बात नहीं है स्टॉक खत्म खामोश खामोश ये तो हो ही नहीं सकता खामोश खामोश रहने वाला तो मुतकबीर हो जाता हमारे पास अरे तो तकबूर बात भी नहीं करता अब वो देख रहा मजलिस में फालतू बातें हो रही क्या करे बेचारा खामोश बैठना पसंद करता है समझिया हिबत को मजाक मत समझिए अच्छी बात करो वरना खामोश रहो ज़्यादा बेहतर है ठीक इसी तरह एक रिवायत आती है अबू दाऊद की रिवायत है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कहा कि ए लोगो जो फ़कत ज़बान से ईमान लाए हो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे लोगों के ताल्लुक से ईमान वालों के ताल्लुक से ए लोगों जो फ़कत ज़बान से ईमान लाए मतलब बोलते हो दिल में भी ईमान नहीं उतर आए जबान से ईमान लाए हो और ईमान इनके दिल में दाखिल नहीं हुआ है तुम मुसलमानों की कीबतें करना छोड़ दो मतलब जो लोग मुसलमानों की कीबतें करता है उसका ईमान कमज़ोर है वो जबान से बोलता है दिल में नहीं है अभी अ वो लोगों जो जबान से ईमान लाए हो दिल में ईमान नहीं पहुँचाए तुम लोग मुसलमानों की गीबत करना छोड़ दो ठीक है या फिर आप मुनाफिकन से खिताब कर रहे हैं शायद कि मुनाफिक हो मुसलमानों कीबत करना छोड़ दो चूँकि मुनाफिक दिल से ईमान नहीं लाता ठीक फिर फरमाया तुम मुसलमान की गीबतें करनी छोड़ दो इनके ऐबों को कुरेदना छोड़ दो गीबत मत करो इनके ऐबों को कुरेद मत ये दो काम तुम्हारे तो हमारे काम है ऐब टटोलना एक करना और लोगों के आय कुरेद कुरेद के निकालो को बोल रहा है ये औरत बहुत अच्छी है कैसी अच्छी है इसके खिस्से में निकाल अगली मजलिस में जाके अरे वो औरत कैसी है वो दूसरी खूब गबतें कर खूब खाया कर रही, पी के आती पूरी खाई फिर दूसरी मजलिस में ये खा करती जाके और लोग वो खाया को चाट रहे ही हाल है ये ख्या की मिसाल मैं छोटी दे रहा हूँ आपको गिबत के मांगों में यहाँ तो मुर्दार भाई के गोश्त खाने के बराबर है समझिए तो कहा तुम ऐप टटोलना छोड़ दो कुरेदना छोड़ दो याद रखो अब वार्निंग बहुत खतरनाक गया अब सब सुन लो बहुत प्रैक्टिकल वार्निंग है अपनी जिंदगी में आजमा के देख लो ये वार्निंग को आजमा के देख लो नबी, क्या फरमाया सुनो याद रखो अगर तुमने इनके ऐप टटोले याद रखो अगर तुमने मुसलमानों कीबतें की और की उनके ऐप टटोले बात सबके लिए हो रही है ऐ टटोले अल्लाह ताला तुम्हारा तुम्हारे पोशीदा बातों को लोगों में जाहिर कर देगा अगर तुमने लोगों की करना नहीं छोड़ी और ऐप टटोले तो अल्लाह तुम्हारी छुपी हुई जिंदगी की बातों को राजों को लोगों के सामने लाएंगा सुन लो बहुत और आजमा लो अपनी जिंदगी तुम्हारे छुपे हुए गुनाहों को राज को अल्लाह जाहिर कर देगा पब्लिकली अगर तुमने लोगों की गीबतें की और ऐप टटोले अल्लाह रहम करे और आप देखिए जो गीबतें करने का जो मिजाज बना लेते हैं ना अल्लाह रहम करे उनकी सारी ज़िंदगी को अल्लाह सड़कों पर ला देता है जो गीबती मशहूर लोग होते हैं ना गीबतें खूब करते हैं इनकी पूरी ज़िंदगी लोग लो बोलते यार ये गीबत में जिंदगी गुजार दिया या गुजार दी तो बच्चे हाथ से निकल गए इसके खुद के मामला बिगड़ गए इसका शौहर सा जो सलूक करता है वो देखेंगे तो बोलेंगे क्या हाँ होता है अल्लाह करता है ये काम अगर तुमने ये अमल ना छोड़ा तो याद रखो अल्लाह तुम्हारे छुपे हुए राजों को लोगों में जाहिर कर देगा और अल्लाह जिसके पोशीदा बातों को जाहिर करेगा इसे इसके घर में ही रुसवा कर देगा और अल्लाह जिसके छुपे हुए राजों को जाहिर करेगा उसको उसके घर में रुसवा करेगा बाहर तो जलील होगा वो घर में भी जलील हो जाएगा उसको उसके घर में रुसवा कर देगा सुभान कितनी खतरनाक अल्टीमेटम दी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐ लोगों जो जोबें करते हो ऐप टटोलते हो सुन लो अगर ये बात तुमने नहीं छोड़ी तो अल्लाह तुम्हारे छुपे हुए राजों को जाहिर करेगा और अल्लाह जब किसी के राज को ज़ाहिर करता है तो उसकी घर में भी उसकी इज्जत बाकी नहीं रखता है आजमा लो आजमा लो जो लोग येबतों का काम करते हैं ना लोगों के अयुब ढूंढते ना कि जिंदगी अल्लाह कैसी बर्बाद करता है आप आजमा के देखो हो समझिए आप सख्त वही देना बिल्कुल छोड़ दो बिल्कुल छोड़ दो बिल्कुल नहीं बिल्कुल करना ही नहीं हमको भाई इतना इतना सब गुना कि हम हम रास्ते पे आ जा रहे हैं यार गुना किसी के बारे में बोल रहे हैं उन्हें मोटा है अल्लाह तुमको रास्ते पे पर तुम्हारे रास् खोल खोल किसी के बारे में तुम बोल रहे हो वो काला है फला है ऐसा है वैसा है कंजूस है उसका जाती मामला है ना कंजूसी तुम्हारे साथ तो नहीं कर रहा है ना तुम्हारा सौ रुपये की चीज़ें सौ दिया ना या सौदा जो आप कंजूसी का लेकिन सौदा तो तय हुआ ना फिर तुम कैसा कंजूस बोलते हो उसको मत करो वो उसका जाती मामला है उसका इंडिविजुअल मामला है हाँ, जिससे उसका मामला है बच्चे भूखे से दूसरों को, को भी दादा को चाप को, को समझाओ वो जायज है लेकिन मुझे इजाजत नहीं मैं दुनिया में भूलते कंजूस आदमी समझिए मत करो मत करो उसका पब्लिक मामला नहीं है उसका उससे कोई मेरा लेन देन नहीं जिसके वजह से मुझे तकलीफ हो रही है मत करो जाहिर मत करो ठीक है तो अल्लाह ज़ाहिर कर देगा और जो औरतें जो मर्द ये रिबत के चक्कर में है ना उनकी ज़िंदगी अल्लाह ने बर्बाद कर दी कर दी आइए आगे बढ़ते हैं रबत के नुकसान और देखते हैं अब दाऊद की रिवायत है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया और कहा जिसने किसी मुसलमान की बुराई की या जिसने किसी मुसलमान की बुराई की और एक निवाला उसके ज़रिए हासिल कर लिया दुनिया बेनिफिट हासिल कर लिया एक निवाला जिसने किसी मुसलमान की बुराई की रबत के शक्ल में झूठ बोलने की शक्ल में और एक निवाला एक लुमा उससे हासिल कर लिया इसे जहन्नुम में इसी की मिसल निवाला खिलाया जाएगा मतलब जो फायदा उससे उठाया वही चीज उसको खाने वहां भी दी जाएगी अल्लाह रहम में किसी मुसलमान के करके झूठ बोल के इल्जाम लगा के दुनिया का फायदा उठाए निवाला उसी का मिसल जहन्नुम का निवाला उसे खिलाया जाएगा मजाक नहीं है मजाक नहीं है मुस्नद अहमद की रिवायत है जाबिर रजी फरमाते और कहते हैं हम लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि अक्रम साथ थे तो एक बदबूदार हवा चली बहुत ही एकदम बदबू जिसमें होती बहुत ही बदबूदार हवा चली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जानते हो ये कैसी बदबू है उन्होंने कहा नहीं हम तो नहीं जानते ये इन लोगों की बदबू है जो मोमिनों की गिबतें कर रहे हैं ये उन लोगों की बदबू है जो मुंह से निकली है या इनके जिस्म से निकली है जो मोमिनों की कर रहे हैं और रिवायत में आता कुछ मुनाफिक एक जगह बैठ कर मुसलमानों की कर रहे हैं। तो उनकी गीबत की वजह से फिजिकली हवा में बदबू आई मतलब तो कितनी बुरी चीज है कि करने से बदबू निकलती है फिजिकली सूंगा साहबा ने बदबू आई मतलब तो अमल ही इतना खतरनाक है कि सिर्फ किया जा रहा तो स्मेली फिशी बदबूदार है सड़ा हुआ अमल मुर्दार भाई का गोश्त सड़ा हुआ ही रहेंगे ना बदबू आती है फिजिकली आई साबा को आपने पूछा जानते हो कह की बदबू है तो कहा नहीं तो कहा ये कहाबत की बदबू है जो तो मुनाफिक कर रहे हैं समझ जाइए इससे जब मुंह से बदबू निकले तो अच्छी चीज़ तो ही नहीं सकती है ठीक है इसी तरह एक रिवायत में आता है आदाबलमफरत की रिवायत है इस रिवायत के अंदर है कि मुनाफिकों के एक ग्रोह ने मुसलमानों की कीबत की मुनाफिकों का एक ग्रोह था उन्होंने मुसलमानों की इब्बत की ये जो बदबूदार हवा चली उसी की वजह से चली थी यह रिवायत के अल्फाज जो है आदावलमफरत के अंदर है मतलब पहली रिवायत अलग है दूसरी अलग है। तो दूसरी रिवायत में उसकी तफसत आती है कि मुनाफ़ी की वजह से बदबू चली थी तबरानी की एक रवायत है याद रखिए अलकबीर में वो बयान करते हैं इस रिवायत को अब्दुल ने मसूद रजियन फरमाते और कहते हैं कि हम नबी अक्रम सल की खिदमत में हाजिर थे एक शख्स मजलिस से उठ कर चला गया और इसके जाने के बाद एक दूसरे शख्स ने इसके बारे में तोहिन आमेज अलफाज कहे एक शख्स मजिद में चला गया और दूसरे ने उसके बारे में बुरे अल्फाज कहे तोहमीन मतलब उसकी तोहिन की बुरे अल्फाज अदा किए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिलहाल कर लो कुल्ली करके आ जाओ तो इस शख्स ने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल सल्ला किस वजह से कुल्ली करूँ जाके क्यों करूँ ये काम तो उसने कहा मैंने तो कोई गोश्त नहीं खाया मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं खाई गोश्त वगैरह जिससे मुझे कुल्ली करने की जरूरत है मैंने तो गोश्त नहीं खाया नबी अक्रम सल्ला ने फरमाया तुमने अपने भाई का गोश्त खाया है कुल्ली करके आ जाओ तुमने अपने भाई का गोश्त खाया उस जाने के बाद जो उसकी तोहन की बेइज्जती की रीबत है ना उसके सामने करते बुरा लगता खुल्ली करके आ जाओ तुमने उसका गोश्त खाया है ठीक है आगे बढ़ते हैं की एक रिवायत है और से सुनो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बल्कि हदीस के अल्फाज ये है लोगों सहाबा कराम को रोज़ा रखने का हुक्म दिया गया मतलब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम का लोगों रोज़ा रखो रोज़ा रखने का हुक्म दिया दोपहर के वक्त एक आदमी हाजिर खिदमत हुआ और अर्ज की अल्लाह के रसूल रसुल्ला फुला, फुला औरतें मतलब तो दो औरतें हालत बुरी है पेट की तकलीफ से हालत बुरी है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अवॉइड कर दिया और तो दूसरी तरफ से आया अल्लाह के रसूल बहुत बुरी हालत है पेट का दर्द है फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अवॉइड कर दिया फिर आया तीसरी तरफ से कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बुरी हालत है एक दो औरतें लाई गई जो रोजे की हालत में थी गौर से सुनिए गौर से सुनिए औरतें खासतौर से सुनिए दो औरतें लाई गई जो रोजे की हालत में थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेट की तकलीफ की वजह से ठीक है तो जब वो दोनों औरतें आई ठीक है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले तो इन्हें दो या तीन दफा अर्ज किया मतलब मुंह फेर लिया फिर कहा बुलाकर लाओ फिर वो लाई गई तो आप सल्लल्लाहु फरमाया बर्तन लाओ क्या लाओ बर्तन लाओ तश लाओ तब लाओ एक बर्तन लाया गया बर्तन लाकर एक से फरमाया ख करो उसने खय की पेट की तकलीफ थी उसको कह या खै करवाई गई उसने कै की ठीक कह की तो इसमें गोश्त जामिद खून जमा हुआ खून खून के लोथड़े गोश्त निकला जामिद खून और पीप निकल कर आया तश फिर आपने फरमाया दूसरी से तू भी कह कर उसने भी खय की रोजे ख्याल उसके खाय में निकला गोश्त सड़ा हुआ खून जमा हुआ और पीप निकला दोनों के खै में फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्होंने रोजा तो हलाल से रखा लेकिन इफ्तार हराम से किया तो अभी इफ्तार उन्होंने सही में नहीं किया था रोजा बाकी था दोपहर का ही वक्त है ना फिर ये कौन सी इफ्तार है क्या खाया सुनिए क्या खाया था उन्होंने कहा रोज़ा तो हलाल से रखा इफ्तार हराम से किया अल्लाह के अफतार का टाइम नहीं हुआ लेकिन कुछ खाया क्या खाया सुनिए अब तो आपने भाई इन्होंने रोज़ा तो हलाल से रखा इफ्तार हराम से किया एक दूसरे के पास रोजा रख के आई एक दूसरे के पास दोनों रोजा रख के आई फिर दोनों मिलकर बैठी और लोगों का गोश्त खाती रही लोगों का गोश्त खाती रही मतलब दोनों ने रोजा रखा मिलकर आई और बैठकर गईबत की लोगों की मिलकर गोश्त खाया लोगों का फिर आपने फरमाया गोश्त खाती रही यहां तक कि इनके पेट में पीप भर गया उस गोश्त के फिजिकली बीमार हो गई होगीबत कर करके फिजिकली बदबू आती है अल्लाह राजों को खोल के रख देता लोगों के सामने क्यों बीमारियों को ले रहे हो खामो खाम लोगों खाम। की करके क्यों बीमारियां अपने पेट में वो गोश्त फिजिकली निकला वो खून के लोथड़े निकले हदीस में आ रहा साहबा ने देखा और पीप निकला का इतना गिबत की इतना खाया कि गोश्त अंदर जाके सड़ के पीप बन गया जो ताज़ा होगा वो गोश्त की शक्ल में रहा सड़े हुए जो थोड़ा पहले किया होगा वो खून के जैसा हो गया और जो ज्यादा पहले किया होंगे शुरू से कर रही थी ना बहुत देर से कर रही थी वो सड़क पीप बन गया आपको पता है ना जख्म लगता है तो पहले गोश्त थोड़ा सा खराब होता है फिर वो गोश्त सड़ता है फिर वही गोश्त क्या बनता है उसमें पीप भरता है ना तो कुछ उन्होंने जो शुरू में किया होगा शायद पीप बन गया उसके बाद वाला जमे हुए खून की शक्ल में था और उसके बाद वाला सड़े हुए गोश्त और खैसे निकला वो फिजिकल निकला निकलाबत मजाक नहीं है मामूली नहीं है बहुत बहुत सड़ी हुई चीज़ें मैं क्या कही तो इतनी गंदी चीज़ें सीखो नहीं संगीन जुर्म है कबीरा गुना है इंसानियत के हक़ में बंदों के हक़ में कभी मत कीजिए कभी मत कीजिए भूलें से कभी मत कीजिए छोटी छोटी बात मत भी मत कीजिए मैं रखूँगा मिसालें भी ये बात छोटी भी कैसी होती है हम मामूली समझते हैं ना मामूली मत समझो बहुत सीरियस लो इसको सीरियस लो इसको ठीक आइए आगे बढ़ते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो ख़बरों के पास से गुजरे मशहूर और मरूफ रिवायत है इबन अभी शिबा की रिवायत दो ख़बरों के पास से गुजरे कहा दोनों पर जो है एक पे पेशाब की छीटों से परहेज नहीं करता था दूसरा लोगों की गईबत करता था चुगली भी गईबत ही है, में है लोगों की चुगली करता था गईबत करता था और इन दो गुनाहों को वो मामूली समझता था मामूली अरे पेशाब कर ली छीटी था और गई चुगली मामूली गुना मामूली समझता था नतीजतन खबर नहीं अज़ाब खबर नहीं अल्लाह दुनिया में राज पास बदबू जब मुंह से निकल रही है खया हो रही बीमार हो रहे हैं खबर में फटके पकड़े अजाब हो रहा है गिबत की वजह से मज़ाक मत समझिए अभी जाने के बाद क्या होगा अंदाज़ा लगा लीजिए अगर पुलिस रास्ते से फटके दे के ले जा रही है तो जेल में क्या करेंगे अंदाज़ा हो सकता है है ना समझ जाइए ठीक आइए आगे हम बढ़ते हैं और मौजम औसत अत्तबरानी की एक रिवायत जिसके अल्फाज से सुनिए गौर से सुनिए इसके अल्फाज के सत्तर से ज्यादा दर्जे हैं इसमें सबसे कम दर्जा अपनी माँ के साथ जीना करने के बराबर है सूत के मोर देन सेवेंटी दर्जे है जिसमें से सबसे अदना दर्जा अदना मुकाम सूत खाने लेने देने का अपने माँ के साथ जीना करने के बराबर है मुंह काला करने के बराबर है और सबसे बड़ा सूदी सबसे बड़ा सूद या सबसे बड़ा सूदी गुना यह है कि बंदा अपने भाई की इज्जत उतारे इससे भी बड़ा गुना यह है कि बंदा अपने भाई की इज्जत उतारे या इज्जत पर दस्त दराजी करे इज्जत पर हाथ डाले भाई की इज्जत पर हाथ डालना सूद से भी बड़ा गुना है और सूद का अदना दर्जा माँ के साथ जिना करने के बराबर यह हदीस में उतना क्लियर नहीं है दूसरी हदीस आइए बुदाओ की और क्लियर सुनिए इसी बात को नबी अकरम सल्लास ने फरमायाद कहते हैं आप सबसे बड़ा सूद सबसे बड़ा सूद मतलब सबसे बड़ी ज्यादती यह है कि इंसान नह किसी की इज्जत से खेले सबसे बड़ा सूद यह है कि इंसान किसी की इज्जत से खेले और, और फरमाया सूद के सत्तर से ज्यादा दर्जे हैं और आखिरी दर्जा माँ के साथ मुकला करना है और मुसलमान भाई की इज्जत उतारना इससे भी बड़ा गुना है क्या कहूँ मैं कितनी बातें कहूँ जिस ग़ीबत को हमने मामूली मिर्च मसाला अचार समझ लिया अपने हर खाने और हर पीने और हर मजलिस का हमने उसको मेवा बना दिया शार बना दिया और पहचान बना दिया ये इतना संगीन जुर्म याद रखिए जिसकी क्या मैं कहूँ आइए सलफ़ में से कुछ अख़वाल सुनिए साहबाताबाइन की कुछ अख़वाल सुनिए सलफ़ में से अखबाल आम बिन आश रजी अल्लाह के तल्लु से एक वाक़ आता है कि आप एक मुकाम से गुजरे हुए खच्चर मर कर पड़ा था खच्चर ठीक मर कर पड़ा था डेथ हो गई थी उसकी ठीक है मतलब मुरदार खच्चर खच्चर जो है मरकर पड़ा हुआ था तो इन्होंने फरमाया आदमी इसका पेट भर कर गोश्त खा ले यह इस बात से अच्छा है कि मुसलमान का गोश्त खाए मतलब मुसलमान की गिबत करें मुर्दार जानवर खा लेना ज्यादा अच्छा है किसी मुसलमान की गिबत करने से और कोई भी आदमी मुर्दार जानवर नहीं खाया जाएगा कोई भी नहीं खा सकता आगे बढ़ते हैं हसन बसी रहा के तल्लु से खौल आता है वो फरमाया करते थे किसी ने उनसे कहा तुम मेरी गिबत करते हो क्या कहा हसन बसी रह से तुम मेरी करते हो अब सुनिए ये ताबई है, किबार, ताव़ी है। ताव़ी बड़ा मुकाम बड़ी प्यारी बात फरमाते क्या फरमाते सुन लीजिए मेरे नजदीक तुम्हारा मरतबा इतना बुलंद नहीं है कि मैं अपने अमाल पर तुमको दारोगा बना दू मेरे नजदीक तुम्हारा मरतबा इतना ऊँचा थोड़ी है कि हम मेरे अमाल पर तुमको दारोगा बना दू क्यों क्यों कहा ये क्यों कहा आपको मालूम है जब आप किसी गबत करते हैं तो आप अपनी निकिया उसको देते हैं इसलिए कहा कि तुम्हारा इतना बड़ा मर्तबा थोड़ी है कि मेरे आमाल पे तुमको दारोगा बना दो तुम जो चाहे करो समझा समझादू मीनिंग क्या है क्यों तो गिबत करने से नहीं कब कैसे मिलती है सही मुस्लिम की रिवायत रोज़ क्या बंदे एक दूसरे का हिसाब करेंगे बंदों में से बंदे आएंगे और कहेंगे अल्लाह मुझे गाली दी थी ईबत की थी चुगली किया था इल्ज़ाम लगाया था मुझे मारा था मेरा, मेरा खून बया था वो नेक इंसान के नकिया ले लेकर बंदों को देती जाएंगी फरिश्ते कहेंगे उसकी नकियाँ ख़त्म होगी अब क्या करें तो कहा जाएगा लोगों के गुनाह इस पर डाल दो और ये उम्मत मुस्लिमा का उम्मत मोहम्मदिया का मुफलिस है गरीब इंसान है हदीस के अल्फाज है क्या तुम जानते हो मेरी उम्मत का मुफलिस कौन है साहबा ने कहा जिसका दीनार और दरम पैसे माल दौलत ना हो, तो कहा नहीं मेरी उम्मत का मुफलिस हुआ है जो अमाल के अतबार से बहुत नकिया लेकर आएंगा नमाज उजे जक़ात के अतबार से लेकिन गीबत क्योंगी चुगली क्योंगी बोहतान लगाएंगे इल्ज़ाम लगाएंगे झूठ बोलाऊंगा नतीजतन लोग उसकी नैकिया लेके जाएंगे और मुंह के बल घसीटकर रुसवा करके जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा समझ रहे वो क्या कह रहे इतवा दर्जा थोड़ी है तुम्हारा मेरे पास जो मेरी निकिया तुमको तो दे दोगे अब आइए एक और खौल सुनिए ये है अब मुबारक रहमत खौल ये फरमाया करते थे अगर मैं किसी की करूं, तो अपने वालदे की करूँगा क्योंकि वही सबसे ज्यादा मुस्तक है मेरी नेकियों को लेने के समझे मतलब सलफ क्या बोलना चाह रहे हैं कि किबत करने से नेकियां चली जाती है तो वो कह रहे हैं अब्दुल अब्दुल्लाबी मारक रहमत कि अगर मैं किसी की गिबत करूंगा जिंदगी में तो अपने वालदे की करूंगा इसलिए कि वो इस लायक है कि मेरी नकियाँ ले जाए दूसरों को मैं लायक नहीं समझता हूँ मतलब बोलने का ये है कि गिबत करने से हमारी नकियाँ दूसरों को चली जाती है बताने का मकसद है वो ये नहीं कहना चाह रहे माँ बाप की कीबत करो उल्टा माना मत लीजिए वो समझा रहे हैं अगर करूंगा तो माँ बाप की क्योंकि वही मुस्तैफ है मेरी नकियाँ लेने के चूंकि गिबत करने से नकियाँ चली जाती हैं ये बात याद रखी इसलिए वो समझाने के लिए क्या है तो सलफ़ के अखवाल देखिए कैसे हैं एक आदमी ने अपने साथियों से कहा सलफ में से कोई तो एक नेक इंसान थे उन्होंने अपने साथियों से कहा साथियों से किसी शख्स की गिबत की मतलब तो उन्होंने अपने साथियों में किसी गिबत की तो इसने इससे पूछा क्या तुमने रोमियों के खिलाफ जंग की लड़ाई की तो कहा नहीं रूमियों से मतलब एक आदमी दूसरे की गिबत की तो पहले आदमी ने सवाल किया क्या तुमने रोमियों से जंग की तो कहा नहीं कहा तुमने तुर्कों से जंग की तो कहा नहीं तो कहा तुमसे से रूमी और तुर्कों से तो लड़ना नहीं हुआ अपने मुसलमान भाई की इज़्ज़त भी तुम बचा नहीं सकते मतलब तुम तो अपने मुसलमान भाई की इज्जत नहीं बचा सके दुश्मन से लड़ना चाहिए था तो वो तो नहीं करे अपने भाई की इज्जत उतारते बैठे हो समझिया तो लिहाजा ईबत के मामले में बहुत मोहतात रही याद रखिए बेानतहा संगीन जुर्म है याद रखिए आगे बढ़ते हमत करने वाला और सुनने वाला दोनों गुनाह में बराबर है क्यों कह रहा हूँ मैं हमारे पास देखिए एक आदमी दूसरे की कर रहा है एक औरत दूसरे की कर रही अब पहले दूसरे से पूछ रहे तुम क्यों बैठते हो सर आई माया क्या मैं कान बंद करके बैठू क्या अब उन्हें बोल रहे तो मैं सुन रही वेरी गुड माशा अब क्या यार तुम तो ये बोलना चाह रहे हो ऑफिस में बैठना भी नहीं लोगों के साथ अब कान बंद करके बैठू क्या वेरी गुड दलील अच्छी है अगर मेरा भाई एक, एक बालकनी गिर रही बिल्डिंग की और तुम भी कुर्सी बैठे हो वो गिरा तो तुम भी गिर जाते हो उसके साथ वो गिरा तुमको बचने का चांस है तो भाग जाओ ना मैंने मैं भी घुरूँगा उसके साथ वहाँ तो अरे बिल्डिंग भावो अरे तुम्हारे भाई को बचाना था अरे मरता मरे मेरे को क्या मेरे को अपनी जान बचाना है यहाँ कैसे लेकिन अब आप तो ऐसा बोल रहे दुनिया से कट के ज़िंदगी गुजारूँ औरतों का अगर बोल दिए तो बोलिए ग ये बोलना चाह रहे हैं मजलिस में शादी ब्याह में कहीं नहीं जाना हमने हाँ तो सुनने वाला और करने वाला दोनों गुनाह में बराबर दलील दलील सुनी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रिवायत लंबी है थोड़ा थोड़ा तो अल्फा उसके पूरी नहीं रखता हूँ उसका मुख्तसर हिस्सा जो हमारे काम का है वो आपके सामने रखता हूँ नबी अक्रम सला वसम के पास जो है एक जो है शख्स था जिसने ज़िना किया और वह खुद आए और कहा अल्लाह के रसूल व शादी शुदा आदमी मुझसे ज़िना हुआ जिना की सज़ा क्या है शादी शुदा आदमी के लिए सज़ाए मौत संगसार गैर शादी शुदा के लिए सौ कोड़े तो कहा मुझसे ज़िना हुआ सज़ा दे दीजिए उनको सज़ा दे दी, दी गई अब दो सहाबी शायद नौजवान थे समझ नहीं रखते थे या नए नए थे जो भी मसला था लेकिन नए हैं इब्तदाई होंगे है। वो दो जा रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहाँ थे वहां एक मरा हुआ गधा पड़ा हुआ था और ये दोनों वहां से जा रहे थे और कह रहे थे अकेले में गुना किया था क्या जरूरत थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आने की जीना तो अकेले में किया था ना मालूम किसको हुआ क्या जरूरत थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आने की तो पहले आदमी ने कहा इसके जो है अमल ने इसका पीछा नहीं छोड़ा इसकी नस्ल ने इसका पीछा नहीं छोड़ा और इसकी नस् इसको पकड़ के यहां तक लेकर आई और देखो कुत्ते की मौत मारा गया ये अल्फाज है दिस एक दूसरे से बात कर रहे हो तो जाहिर से थे संसार में क्या होता आदमी को सामने खड़े करके पत्थर मार के खाते कुत्ते की तरह मारा जाओ ये ऐसी बात करती था नबी अक्रम सल्हस दोनों कहा दो जरा बुलाओ उनको एक बोल रहा था और दूसरा सुन रहा था दोनों जा रहे थे लेकिन बुलाओ बुलाए गए कहा वाये वो गधे के पास अल्लाह के रसूल खड़े हुए सल असल्लम जो सड़ चुका था सड़ सड़ने से बहुत बदबू है वो कहा आओ इस गधे का गोश्त तनाउल करो खाओ तो कहा अल्लाह के रसूल सल्हल्लम गधा हराम उससे मुर्दार गधा गधा हराम है खाना उससे मुर्दार मरा हुआ अच्छा मरे साथ साथ सड़ा हुआ ठीक है एक अभी मरा एक सड़ गया कीड़े पड़ गए आप वो कह खेल कितनी खबर ना गधा हराम मरा हुआ गधा हराम पे मरा हुआ सड़ा हुआ गधा मतलब और छिद्ध करा तो कहा अभी जो तुम अपने भाई के बारे में कर रहे थे ना ये इससे भी ज्यादा बुरा था मर गया कुत्ते की मत मारा गया क्यों आया ये इससे भी ज्यादा बुरा था ठीक है तो उतरे हुए इस गधे की लाश तनावल फरमाए दोनों ने अर्ज अल्ला के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे कौन खाएगा फरमाएं अभी अभी आप लोगों ने अपने भाई की इज्जत को जो हर्फ जनी की है जो बातें करके नुकसान पहुंचाया था ये इस गधे की लाश खाने से भी ज्यादा बुरी चीज है तो हदीस से क्या पता चला बोलने वाला भी और सुनने वाला भी चूंकि दोनों को खाओ बोला आपने ये नहीं बोला वो जो पहला कहा जो बोल रहा था उसको खिलाओ तुम बाजू हो जाओ तुम खाली सुन रहे थे बोलने वाला और सुनने वाला अच्छा देखो एक आदमी गिबत कर रहा और कोई उसकी सुनता नहीं तो किसको करेंगे थोड़े दिन बाद बंद कर लेंगे सुनने वाले मिलते जब व्यूअर्स मिलते तो क्या होता फिर ये खूब गबतें करता अब एक मस्जिद में एक औरत या आदमी आया और लोग बोले गबत नहीं करना बाकी सारी बातें तो थोड़े दिन में सुधर जाता फिर गिबत नहीं करता अच्छी अच्छी बातें करता फिर लेकिन एक मस्जिद में आते उठा रहे आओ आओ आपका तो इंतजार था क्या लाए हो वो पोटली खोल के निकालता बाबज पड़ोसी का किस्सा इसका किस्सा तेरे दोस्त का किस्सा तेरे सगी भाई का किस्सा तेरी भतीजों का किस्सा ये चल रहा है जो तेरे भाई से झगड़ा है इतना बुरा हो रहा है ओ खुशी हो रही है फुला का ऐसा देख तेरा ये तो रिश्तेदार फुला सुन रहे ना तो सुनने वाला और बोलने वाला दोनों गुनाह बुरा इसलिए कहा कि दोनों खाओ उस सड़े मरे हुए गधे का और दोनों ने कहा अल्लाह के रसूल हम ये नहीं खा सकते ये बहुत घी आ रही तो कहा उससे बुरा काम था जो तुम उसके बारे में कर अच्छा इस हदीस से एक और बात पता चले वो क्या मानो आपको मुर्दा आदमी की गिबत करे तो उसका गुनाह भी सेम है जो जिंदा का करे चुकी ये इंतकाल कर चुके थे इनको सजाए मौत दी जा चुकी थी और बाद में गिबत हुई सजा के बाद गिबत हुई ना इनको मार दिया गया था अब बोल रहे हैं तो पता चला मुर्दे की गिबत करने का भी गुनाह सेम खतरनाक बात है ना रिस्क मत लीजिए गिबत के चक्कर में मत जाइए ठीक अब दाऊद की रिवायत अब मैंने कहा था ना मुंह से कहना भी गिबत इशारों में करना भी गीबत तो इशारों की गीबत की मिसाल ले लीजिए उमहदलमौमीन आयशा रहा की रिवायत है लेकिन ये बात याद की हमारी माएँ भी इंसान थी औरतें थीं और यह हो सकता है गिबत की खबाहत बताने के लिए अल्लाह के रसूल ने किया तब जबकि इनको गीबत की खबाह नहीं पता थी मतलब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए मदीने में जब आप आए तो आपने कहा फलाँ कहाँ है वो आया और कहा अल्लाह के रसूल ये मेरा नाम नहीं है अरे फिर एक शख्स को बुलाया फुला कहाँ वाया का, का अल्लाह के रसूल ये मेरा नाम नहीं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो गए कि तुमको आपस में तो ये नाम से पुकारा जाता लेकिन अब जब मैं पुकारा तुम बोले मेरा नाम नहीं तो वो कहते अल्लाह के रसूल ये मेरी चिड़ है इन्होंने चिड़ रख दी और चिड़ से मछूर मतलब मदीना में अनसार एक दूसरे को चिड़ों से पुकारते थे नाम से नहीं समझिया तो वो आयत उतरी एक दूसरे को बुरे अलखा मत दो है ना तो ये आयतें उतरने के बाद सहाबियात को शायद अल्लाह के रसूल समझा रहे हैं मतलब हमारी माए हमेशा गबत नहीं करती थी लेकिन जब किया और आए ते नाजिल हुई तो अल्लाह के रसूल एक्सप्लेन करने के लिए उनको समझाया ठीक है लेकिन उसके बाद ये बात याद रखिए उमहतमी ये हमारी उम्मत की माएँ ये भी औरतें थी इंसान थी ठीक है आइए चलिए सुनते एक रिवाज हज़रत सफ़िया रजूल्ला से जब अल्लाह के रसूल सल्लम ने कहा किया माँ आयशा ये एक ही खातून थी जिससे अल्लाह के रसूल सल वसम ने कहा किया जो कुंवारी थी बाकी या तो मुतल या तो पहले से शादीशुदा शुदा बेवाएँ थी जितनी हमारी माएँ थी सफिया रन देखने दिखाने में खूबसूरत थी चूँकि नस्लन यहूदी थी और हारून आसम के खानदान से थी और यहूदी खूबसूरत होते हैं नस्लन यादव तो मैं आयशा को थोड़ा इनसे वो होता था कि तो खदशा की कहीं नबी अक्रम सल्हे वसलम के दिल में इनकी चाहत मेरे से ज्यादा ना हो जाए होता है जब एक आदमी की एक से ज़्यादा दिन हो

हमारी उम्मत की माएं भी इंसान थी इसलिए मैं कह रहा हूँ तो नहीं तो लोग ये ना समझे कि मैं एहतराम नहीं करता हूँ बिल्कुल लेकिन वो भी औरतें थी ख़तएँ उनसे भी होती थी अब एक दूसरे को कि भाई नबी अकरम मेरे से ज़्यादा मोहब्बत करे हर खातून खातुन चारे जी हर चारे। तो अब क्या हुआ एक मरतब अल्लाह के रसूल सल्ला के घर आए तो माँ आयशा ने माँ आयशा ने इशारा किया इशारा किया ठीक है इशारा किया मैं भी सिर्फ आपको बात समझाने कर रहा हूँ किसी सहाबिया की तोह में नहीं कहा उन्होंने इशारा किया कहा ऐसी ऐसी है तो इतनी मोहब्बत इसलिए कि सफिया हद में कम थी हाइट में कम थी तो क्या किया इन्होंने मुंह से कुछ नहीं कहा ऐसी ऐसी है इशारा किया समझते ना लोग कम हाइट वालों कैसा करते ना इतना इतना उसको मगर बोलेगे देखिए और तो बहुत कॉमन तो नखरे करें पीछे से करेंगे इशारा तो उन्होंने इशारा किया हदीस में अल्फाज है इशारा किया ऐसी ऐसी है कभी अक्रम सल्ला ने क्या फरमाया गौर से सुन लीजिए आयशा तेरे इस इशारे की समझ अगर समंदर के पानी को दे दी जाए जो गिबत तूने की इशारों में अगर ये समझ समंदर के पानी को दे दी जाए तो सारे समंदर के पानी को कड़वा और सड़ाने के लिए काफी है सिंगल तेरा जेस्चर आयशा जेस्चर जो हाव भाव इशारों में तुमने कहा अपनी शौकन को अपनी बहन को दूसरी इसकी समझ समंदर को दे जा समंदर का पानी कड़वा और सड़ाने के लिए काफ़ी पानी कब कड़वा होता है जब वो सड़ जाता है शायद ये इब्तदाई दौर था गीबत की बुराइयां अभी सहावियात को मालूम नहीं थी इस वजह से ये हुआ वरना उम्म ये नहीं करती लेकिन वो भी इंसान थी बहर ये हुआ तो इसलिए मैंने कहा इशारों में भी गीबत हराम है मुंह से करना पीठ पीछे हराम है सामने करना इशारों में गलत है याद करके हमज़ा और लुमजा सामने बुराई करना और पीछे बुराई करना सामने इशारे करना और पीछे इशारे करना इन पे भी वैल, वैल खराबी बर्बादी बुराई करना चुप कर जबान से बुराई कर बहरहाल वैल इशारा किया हराम खराब गया ठीक इसी तरह जो है एक रिवायत आती है अब बहरहाल मेरे सामने गिबत की जा रही है तो मैं क्या करूँ अब शामिल नहीं होना ना आपको क्या करूँ तो आपको क्या करना है वो सुन लीजिए अगर मेरे सामने किसी की गबत की जा रही तो मैं क्या करूँ मजीद में तो बैठना ही नहीं ऐसी अब बैठता है तो क्या करूँ फिर मैं क्या कर सकता हूँ तो सुनिए जो कर सकते हो ये शराह सुनना की रिवायत है कभी अक्रम सल्ह फरमाया जिस किसी के सामने इसके मुसलमान भाई की गिबत की जाए और वो इसकी मदद पर खादिर हो कि इसकी मदद करे मतलब कोई किसी के सामने गीबत कर रहा है और वह आदमी में ताकत है कि वो मदद कर सकता है अपने भाई की इसी गीबत की जा रही हो तो वो मदद करे मदद करे कैसे मदद करे ये कहकर गलत है मत बोलो ये उसका ज़ाती अमल है मुंह मत खोलो ये यबत है मदद करे जिस किसी भाई के सामने दूसरे की गीबत की जाए और वो उसकी मदद करे कैसे मदद करे सामने वाले को रोक कर मत बोलो उसका जती अमल है मेरे सामने बयान मत करो मेरा उससे कोई लेना देना नहीं मदद करे गीबत से रोके तो अल्लाह इसकी दुनिया और आखिरत दोनों में मदद फ़रमाएंगा अब मेरे सामने गिबत हो रही खामोश रही बिल्कुल नहीं है। अपनी बात करो क्या है में आपने मदद अल्लाह ताला आपकी दुनिया हाँ। और आखिरत में मदद करेंगे इंशाल्लाह मदद फरमाएंगा अगर कुदरत के बावजूद इसने इसकी मदद नहीं की तो अल्लाह दुनिया और आखिरत में इसका मुआज़जा करेंगा पकड़ करेंगे या तो ऐसी मस्जिदों से उठ के भाग जाओ जोबत हो रही फौरन फौरन सेकेंड अगर है तो दिफा करो फिर अपने भाई और अपनी बहन का ठीक है आइए दूसरी रिवायत सुनी मुस्द अहमद की रिवायत है नबी करम सल्ला फरमाते हैं जिस शख्स ने अपने भाई के गोश्त की इसकी गैर मौजूदगी में मदाफ़्यात की जिस भाई का गोश्त एक मजलिस में खाया जा रहा था और एक मुसलमान ने उसका दिफा किया गलत बोल रहे हो मत बोलो गईबत है चुगली है मत खोलो दिफा किया जवाबी कार्रवाई की क्या ऐसा तुम गलत बोल रहे हो वैसा नहीं है उसकी ज़ाती ज़िंदगी हो दिफा किया जबकि उसका गोश्त खाया जा रहा था तो वो फरमाते नबी अकरम सल्ला मदाफियत की तो अल्लाह पर लाजिम है कि इसे जहनुम की आँख से आज़ाद करें तो अल्लाह पर लाजिम है कि उसको जहनुम की आँख से आज़ाद करें ये सही रिवायत है अल्लाह पर लाजिम है कि उसको जहनुम की आँख से न जाने देखो गईबत करो और जहनम में जाओ गईबत की जा रही हो अपने आप को बचाओ दूसरे की दिफा करो जन्नत में जाओ जहनुम से नजात पाओ जब गुना दे रहा है एक चीज का तो सवाब भी तो देंगे ना रोको मुंह बंद करो ये बल्लाबें करने में जन्नत में जाओ जन्नत में अल्लाह डालेगा क्या फरमाया अल्लाह पर लाजिम कंपल है कंपलसरी है कि इसे जहन्नुम की आंख से बचाए जहन्नुम से आंख से बचने वाला जन्नत में जाए समझ जा रहे हो ठीक आइए एक और रिवायत सुनिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते तरमेजी की रिवायत है जिस शख्स ने अपने मुसलमान भाई की इज़्ज़त का दिफा किया गीबत की जा रही थी उसकी दिफा किया इज़्ज़त का नहीं नहीं गलत तो मत बोलो बात मत करो इज्जत का कर दिफा किया ठीक है दिफा किया तो अल्लाह ताला क्यामत वाले दिन इसके चेहरे से जहनुम की आँख को दूर कर दे किसी मुसलमान भाई की इज़्ज़त का दिफा किया अल्लाह ताल क़यामत इसके चेहरे को जहन्नुम की आंख से दूर कर दे और चेहरा अरबी जबान का एक फायदा भी है छोटे से पूरे बड़े के ताल्लुक से बात बयान की जाए ना? चेहरा बचेंगे तो जिसमें भी बच जाएंगे इसका माना यह होता है चेहरा सबसे नाजुक चीज़ होती है ना तो जब ये बच जाएंगा तो फिर सब बच जाएंगे ठीक समझ रहे आप तो इस चीज़ को आप समझिए उसको जहनम से अल्लाह बचा लेंगे अब दाऊद की रिवायत है नबी इक्रम सल्ला ने तो फरमाया जो किसी मोमिन की इज़्ज़त और आबरू की किसी मुनाफिक से हिफाजत करेगा जो किसी मोमिन की इज़्ज़त और आबरू किसी मुनाफिक से हिफाजत करेगा अल्लाह ताला एक फरिश्ता भेजेगा जो क्यामत के दिन इसके गोश्त को जहनुम की आंख से बचाएगा दुनिया में गोश्त तो बचाया अपने भाई के आखिर में एक फरिश्ता जहनुम की आंख से इसको बचाएगा जहनुम की आंख से इसे बचाएगा और जो शख्स किसी मुसलमान पर तोहमत लगाएगा इससे इसका मकसद इसे बदनाम करना होगा अल्लाह इसे इस जहनुम में पुल कर देगा यहां तक कि जो उसने कहा वो निकल जाए तो उसने झूठ कहा इल्जाम था, था समझ रहे बात को लिहाजा बहुत एहतियात कीजिए अब एक डिफरेंस गीबत बहुतान और चुगली में फ़र्क क्या है डिफरेंस देख लेते पहला गीबत समझ गया किसी भाई का पीठ पीछे ऐसा जिक्र करना इशारों में या अल्फाज से कि उसके सामने किया है तो उसे बुरा लगे ये क्या है गीबत दूसरा चुगली क्या है चुगली गीबत की एकदम गंदी सड़ी हुई बदतरीन क़स्म है चुगली उस गीबत को कहा जाता है जिस गईबत के ज़रिए आप दो लोगों को लड़ाना चाहते हैं उसको बोलते चुगली वीबती है का टाइप है चुगली चुगली वो गईबत होती है जिस गीबत के जरिए आप दो लोगों में लड़ाना चाहते हैं लड़ाना चाहते हैं बात जैसा मिसाल के तौर तो पर दो भाइयों में झगड़ा हो गया अब आप जाके बोल रहे हैं ठीक है पहले भाई अरे तुम्हारा भाई तो बहुत खराब है फल ये है वो है ये क्या हुई गईबत अब आप, आप क्या कर रहे हैं इसमें मिर्च मसाला लगा के अरे वो तो बोल रहा था तू चिल्लर है ऐसा बोला उसने अब गया अब गया अब क्या हुआ ये चुगली क्यों किया आपने ताकि दोनों लड़ पड़े तो ये की वो किस्म है जिसमें आप लड़ाना चाहते हो इसको बोलते हैं चुगली और वैसे चुगली अरबी लफ्ज नहीं है हैफ्ज आता है अरबी के अंदर गीबत के लिए चुगली एक्चुअली ये लफ्ज लफ्ज जो है फारसी है ये कहते हैं कोयला जो पत्थर का कोयला आता उसको चुगल वो जब जलता है ना चुगली वो हुक्के वगैरह देखिए लोग रखते हैं वो पत्थर का कोयला पहले आता था वो कोयले को चुगल कहते हैं फारसी जबान में चुगली खाना मतलब आँख के गोले खाना इस माने में यूज़ होता है लेकिन अरबी में गिबत ये है वो गिबत जिसमें लड़ाने के लिए आप करते हैं समझा वो है चुगली और चुगलखोर के बारे में क्या है उसके कहते हैं चुगलखोर ऐसा इंसान जो चुगली करता है आपने फरमाया ला यदुलजन्नत जन्नत नमाम चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा वो भी गईबत की किस्म करता है लेकिन उसमें शिद्दत होती है लड़ाने के लिए करता है। अब जो बात कही उसमें है वो गईबत जो बात कही उसमें है लेकिन लड़ाने की नीयत से की चुगली जो बात कही वो उसमें नहीं है बहुत समझा इल्जाम इल्जाम मतलब दो भाइयों में झगड़ा हुआ अब आप जाके बोले उन्हें तेरे बारे में ये बोला जबकि उसने बोला नहीं ये बहुत सामने बुराई की दो भाइयों में झगड़ा है तो गईबत लड़ाने की नीयत से की चुगली और किया कि नहीं बेचारे ने बोला ही नहीं वो बोल रहा था तेरा भाई आजा मैदान में देख लेंगे कौन बचता अब ये सफेद झूठ इल्ज़ाम है ना उन्हें बोला ही नहीं बेचारे ने वो तो बोल रहा था तूने चोरी किया उसके घर में इसलिए उसने तेरे से बात बंद कर दिया उन्हें बोला ही नहीं बेचारा यह हुआ बहुत तांग यही बात करें रहे अपने भाई का गोश्त खाता और जहन्नुम में जाएगा चुगल खोर खबर का भी आज़ाब भुगतेंगे और जहन्नम में जाएगा और इल्ज़ाम लगाने वाला जहन्नम के अंदर लटका दिया जाएगा जब तक के इल्ज़ाम को साबित न करे चुगली की किस्म ही है अलग अलग वजह से इसके अलग अलग नाम समझ गया कि का डिफरेंस क्या चुगली बहुतान और गिबत के अंदर मैं समझता हूँ वाजी हो गया अब आइए आखिरी चंद नुकात और हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं क्योंकि अनवान अहम था तो मैंने इसमें कुछ चीज़ें रखी गिबत क्यों करते हैं ये भी देख लें इन तो नफ्स पर कंट्रोल करना आसान होगा क्यों वाए हम क्यों बैक बाइटिंग करतेबत करते हैं करते, किसी की निंदा करते हैं पीठ पीछे बात करते हैं मैं समझता हूँ अब तक तो गिबत का माना समझ किसी के पीठ पीछे बात करना निंदा करना गिबत करना वास्तब करना बैग बाइटिंग करना ये इसका माना ठीक अब गिबत क्यों करते हैं वजूहत देख लेते हैं दस वजूहत जो मैंने मुनासिब समझी और देखी माहौल में रख रहा हूँ किसी और जगह मुल्क बदलने से वजूहत चेंज हो सकती है ज़मीन ज़माना से वजूहत बनती है लेकिन यहाँ जो मैंने अपने माहौल में देखा वो वजूहत आपके सामने रख रहा हूँ ठीक है पहला गुस्से की आँख को बुझाने के लिए लोग गईबत करते हैं और आपको गुस्सा है किसी पर कैसे निकालना उस गुस्से को बोलो उसके बारे बोलो उसकी बुराएँ अरे वो तो सोते पड़े रहता उसका क्या उसकी बीवी कमा के खिलाती उसको उसका क्या उसको तो फला हो रहा क्यों गुस्से की आंख को ठंडा कर रहे हैं लेकिन अजीब बात है गुस्से की आंख पर आप जहन्नुम की आंख डाल के ठंडा कर रहे हैं कर करके अल्लाह आंख पर आग तो और मुश्किल मुसीबत पर तो मुसीबत आप गुस्से में हैं थके हारे हैं धूप में से आए और गर्म पानी औटता पीने दे रहा मैं आपको वैसी हाल हो रहा है मुझसे की आंख बुझाने लोग गिब्त करते हैं दूसरों की मुझसे की आंख अब गुस्सा क्यों लगा ये अलग मसला है मैं उसके चक्कर में नहीं जा रहा मुझसे की आँख दूसरा गिबत करने की वजह लोगों की हाँ में हाँ मिलाना अब एक मजलिस में चले गए अब चार लोग बोल रहे उन्हें ऐसा है हा, हा, हा उन्हें ऐसा है समझा हाँ में हाँ अब एक अब मेरे दोस्तों को तो नहीं छोड़ सकता ना मैं सिर्फ छोटी सी गिबत कर रहे हो बेचारे छोड़ दो ऐसी मजलिस हूँ लात मार दो ऐसे दोस्तों मार दो ऐसी महफिलों को अगर ऐसी महफिलों में सिर्फ दावतों में जाना छोड़ दो, में तो से छोड़ दो दावतों में छोड़ दो वार्निंग दे दो अगर मैं तो ये बात नहीं हो रहा मेरे साथ थी? पहला लोगों की हामे में अब दस औरतें बैठ के कर रही तो मैं अकेले कैसी बोलू इतनी औरतें सब मेरे को कितना टेंशन देंगी वो बोल रही है ऐसा तो देख रहेगा औरत कितनी सुखी होगी उसका, उसका शौर उसको बहुत तकलीफ देता है तुमको क्या मालूम उसको पूछे तुमने नहीं फिर उसके शौर पर इल्जाम नहीं हो जा रहा बेचारी बीमार होंगी हो सकता है वो इलाज करा रहा हूँ लगा दिया इल्जाम हाँ मैं हाँ मैं हाँ हाँ ऐसे मत मत कीजिए तीसरी वजह खुद को बरतर और अफजल साबित करने के लिए दूसरों की गिबतें करते हैं अब को आगे बोला रहे उनके बच्चों ने क्या पढ़ लिया क्या पढ़े उनके बच्चों ने चीटिंग मार के पास हुआ वो फला हुआ ये हुआ वो हुआ मेरे बच्चों को देखो मेहनत करके लाए उन्होंने हालांकि इसने भी चिट्ठियां मारी इसकी चिट्ठियां पकड़े गए उसके नहीं पकड़े गए कभी हालात ऐसे भी होते हैं ऐसे होते हैं सिर्फ अपने आप को अफजल बताने कोई मजलिस में कह रहे वो आलिम साहब कितनी अच्छी वो क्या आलिम साहब इतनी अच्छी बात करते मेरा आलिम देखो मेरी जमात हाँ वो अच्छी बात करते माशाल्लाह खैर की बात है माशा बस अल्लाह अगर आपको लग रहा है कुछ प्रॉब्लम अल्लाह तौफीक दे हम तमाम को ऐसी बात करो ना चुगली होली क्यों करो अच्छा दीनी और बेदीन हल्के कोई नहीं बचे हैं दीदार हलकों ने जायज़ समझ की शुरू कर दी बेदीन हलकों ने आ, कुछ तो भी गुनाह समझ के करें दीदार हल्कों का मामला ये कि जायज़ समझ आज हालात क्या एक जमात दूसरी जमात किसी भी गबत कर रही है दीन का काम करें ना तो गीबत तो नहीं होना चाहिए ना चाहे जो भी लेवल पर कर रहे हो आप जैसा भी कर रहे हैं गीबत मत करो हाँ इस्लाह की को बात हो इसलाह निकात से करो गई मत करो अल्लाह के तो चलिए अब तो अपनी बरतरी अफजलीत अपना ग्रुप अपना खानदान अपनी जमानत अपना फ़िर अपना चौथी वजह लोगों को हंसाने और खुश करने कुछ लोग करते हैं तो जैसे एक आदमी की हाइट कम है अरे वो गिड्ढे गिडे जा रहे थे ना मैं गया तो वो पटरी के नीचे से निकल नहीं सक रहा था ना यूँ निकल गए अब सब हंस रहे हाँ यारो गिड्ढे थे गाड़ी निकले लेकिन आपने उनकी शख्सियत को जोक बना दिया हाइट कम बोल के हंसाने किया लेकिन गलत मैंने कहा ना अगर वो आदमी उससे खुश होता है उन अलखाब से गिड्ढा है काला है लंबा है तो प्रॉब्लम नहीं होता फिर गिबत में नहीं आता हो तो उसे बुरा लगता है तो गिबत ठीक है पांचवी चीज जो लोग करते हैं उसकी वजह वजह ही है, हसद वकी है, हसद। हसद है वो खानदान से, से, से वो लोगों से तो हसद की पर करते हैं क्या करते, है? हसद की पर करते हैं छठी चीज अपनी गलती छुपाने दूसरों की गिरबतें करते हैं अरे क्या हुआ तो कल तू गिर गया था मैं क्या गिरा उन्हें गिरा उन्हें ज्यादा गिरा हुआ अपने गलती को छुपाने दूसरों की गलती

दिनी जज्बे के साथ बत एक औरत औरतें पर्दा नहीं करती उसका उसके रब का है उसका उसके घर वालों का ताल्लुक़ है उससे उसके घर वालों का आप बोल सकते पर्दा कराओ लेकिन पब्लिक में देखे का मियाँ कितनी बेहाई के साथ वो घूम रही है बेपर्दा घूम रही है आप उसको निशाना बना के एक औरत को आप ये बोल सकते हैं आज उम्मत मुस्लिम की औरतें बेपर्दा हो गई लेकिन एक औरत को टारगेट करना गीबत है हालांकि गलत है। आप ये बात किसू कह सकते हैं उसके ज़िम्मेदार को शहर के इमाम या ख़ाजी को क्या पर्दे पे बात कीजिए ताकि औरतें पर्दा करें लेकिन एक औरत को टारगेट करके बोलना गलत है चाहे वो गुनाहगार हो अब आपका जज्बा अल्लाह के लिए है कि वो दीन पे अमल नहीं करे लेकिन आप जो बात कर रहे हो गई है आपको हक हाँ नहीं जब तक कि आप उसके जिम्मेदार ना हो या फिर उस औरत की वजह से बहुत बड़ा फितना मच रहा है तो फितने से बचाने तो कह सकते हैं आमतौर से नहीं कह सकते समझा बात तो अल्लाह के लिए गुस्सा आता है लेकिन उसमें गिबत कर बैठते हैं आठवीं चीज जो गिबत करने की वजूहत में से एक वजह मैंने देखी वही है फुर्सत बेकारी और टाइम पास चलो पट्ठो शाम में सब आ जाओ ईशा के बाद नौ बजे झाड़ के नीचे कमान के नीचे चबूतरे पे उसके बाद क्या होना है तेरा पिटारा खोल क्या क्या लाया तो इन्हें बोलता ग़ीबत का एक से एक शहकार लेकर आया हूँ आज मैं बोलता तेरे महल्ले में तो बहुत चीज़ें हुई आज तू क्या लाया तो बोलता मेरे पास तो एक से क्या इसका खुलने दो ऐसा बोते ना बेचने साड़ी वाले हैं दो चार आ गया आपके घर पे या कपड़े तो बोलते पहले इसका देख लो आप फिर मेरा बताता मेरे पास क्या है अब आखिर का निकालूंगा ना तो लेना ही चाहिए तुमको तो ऐसा बताऊँगा तो वैसा चलता गीबत होगा इन्हें अपना टोकरा उन्हें अपना आई इन्हें अपना और सब ला के आराम से बीड़ी हुक्का सिगरेट पान तम्बाकू एकदम सब चालू और साथ में मतलब तो ये अजाब के साथ साथ थोड़े से तो अपना काम बनता ही नहीं ना जहनुम भी चाहिए हमें गीबत भी करेंगे अब और टाइम पास अब खाली है तो क्या करेंगे इसके उसका डिस्कशन नहीं करें डिस्कशन खैर के साथ करो अच्छी बात है उनके बच्चों की कितनी अच्छी तरबियत देर हो हम लोगों को सोचने की जरूरत है खैर है ये तो अच्छा अच्छी फिक्र है लेकिन आपका मकसद सिर्फ उसकी इज़्ज़त उतारना जलील करना है तो फुर्सत टाइम पास नवी वजहत करने की जो मैंने देखी हुई है लोगों का तकरब हासिल करना ये मजलिस में जाओ उनकी खबत करो तो इनके नज़दीक वो मजलिस में जाओ इनकी खीबत करो इनके नज़दीक नज़दीक हासिल तक्रब कि मैं खीबत करूँगा उसकी तो इन अरे वो आपके भाई थे ना बहुत ही कंजूस आदमी हो तो ये आदमी बोलता रही है मेरा पार्ट दिख रहा है मेरा पट्ठा दिख रहा है आ जा पट्टे तकर्रब इसकी नजदीक हासिल कर आप उसके भाई की खीबत हालाँकि वो गिबत का कोई ताल्लुक नहीं था इनसे लेकिन ये बताना कि मैं आपका खैरुखा और उनकी बुराइयां करता हूं लोग इस वजह से नज़दीकी हासिल कर लेते हैं और दसवीं वजह दुनियावी फ़ायदा उठाने गिबत करते हैं वर्ल्डली बेनिफिट्स उठाने के लिए लोग करते हैं अब गबत करने से क्या क्या हलाकतें आती है बस सरसरी सरसरी सर पंद्रह हलाकतें जो यदी से हमने देखी उसका निचोड़ रख रहा हूँ नई बातें कुछ भी नहीं रखूंगा जो देखी उसका निचोड़ जो इतने पॉइंट्स सुने ना तो अब उसको कलेक्ट कर रहा हूँ गिबत की हलाकतें गिबत की तबाहकारियां गिबत के नुकसान क्या क्या है पहला ठीक है जो समाज पर करने वाले पर और सुनने वाले पर होते तीनों पे होते हैं समाज पर करने वाले पर और सुनने वाले पर जिसके बारे में की जा रही है उसको तो नेकेश मिल रही है आपकी वो तो छोड़ दो वो तो फायदे में है उनको तो प्रॉब्लम नहीं है हसन वसी रहा से एक बार कहा गया कि फ़ुना आदमी आपकी गिबत करता है तो उसको तोहफ़े भेज दिया वो आदमी ने कहा तुमने मुझे तोहफे नहीं भेजा मैं तो तुम्हारी गिबत करता हूँ तो कहा इससे नेक इंसान दुनिया में कौन हो सकता है जो अपनी नकियाँ मुझे फ्री देता है इसलिए मैं तू तूबत करता है मैं तोहफे भेजता हूं तुझे समझा तो करने वाले को तो फायदा जिसकी की जा रही है उसको तो बेनिफिट है। लेकिन जो कर रहा है जो सुन रहा है ठीक है और समाज पे इसका क्या असर होता है वो रख रहा हूँ जो पंद्रह पॉइंट हमने डिस्कस किया पहला दिलों का बिगाड़ पैदा हो जाता है गिबत करने से दिलों का बिगाड़ फैल जाता है दूसरा नुकसान बाहमी दूरियां पैदा हो जाती हैं लोगों के अंदर दूरी मिया बीवी में दूरी बच्चों माँ बाप में दूरी माँ बच्चों में दूरी सास और बहू में दूरी सब दुनिया पैदा हो जाती है ठीक नफरतें पनप जाती है माहौल में तीसरा नुकसान नफरतें आम हो जाती है जब अगर चौथा नुकसान शर और बुराई आम हो जाती है फितना शर बुराई आम हो जाती है पांचवा नुकसान फितने जन्म लेते हैं नए नए फितने नए नए फितने से जन्म लेते हैं छठा नुकसान मोहलिक नतज इसका रिजल्ट बहुत डेंजरस होता है रिश्ते टूटने की शक्ल में माली नुकसान की शक्ल में खून खराबी की शक्ल में सातवां नुकसान नदामत का सामान है करने वाले के लिए कर रहा है ना उसके नदामत का सामान है आठवां नुकसान इख्तलाफ की खलीजें बढ़ जाती है दो लोगों में अगर गिबत की जाती है दो भाइयों की गिबत की जा रही दोनों में इख्तलाफ बढ़ता जा रहा खलीज डिफरेंस एक गैप एक गल्फ़ बन जाता दोनों के बीच में जैसे पानी आता ज़मीन के बीच में तो गल्फ़ वल खलीजें बढ़ जाती हैं ठीक इसी तरह नौवा नुकसान अदावत और दुश्मनी रिश्तेदारों से दोस्तों से हो जाती अदावत और दुश्मनी हो जाती दो अच्छे दोस्त हैं गिबते कि किसी ने और दोनों दुश्मन या बोहतान लगा दिया चुगली कर दी दुश्मन हो गए दसवां हसद बढ़ जाती है समाज में ग्यारहवा नुकसान नेकियों में कमी हो जाती है करने वाले के लिए बारवा नुकसान lingons.. गुनाहों में इजाफा हो जाता है करने और सुनने वाले के लिए तेरहवा नुकसान जिल्लत और रसोई की जिंदगी जीता है दुनिया में चूंकि उसके अल्लाह रास करते रहता है जिल्लत और रसोई की ज़िंदगी जीता है दुनिया में चौदवा नुकसान खबर का आज़ाब बर्दाश्त करता है मरने के बाद और पंद्रह नुकसान आखिरत में जहनुम में जाएगा ये पंद्रह नुकसान होते हैं करने वाले को सुनने वाले को और समाज को जिसे की जा रही हो तो फ़ायदे में रहा तीन सीवियर नुकसान अब आइए आइए क्या इतनी छोटी चीज़ भी गिबत हो सकती है जो सवाल होता है ना उसका जवाब दे रहा हूँ और इसी हदीस में माफ़ी मांगने का तरीका भी दोनों बातें एक साथ आ रही है इसलिए दोनों बातें रखें आइए वाक़ क्या सुन लीजिए हदीस लंबी है ज़िया मकदसी रहमत लिया ने इस हदीस को जो है अदीस मुख्तारा के अंदर जमा किया है इस किताब के अंदर हदीस जो है ये सही रिवायत है हदीस के अल्फाज सुनिए मालिक रजी अल्लाह ला फरमाते और कहते हैं अरबों में एक दस्तूर था कि जब वो सफ़र पर जाते तो एक काम करने वाला साथ ले लेते सफ़र पर जा रहे तो दो तीन लोग तो एक काम करने वाला साथ अब्बर सिद्दीक रज़ी अल्लाह उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह लन ये दोनों सफ़र पर निकले और एक काम वाला साथ लिया एक मरतबा जब ये सुबह उठे तो काम वाला सो रहा था उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह बकर सिद्दीक ने कहा मतलब इसे हदीस में अल्फाज़ देखिए जब वो बेदार हुआ तो देखा कि इन दोनों का खाना तैयार नहीं है खाना नहीं बनाया उसने और वो आदमी सो रहा है तो इन में से एक ने दूसरे से कहा ये तो घर के सा सो रहा सफर में आदमी घर के सा नहीं सोता चौकन्ना होशियार कम जगह में रात में दुश्मन हमला सफर में ना रेगिस्तान में पड़ाव डाले हुए हैं तो रात में चौकन्ना सोना पड़ता है बोलते हैं ना चौकन्ना एक आंख खुली रख के सो रहा है मतलब सो रहा हूं लेकिन बहुत चौकन्ना ठीक तो चोर आ रहे किसी इलाके में तो कैसे चौकरना सोते वहाँ की बस्ती के लोग चौकरना तो ये तो घर के जैसा सो रहा है दोनों में से किसी ने एक नहीं से उसके बाद नबी नबीम भी उस सफर में थे दूसरी जगह थे और वद्दीक और उमर ख़ताब ने उस गुलाम को भेजा और कहा अल्लाह के रसूल को दावत दो कि आके हमारे साथ सालन खाए खाना खाए जब ये गुलाम वहां पहुंचा जो काम के लिए रखा था जो सो रहा था घर के जैसा जो डिस्कस किया दोनों में से किसी एक ने एक दूसरे से उसने जाकर अल्लाह के, के रसूल आपको बुलाया जा रहा है तो कहा उन दोनों से कहा उन दोनों ने तो सालन खा लिया दोनों परेशान हैं हमने कब सालन खाया अभी तो सालन बना इसने अभी बनाया उठ के अल्लाह के रसूल रसोल अभी दावत दी गई आप कब खाएं ये दौड़े दौड़ा कहा अल्लाह के रसूल रसुल्ला वसलम हमने कब सालन खाया अल्लाह के रसूल रसोल सल्लम को बज़रिए वही पहले से ही बताया जा चुका था क्या क्या हुआ वाकई कहा हमने कौन सा सालन खाया अभी तो सालन बना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए इसके पास आए और कहने लगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु हमने आदमी को भेज कर आपको सालन खाने की दावत दी थी लेकिन आपने कहा कि वो दोनों सालन खा चुके मतलब हम दोनों सालन खा चुके हैं तो किस चीज़ का सालन हमने खाया हमने तो खाया नहीं आपका इंतज़ार कर रहे हैं अभी किस चीज़ का सालन हमने खाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अपने आप भाई के गोश्त का सालन तुमने खाया है और उसका गोश्त तुम्हारे दांतों में अभी भी अटका हुआ मैं देख रहा हूँ अभी भी है हुआ वो गोश्त मुझे दिख रहा है जो तुमने सालन खाया उसमें भाई का गोश्त खाया तुम्हारे ठीक है आप सर फरमा अपने भाई के गोश्त का सालन तुमने खाया है और इस ज़ात की खसम जिसके हाथ में मेरी जान है बेशक मैं इसका गोश्त तुम्हारे दांतों के अंदर देख रहा हूँ यह सुनकर इन्होंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से हमारी मख्त की दुआ की समझ गए गलती हुई गोश्त खाया मतलब क्या किया गीबत की क्या गीबत थी ये घर के जैसा सोते पड़ा हुआ है क्या कीमत की थी घर के ऐसा सोते पड़ा हुआ कोई एक आदमी उसकी इलाह कर सकता था देखो हम सफर में हैं सफर में घर के ऐसा नहीं सोना चौकन्ना रहना तुम काम करने के लिए लाए गए हो ये बोल सकते थे लेकिन आपस में डिस्कस किया सबके सामने क्या बोला घर के ऐसा सोता पड़ा हुआ क्या आदमी घर के सोता पड़ा हुआ हाँ तुमने गोश्त खाया दोनों समझ गए फौरन का अल्लाह के रसूल अल्लाह से हमारी बख्शिश की दुआ की मकसद नबी अक्रम सलासुन फरमार कहा वही आदमी मकफिर तलब कर सकता है मैंने जिसकी की गई उससे कराओ मैं नहीं कर सकता मतलब गई जिसकी की जाए आपको उसी से माफी मांगना पड़ेगी ना रसूल आपकी माफ़ी अल्लाह के सामने रख सकता है ना अल्लाह आपको माफ़ करेंगे जब तक के जिसकी की जाए उससे माफी मांगे क्या कहा उससे ही मांग जिसकी तूने किया है वही तुम्हारी गीबत का अल्लाह से मगफरत तलब कर सकता है जिसकी तुमने किया हुआ अल्फाज क्या है वही आदमी मफफरत तलब कर सकता है मुझसे मत मांगो मैं रसूल होने के बावजूद भी बंदों के मामले में सिफारिश नहीं कर पाऊंगा तुमको उससे मांगना है वही तुम्हारी मफफरत तलब कर सकता है और इन्होंने जाकर मगफरत की उससे कहा कि हमें माफ कर दो और इसमें उन्होंने वही बात कही थी जो उसमें है बुराई क्या बुराई थी सोते पड़ा घर के हो गया यही गईबत बहुत एहतियात करने की जरूरत आती ठीक है थीके? तो अब जिसकी गिबत की हो उसी से माफी मांगना होगी इस बात को याद रख ले हम लेंगे अब आखिरी पॉइंट पर बात खत्म कराऊँ कब कब गिबत कर सकते हैं क्योंकि गिबत एक अहम ननमान था मैंने सारी बातें एक साथ ला दी इस दर से कब कर सकते हैं है ना आप बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे पूरा ही गला रख दिए थे थोड़ी आने को जगह है पानी वाले अभी है कुछ कुछ बार आप गिबत कर सकते बल्कि कुछ मुकाम पर आपको गईबत करना वाजिब है जरूरी है अब अफसोस की बात क्या मालूम आपको बताऊं जहां करना है वहां मुंह बंद रखते हैं जहाँ मुंह बंद रहा है वहां गलत फाड़ फाड़ के करते कहां कहां कर सकते हैं गीबत बहरे हाल गीबत है झूठ बहरे हाल झूठ है लेकिन शरीयत ने मुस्तना हालत दी एक्सेप्शनल केस यहां कर ले सकते यहां बोल सकते या जंग में झूठ बोल सकते एक्सेप्शनल है हमारे पास जो उल्टा रहता जंग और मोहब्बत में जुड़ बोला नहीं नहीं जंग और मोहब्बत नहीं सिर्फ जंग है मोहब्बत मतलब अभी जंग में है बोल सकते हैं आप किसी की जान बचाने बोल सकते वो एक अलग केस है आप तो गिबत कब कर सकते हैं क्या इसके एक्सेप्शनल कंडीशन है कि तो जब गिबत का मैंने बोला तो हो सकता है लोग इतना मुंह बंद कर ले कि जहाँ ज़रूरत है भी ना करें नहीं 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 ऐसा नहीं है क्या क्या सुन लीजिए पहला मैं छः कंडीशन रखूँगा छः जगह गीबत कर सकते हैं आप कुछ जगह तो वाजिब ज़रूरी करना ही चाहिए कहाँ का पहला मज़लूम अपने जुल्म की फरियाद हाकिम खलीफ़ा खाजी या अथॉरिटी तक कर सकता है जाकर मज़लूम अपने जुल्म की फरियाद जालिम के खिलाफ हाकिम या फिर खाजी या फिर खलीफा या अथॉरिटी के पास कर सकता है कि हम पर फला आदमी ने जुल्म किया यह गीबत में नहीं आता कि तो वो बुराई है ना उसकी उसके सामने बोले तो जालिम को बुरा लगेगा ना लेकिन यह गलत नहीं है यह गीबत जायज़ है क्यों तो वो जुल्म कर रहा है समझिए आप बात को एक मज़लूम अपने जुल्म के बारे में अथॉरिटी को जिम्मेदार को जाकर कंप्लेन कर सकता है जालिम की बोल बोल करके उसने क्या किया उसके साथ पब्लिक में नहीं अथॉरिटी के सामने ताकि वो जुल्म से रुक जाए ये दुरुस्त है ये किया जा सकता है यहां इनशाला नहीं मिले दूसरा कब कर सकता है इंसान दूसरा है खिलाफ शरीय कोई काम को रोकने के लिए उस बुराई के करने वाले को ठीक है वाले को राह रास्त पर लाने के लिए किसी ऐसे शख्स या जिम्मेदार से मिलकर उसकी बुराई की जा सकती है गीबत कि वो उसकी असलाह कर दे एक आदमी नमाज नहीं पढ़ता तो किसी इमाम को मस्जिद के कि देखो इमाम साहब बहुत सारे लोग नमाज नहीं पढ़ रहे आप जरा बोलो ना मस्जिद में इमाम या उसके वालिद को देखो आपका बच्चा जो है फला नमाज को नहीं आता आप बोलो ना हालांकि उसके सामने बोले तो बुरा लगेंगे ना नमाज़ नहीं पढ़ता ये गीबत जायज़ है लेकिन सबके सामने नहीं आप ये नहीं हो सकते वो देख लो ना जो जा रहा नमाज नहीं पढ़ता नहीं उसके वालिद को बोलो जिम्मेदार को बोलो ताकि वो उसको नसीहत करे या उसका कोई दोस्त है ख़ास देखो आप उसके दोस्त हैं मैं चाह रहा था आप उसकी असलाह करो उसको नमाज का बोलो ना आप लोग इसका मतलब आप उसकी बुराई करें नमाज़ नहीं पढ़ता बोलो मतलब नहीं पढ़ता ये दुरुस्त है समझा ये कर सकते इसमें भी इंशाल्लाह गुनाह नहीं तीसरा मुकाम जो आप कर सकते किसी से फतवा तलब करने के लिए किसी के बारे में बोलना ये भी जायज़ है फतवा तलब करना मतलब किसी मुफ्ती के पास गए अब आपको फतवा चाहिए तो आप बोल रहे हैं कि मेरे पे ऐसा हुआ मेरे भाइयों ने मेरी विरासत खा गई बहन जाके बोल रही है जायज़ है हालांकि भाइयों को पता चलेगा तो बुरा लगेंगे ना बहन मुफ्ती के पास कंप्लेन कर दी फतवा ले रहे लेकिन बोल सकती हो चूंकि उसका हक़ हाँ मारा गया अब इसको फतवा चाहिए और फतवे में ये नहीं बोल सकती कि अली ताशे ने आबा सा का कुछ खा लिया नहीं हाँ तो बोल रही मेरे भाइयों ने मेरा जायदाद खा गई अब आप बोलिए क्या इसको बोलेंगे भाइयों का जायदाद खाना गलत है हराम है ये फ़राज़ है फरीजा है देना चाहिए है ना तो यहाँ बोल सकती है चौथा मुक़ाम जो आप बोल सकते हैं मुसलमानों को शर से खबरदार करने के लिए भी आप आपत कर सकते हैं जैसे मिसाल के तौर पर मोहदसिन ने झूठे रावियों की खबर हमको दी गिबत ही ना उनकी लेकिन जायज है वाजिब है करना चाहिए क्योंकि अगर झूठा रावी हदीस दे देगा तो बात हो सकता है झूठ बजा समझा मुसलमानों को बड़े खैर की तरफ ले जाने शर से बचाने रावियों पर कहा ना ये रावी झूठा है ये रावी मुदल्ला है ये रावी मतरूक है ये रावी मजहुल है ये रावी सुलह है ये रावी कजाब है इस जिसपे झूठ साबित है तो खैर के लिए और शर से बचाने के लिए किया ना मुद्दी नहीं है चाय से इसी तरह कोई रिश्ता लेकर आए कि भाई मेरी बच्ची को एक रिश्ता आया है एक लड़के का क्या करूं तो आपू क्या करना पड़ेगा अगर उसमें वाकई में कोई बुराई है तो बयान करो वरना कौन नहीं बहुत अच्छा हम क्या करते लड़का शराबी है हमने क्या करने का उनका उनका अब तलाक हो गई तलाक के बाद आ गई बेटी की तरह तलाक होगी हमको पहले से मालूम था कैचारा भी था जब क्यों नहीं बोले हम बोले तुम्हारा तुम्हारा हम कहू मुंह खोलना होगा बीच में पढ़ना होगा बुराई लेना हमने छोड़ दी। वेरी गुड लड़का अगर शरीफ है तो कुरेत कुरेद के उसके खिस्से लाएंगे बचपन में एक बार ये किया था फला किया थाबत है शरीफ है तो बुरा है तो, तो। और तलाक के बाद बोले नहीं यहाँ बोलना पड़ेगा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबीआ आई और उन्होंने आकर अपने बारे में सवाल किया फ़ातिमा बित कैस रजी आई और कहा अल्लाह के रसूल मुझे तीन रिश्ते आए इनके शहर के इंतकाल के बाद क्या करूँ तीन रिश्ते आए मुझे फलाँ फलां फलां तीन नाम लिए अल्लाह के रसूल ने तीनों के बारे में एक एक बात बताई जो आपको पता थी का एक के हाथ में डंडा रहता हमेशा देखो तुम क्या करना एक इंतहाई कंजूस है अब तुम सोचो हालांकि उनके सामने बोला जाए तो ये उनकी बुराई कहलाएंगी लेकिन चूंकि अभी मामला सीरियस मैटर है उसकी ज़िंदगी का सवाल है अगर बाद में नहीं जमी तो तलाक जैसी बुरी चीज़ हो सकती है लिहाजा आगा करना कंपलसरी है बता दिया लेकिन इसमें एक बात याद रखी जिसको बताया जा रहा हो वो इस बात को आगे नहीं बढ़ा सकता कि मुझे ऐसा बताया गया है उसके लिए जायज नहीं होगा ऐसा एक वाक़ा सुनाता हूँ मेरे ही साथ हुआ था कोई एक साहब आए उससे कहा मेरे बहन को रिश्ता आया और मैंने आजिज़ाना तौर से कहा मत करो बहुत आजीजी के साथ का मत करो लड़का अच्छा नहीं मैं जानता था उसको लेकर अब उन्होंने क्या किया मानो पूरे शहर में बाजा बजा दिया फैजे नहीं हो ले उसकी शादी नहीं हो रही बेचारे की किसी ना किसी से तो हो सकती थी ना लेकिन उनके लायक नहीं थी लेकिन इतना मुझे पता था उनके लायक नहीं थी उनकी बहन के तो और से कर सकता था वो अब वो आ गया ना मेरे पास तुम्हारे साथ इतने दिन रहा उठा बैठा तुमने मेरी चादी में ला लिए क्या वाटोला अड़थड़ा और फला अब मैं क्या बोलूँ ठीक है फिर दो दिन बाद वो साहब भी आ गए है भाई उसको तुमने कुछ मुंह मुँह नहीं बोले तुमने जब उसने आगे बोला तो पहला क्या बोलो अब बोलो बोले वो कैसा है पहला आपकी मर्जी और उन्होंने अपनी बहन का निकाह उनसे कर दिया कर दिया चंद दिनों बाद बहुत बड़ा वाक्य हुआ और केसेस बने और खून खराब हुआ चंद दिनों बाद फिर मेरे पास रोते रोते रोत रोत आए तो कहा कि इतना प्रॉब्लम पेपर सब पेपर में आ गए तो बहुत बड़ा मैटर हो गया था फिर आए माफ़ी मांगी गलती मैंने कहा मैंने आपको बोल दिया था लेकिन आप किसी के सामने बोलेंगे दोनों मुर्गे लड़ो जो मुर्गा जीता हो मुर्गा ताकतवर सही है ये रूल नहीं है ये रूल नहीं है हो सकता बातों में मुझसे ज़्यादा तेज़ हो और वो जीत जाए मैंने जो बताया था ख़बर अपनी दे दी थी तो सामने वाले को जब कोई ऐसी ख़बर दे वो इस खबर को आगे ना बढ़ाए ये सहाबिया ने जाके नहीं बोला उनका हाँ तुम्हारे बारे में अल्लाज डंडा रहता तुम्हारे हाथ में हाँ तुम्हारे बारे में बोले तुम बहुत कंजूस है नहीं मैटर आ गया करना है आगे बढ़ो नहीं तो मैटर को फिनिश शख्स यार ये ख़त्म हो गया यहाँ अच्छा दूसरे किसी को रिश्ता है तो इनका काम नहीं उनको बोलना ये वहाँ भेजेंगे जाओ तुम अल्लाह के रसूल से पूछ लो भाई इसके बारे में ऐसा था समझे आप तो ये मत न हो जाएंगी फिर वो तो यहाँ ज़रूरी है तो यहाँ तो मुंह बंद रहता हमारा एक आदमी आया मुझे बिजनेस करना है वो आदमी के साथ अब उसकी आदत ये है कि हजारों का लूटा हुआ पैसा आप फ़ौरन बोलेंगे क्यों मत जाओ वो फ्रॉड है अब यहाँ मुंह बंद कर लेते हैं दो चार महीने बाद मिला और क्या चल रहा तुम्हारा बिजनेस मालूम है डूब गया हूँगा अरे वो तो भाग गया हमको पहले मालूम था तो बोली क्यों नहीं जहां गिबत कर सकते थे वहां तो नहीं की तुमने मुंह बंद रखा क्यों वो तुमको तकलीफ पहुंचाएंगा बोलकर अल्लाह से नहीं डर के बंदों से डर रहे अल्लाह क्या तकलीफ देंगे करने में वहां डर नहीं होता बिंदा तो गिबते चालू है बंदों से तकलीफ शराबी को शराबी बोलेंगे तो हो सकता पता चल तो मेरा हाल बुरा कर देंगे फिर वहां बंदों से डर के नहीं कर बोलो और ये बोल के बोलो कि ये बात आगे नहीं बढ़ना चाहिए आपके हद तक ठीक तो ऐसा कर सकते पांचवी जगह कोई शख्स खुल्लम खुल्ला फिस्क फसाद फजूर और जिसको कहेंगे बिदत और कुफ्र कर रहा है तो उसके खिलाफ खुल्म खुला खड़े रहकर बोल सकते हैं हर आदमी नहीं बोल सकते ये फितना ये है ये बिदती है ये फसादी है ये मशरक है ये फलाँ है और ये फितना मचा रहा है हिमत के साथ ये भी जायज़ ये गिबत में नहीं आता है और और ये हर आदमी हर आलिम नहीं नेमा की बार जो बड़े उल्मा होते हैं वो मिलकर वो करेंगे और उम्मत इजमा करके फैसला देंगे फिर उसके बाद उसके खिलाफ कहा जाएगा छठी चीज़ जो हो सकती है जहाँ हम कर सकते हैं दुरुस्त है ये है, है कि अगर किसी शख्स का नाम या लखब या वफ ऐसा ही हो जाहिर ही हो लेकिन उसको बोलने से बुरा नहीं लगता जैसा कालू भूरा हिद्दा मोटा अरबी में भी ये होते थे अब ये मतलब नामों के हिसाब से जैसे अबू असवद काले का बाप ये होते थे कॉमनली है ना जैसे कल कबीले के नाम है ना कुत्ते बनू मतलब औलाद और कल कुत्ते को बोलते हैं लेकिन वो बहुत वफादार कबीला था इसलिए वो नाम दिया था उन्होंने तो अब यहाँ बनू कल्प को बनू कल बोल सकते हो उनको बुरा नहीं लगता इससे वो उनका नाम है उनका लखब है उनकी पहचान है अबूआ सवद काले का बाप और उसके लिए वो पहचान है समझ तो या बच्चे का नाम काला रख दिया उसने तो यहाँ ये अबत में नहीं होता शादी या फिर ऐसा शख्स जिसके सामने कोई चीज़ बोली जाए और उसे बुरा नहीं लगता हो वो भी अबत नहीं है जैसा एक आदमी सेहतमंद है लोग बोलते हैं मोटे और वो खुश होता है कभी उसका नाम भी लेते तो बोलता मेरा नाम मतलब अच्छा लगता है मैं मोटा बोला और अच्छा लगता है तो ये उसकी पसंद है समझ गया तो यहाँ भी आप जब बोलेंगे ये गीबत में शुमार नहीं होगा लेकिन ये उसको बुरा ना लगे आप ये ना सोच ले मेरा भाई मेरी कोई बात का बुरा नहीं मानता क्यों रे मोटे अब वो अंदर ही जल रहा कि बेटा मौका मिलने दे जब पकड़ूंगा ना पटकूंगा ना तब तक को मालूम होगा मोटा भलने का नतीजा क्या होता है लेकिन आप क्या बोल रहा नहीं बहुत दोस्ती ऐसी हमारी कि गला कार्य तो कुछ नहीं बोलते एक दूसरे के ये सब उसकी शख्सियत पर है अगर वो बुरा नहीं मानता है तो वरना फिर बत हो जाएगा तो ये पांच की जगह थी जहां आप कर सकते हैं मुस्तना हालतें और कंडीशन जिनको बोलते हैं आप बहरहाल कर सकते हैं वरना ये नहीं करना चाहिए अब गिबत हो गई है माफी कैसे मांगे आखिरी पॉइंट पहला किसी की गिबत की हो जिंदा हो तो जाकर माफी मांग ले अगर कोई जिंदा हो गिबत की हो आवाम में की हो आवाम में माफी मांग ले अगर कोई जिंदा हो बहुतान लगाया जो ग़ीबत की बहुतान लगाया हो अकेले में लगाया हो कुछ लोगों के सामने तो उनमें बोल दे पब्लिक में बोला हो पब्लिक में बोले मैं माफ़ी चाहता हूँ ये मैंने कहा था कि वो आदमी झूठे जबकि झूठे नहीं है मेरी गलती थी मैंने बहुतान लगाया था मैं अल्लाह से माफ़ी मांग चुका हूँ आप लोगों से भी चाह रहा हूँ कि अब आप उनको झूठा ना कहें समझ्याबत तो की हो शख्स से मांग ले पब्लिकली की हो पब्लिकली उसकी माफ़ी आपको मांगनी पड़ेगी चाहे बहुतान थी चाहे गीबत थी चाहे चुगली थी मांगना पड़ेगी मर गया हो सफ़र में किया था मिलता नहीं हो नहीं। सफर में बैठे अरे क्या गंदे गलीज लोग हैं पसीने में लथपत रहते देखो उल्टे हाथ से खा रहे फल कह क्यों कर रहे हैं आपको नहीं पता वो कौन लगे सीधा हाथ खराब होंगे जिससे उल्टे हाथ से खा रहा पानी नहीं है बोल के ये कर रहा पानी से इलाज मतलब इलाज में प्रॉब्लम आता बोल के उसको पानी से डॉक्टर हाथ मत धो बोला हमको नहीं मालूम चला गया लेकिन आप कहाँ से पकड़ चलाएंगे उसको तो आप जो मर गया अब जो मिलता नहीं है उसके लिए कसरत से इस्तफार करें मगफ़रत की दुआ करे अल्ला उसको अल्लाह उसको माफ़ कर दे उस पर रहम कर दे उसको वो कर दे अल्लाह से पहले माफ़ी मांगे अपनी ख़िबत के उसके लिए कसरत से मगफ़िरत की दुआ करे ठीक है ये इसका तरीक़ा है मर गया तो जो नहीं मिल रहा तो जो सामने है तो पब्लिक में की ये तरीक़ा और तोबा की चार कंडीशन है बंदों के मामला में अल्लाह के मामला में तीन कंडीशन बंदों के मामला में तीन कंडीशन अला नवी रह फरमाते क्या क्या है पहला दिल में नादिन होना दूसरा अल्लाह से तोबा करना तीसरा दोबारा उस अमल को ना करना और बंदों के मामले में बंदों से माफ़ी मांगना तो गिबत बंदों का मामला है बंदों से माफ़ी दिल में नादिम होना अल्लाह गबत हुई गलत है अल्लाह में तोबा करता हूँ तो सी इन श्ला दोहराऊँ आने मिल के भाई साहब मैंने ऐसा किया था माफ़ी चाहा ऐ लोगों मैंने आप सबके सामने उस दिन बोला था मैं माफ़ी चाहता चाटा इंतकाल कर गया अल्लाह उसकी मकजद तो आपने अल्लाह से तो मांग ली ना मफफ़रत कर बख्श दे रहे इतना मांगे कि लगे कि गीबत के बदले में आपने उसको इतनी दुआएं दे दी मुसाफिरता नहीं मिल रहा दुआएं दी दुआएँ दुआएं दी ये इसका बहरहाल तरीक़ा है इनशालाजी अल्लाह ताली हमको माफ़ करेंगे तो ये उसकी तौबा का तरीक़ा था तो ये चंद बातें थी बहरहाल ईबत उसकी कबाहत उसकी बुराइयाँ उसका नतीजा उसका अंजाम और उसकी हलाकतें उसकी बर्बादियाँ क्या क्या होती है मैंने गीबत क्या होती है उससे शुरू करके और उसके नुकसान समाज पर क्या होते हैं क्यों इंसान करता और आखिर में हमने ये देखा कि उसके तोबा का तरीक़ा क्या और कब करना दुरुस्त है और जायज़ रहेगा अलहमदिल्ला हमने तमाम चीज़ें मैंने इकट्ठा करने की कोशिश करीवान अपने आप में बड़ा अहम था इसलिए थोड़ा सा वक्त गया लेकिन हमने उसको मुकम्मल तौर से कवर करने की कोशिश की अल्लाह इज्जत के आखिर में दुआ कि रब्बुल इज्जत हमें इस गीबत जैसी महलिक बीमारी से हमारी हिफाजत फरमा अल्लाह सुवान तआला अगर हमने गीबत की हो तो हमें ये ताक़त दे हमें ये जो है हमें तौफीक दे कि हम लोगों से जाकर इस तल्लु से जो माफ़ी मांगे अल्लाह हमें जो है तू भी माफ़ कर और अल्लाह बंदों को तौफीक दे कि जिससे माफ़ी मांगे वो लोग भी हमें जो है माफ़ करें अल्लाह जो इंतक़ाल कर चुके हैं उनके अगर हमने ईबत की हो तो अल्लाह उनके लिए हम दुआएँ मग़फ़िरत की हमें तौफीक दे कि इतनी करें कि अल्लाह उनकी मगफ़िरत हो जाए और अल्लाह हमने अगर अजनबी और अनजान लोगों की की हो तो तू हमें इस मामले में जो है माफ़ फरमा अल्लाह गीबत जैसी और तमाम ऐसी बीमारियाँ जो जबान से जो गुनाह कबीरा होते अल्लाह इन तमाम के मामले हमारी हिफाजत फरमा जब तक हमें ज़िंदा रख इस्लाम और ईमान पर जिंदा रख खात्मा जब भी हमारा ईमान पर ख़ात्मा हुआ आखिर उदावानम सुनबीकर वसलम सलीम विल्लामी कोई बात इस दर से ना समझो या आपका कोई सवाल हो तो पूछ लें खातन ऊपर से सवाल लिख कर चिट्स पर भेजें कागज होता है ऊपर और मर्द हजार अपने सवाल के लिए हाथ उठाए माइक आपके हाथ में दिया जाएगा आप अपना सवाल माइक के अंदर करें कोशिश ये करें कि सवालतवान पर हो तो ज़्यादा हो तो बेहतर होगा, तो चूंकि गीबत पे हुआ है, ताकि इंटैक्ट हो जाए कोई चीज़ छुट गई हो तो पूरी मुकम्मल हो जाए अगर ओान पर सवाल ना हो तो हम गैर गैरुन पर सवाल लेंगे लेकिन पहले गुज़ारिश ये है कि जो सवाल उनवान पर हो, हम पहले उनको ले लें बिस्मिलहमानर अल्हदिल्ल रबालमिन वाला वसलमालनविन वमसलीम रबी वस् सदरी वमरी कुछ चुगली से भी ज्यादा बढ़ के लगती मेरे हद हाँ तक कि जो लोग बोलते के बारे में बोला तो तो बहुत नहीं बोल सकते। बस वो वो क्या है वो तो इतना ऐसा लगता है कि अब ये सामने वाले ने, मेरे खिलाफ क्या बात कर। भाई ने एक अच्छा सवाल किया कि चुगली से भी ज्यादा खतरनाक एक बात लगती है कि जब कोई किसी के पास आता है और आकर ये बोलता है कोई सवाल पूछा जाता है और ये बोलता है मेरे को उसके बारे में एक ऐसी बात मालूम लेकिन मैं बता नहीं सकता अब इसमें क्या होता आदमी बहुत ज्यादा घबरा जाता है ये क्या बात है देखिए फातिमा रजनहा जो फातिमा बिन खैस जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और तीन तस्करा किया लोगों का कि इन तीन के पैगाम मेरे निकाह के लिए आए मैं किसका कबूल करूँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं कहा कि मैं तीनों के बारे में ऐसी बात जानता हूँ बता नहीं सकता बस मुट्ठी बंद है ना तो बंदी ही रहने दो इसको बस तुम मत करो ऐसा नहीं कहा क्या किया तीनों का नाम लिया और तीनों के बारे में बातें बताई जो एक शादी के बाद बहुत अहमियत की हामिल होती है एक कंजूस है बाहर सी बातें बीवी खर्चे के लिए भी नहीं देगा एक के हाथ में डंडा होता है और थोड़ा सख्त है मिजाज से समझा बताई ये नहीं कहा कि अब बस मुठ्ठी बंद है ना बंद रहने दो और वाकई में जो आपने कहा ना कि जो लोग बोलते हैं कि उसके बारे में एक ऐसी बात है बस अब मुठ्ठी बंद है बंद रहने दो मोहम्मत खुलाओ मेरा हालांकि होता कुछ भी नहीं डब्बे के अंदर लेकिन ऐसा बोल के भी कभी कभार सिर्फ बात को पलटा दे रहे हैं अपनी बहुत बड़ाई बयान करने मेरे को सबके राज मालूम है बताने के लिए ये लोग करते हैं जबकि अगर ऐसा कोई मसला है जहां आप ये कह रहे हैं कि मुझे ऐसी बात मालूम तुझे नहीं बता सकता हूं और बताना नहीं है तो उसने बोलना भी नहीं चाहिए पहली बात आपसे आगे कोई रहा मेरी लड़की का एक रिश्ता है या तो बताना है तो बता दीजिए या तो कहिए दूसरों से पूछिए मैं नहीं बता सकता या तो छोड़ दीजिए यह कहना कि मुझे पता है बस तुम मत करो मुट्ठी बंदे रहने दो फुला है फुला है फुलाएं बता नहीं रहे ये गलत है इसलिए कि इसमें आदमी कुछ भी सोच सकता है ना ये सोच सकता है बच्चा जानी तो नहीं बदकार तो नहीं कमजोरी तो नहीं जिसमें कुछ भी सोच सकता है ना? अच्छा अब इसने तो रिश्ता नहीं किया आपके बोलने पर कि मैं बोल नहीं सकता मिठ्ठी बंदे बंद रहने दो अगले को रिश्ता आया उसको किसी और का रिश्ता आया अब ये आदमी क्या बोला मेरे को इतने बड़े आदमी ने बोला था इसमें बहुत बड़ा डिफेक्ट है कुछ तो भी मुठ्ठी बंद है लेकिन बंद रहने दो उसकी शख्सियत खराब होती जबकि अगर आप बोलते वो आदमी वो बच्चा गुस्से का बहुत तेज है और तो देख लो आपकी बच्ची बड़ी नाजुक है मैं जानता हूँ आपकी बच्ची को तेज तो यहाँ बंद मुठ्ठी मैं नहीं बोल सकता नहीं था क्लियर कर अगले बार कोई ऐसी औरत उसके निकाहे आ सकती है जो वो भी गुस्से वाली है इसके लिए वो मैच है इसके लिए मसला नहीं है होता है समझ रहे आप बात को तो ये समझने वाली चीज़ है तो आपको बोलना पड़ेगा तो ये मेरे पास एक ऐसी चीज़ है मैं बोल नहीं सकता मुट्ठी बंद रहन दो बस खामोशी में कर लो ये बिल्कुल गलत है इससे तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है तो पहला काम आप बोल सकते हो तो बोलिए और अगर वाकई में आपके खैरुआ के जज्बे से है तो बोलिए ताकि उसको फ़ायदा हो नहीं बोलना है तो कुछ मत बोलिए बस मैं बोल रहा ना मत करो मत करो मुठ्ठी बंद रहें तो मत बोलिए तो या तो मुंह ही मत खोलिए कहिए किसी और से पूछिए मैं अपने आपको उस लायक नहीं समझता हूँ या उस आदमी का शर इतना ज़्यादा है कि मैं अपने आपको उस लायक नहीं बोलूँ होता है ना कुछ लोग खुले शर पसंद होते हैं तो मैं ये नहीं कर सकता बात सिंपल है तो आप वो कीजिए लेकिन ये मत कहिए जो आपने कहा ना मुठ्ठी बंद रहने दो अब मैं बोल रहा तो कर लो ऐसा नहीं बल्कि या तो बयान करें या तो खामोशी इख्तियार करें इन ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि इस खामोशी में पता नहीं क्या नुकसान हो जाओ आलम और सामने वाला क्या समझ ले ली वल्लाम ये बहुत ख़तरनाक बात है या फिर कभी मजलिस में होता है एक आदमी बोला अरे वो फ़ला मैं उनके बारे में फ़लाँ सुना था अच्छे आदमी है तो उन्हें क्या सुना मियाँ अभी बस उतनी बंद है ना रहे बंद अभी खोलूँगा ना अब क्या है इसका डब्बे में कुछ भी नहीं खामो

भाई ने एक बहुत अच्छा सवाल किया सवाल ये है कि वो कंस्ट्रक्शन लाइन में है और वो जिम्मेदार है चालीस पचास लोगों के हेड है और उनको दिन भर लोगों से काम लेना है और शाम में अपने कंपनी को रिपोर्ट करना है कि उन्होंने लोगों ने काम कैसा किया क्या किया, किया नहीं किया रिपोर्ट करना तो क्या उनका ये कारगुजारी पेश करना गबत में आएगा तो याद रखिए ये कारगुजारी पेश करना में नहीं आएगा जब आप अथॉरिटी होते हैं ज़िम्मेदार होते हैं और आपको उसी काम के लिए बिठाया जाता है कि लोगों पे नजर रखें लोगों को चेक करें लोगों की मालूम लें ताकि जो काम के लिए और रखे गए वो काम वो करें तो जब तक आप उनकी वो बातें बता रहे कमज़ोरियाँ या नाक़ या गलतियाँ जो काम से मुतक है वो ग़िबत नहीं है लेकिन काम से हट बोलेंगे गिबत हो जाएगा मिसाल फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक लेबर है वो दिन भर काम नहीं कर रहा लेकिन शाम में बराबर बॉस को ऐसा बता रहा मग़रब होते काम चालू आ रहा तो सब काम पचास के पचास लेबर काम कर देख रहे अब आप शाम में रिपोर्ट दे देखिए ये दिन भर बैठता शाम में ये नहीं करता तो ये बिल्कुल दुरुस्त लेकिन आप ये नहीं बोल सकते ये घर में भी ऐसा करता मैंने ऐसे घर की ज़िंदगी भी देखा मेरे महल्ले में से रहता वहाँ भी ऐसी करता यहाँ भी ऐसी करता सुबह लेट उठ के आता काम से जब तक है तो बोलो तो लिहाजा आप बिल्कुल बोल सकते हैं ये आदमी लेट आ रहा है ये आदमी काम बराबर नहीं करता ये आदमी काम गलत करता है ये आदमी मेरा काम सुनता नहीं तो ये आप चूँकि अथॉरिटी है आपको बिल्कुल जायज़ है आप ये कर सकते हैं आपका काम ही है लोगों को मॉनिटर करना मॉनिटर करके रिपोर्ट पेश करना जो काम से रिलेटेड है तो इन शजीज़ आप जब ये करते हैं तो काम से मुतल जो है जिसमें आप अपना मफाद नहीं रखते कि जिसको आप पसंद करते हैं उनकी अच्छी रिपोर्ट जिसको नहीं अल्लाह के लिए कर रहे हैं खालिश कर रहे हैं ताकि जो काम से आप जुड़े हैं और पूरी कंपनी जो काम कर रही है कंपनी तरक्की करे आपको भी फ़ायदा हो उनको फ़ायदा हो आपके बॉस को फ़ायदा हो और आप निगरान हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं इसमें गलत नहीं जैसा कि अबू हुरैरा रजी अल्लाह अब निगरान थे खजूरों खजूरों के और और रात में एक शैतान आके को चुराने लगा आपने पकड़ा और कहा सुबह बोलूंगा किसको बोलूंगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों तो आप जिम्मेदार हैं खजूर के है और तुम चुरा रहे हो इसलिए तुमको सुबह रिपोर्ट करूंगा मैं तो यहां अगर होती तो बोलते नहीं अब तेरी चोरी खुल जाएंगे जानते माफ करता नहीं किया सुबह बोला भी कि अल्लाह के रसूल रात में ऐसा सा हुआ चुरा तो कहा वो कल फिर आएगा है ना तो पता ये चला निगरानी करने वाला अपने सबऑर्डिनेट्स की अपने साथ काम करने वाले अगर उसका काम ही वो है तो बिल्कुल बोल सकता है या ज़रूरी नहीं कि आप उन पर वो निगरान हो आप मैनेजर हैं मैनेजर का, का काम है ख़ुद भी काम करना और सारे लोगों से काम लेना अब अगर कोई काम बराबर नहीं करता है मैनेजर बिल्कुल उसकी कंप्लेन उसकी शिकायत अपने बॉस को कर सकता है चूँकि आप सब काम के लिए रखे गए और आप मैनेजर मैनेजर का, का काम ख़ास है कि खुद भी काम करना और पचास लोगों से काम लेना अब वो काम नहीं करता है तो कल को आपसे कंपनी पूछेगी क्या किया आपने एक महीने में आपको बोलना पड़ेगा ये लोग मेरे पास जो दिए गए सही नहीं है लिहाजा इसमें अगर आप किसी के बारे में कहते हैं तो ये शिकायत खास बॉस से सिर्फ गलत नहीं होगी लेकिन आप घर जाकर लोगों को नहीं बोल सकते वो काम बराबर नहीं करता क्यों तो अब आप गलत जगह कर रहे और अब गईबत है बॉस से करो काम ख़त्म हो गया ठीक है तो लिहाजा जो काम का मसला है काम के हद तक बोलना गलत नहीं है बॉस को बोलना या जिम्मेदार को बोलना गलत नहीं इसके अलावा किसी को बोलना गलत होगा तो लिहाजा बिल्कुल आप ये काम इन शाला कर सकते हैं किसी ने एक सवाल किया अगर स्कूल या वर्क प्लेस में जो कलीग्स हैं वो कुछ बुरा बिहेव करते हैं तो अगर पेरेंट्स से ये डिस्कस किया जाए तो क्या ये गीबत होंगी बहुत अच्छा सवाल है ये भी कि स्कूल में बच्चों के लिए या फिर ऑफिस में कलीग्स कलीग्स में देखिए भाई का सवाल इससे पहले वाला सवाल जिम्मेदार और मातेहत का था अब ये सवाल मातेहत का नहीं ये सवाल एक साथ काम करने वालों का टीचर या स्कूल में वो करे स्कूल में या वर्क प्लेस में जो कलीग्स कलीग्स मतलब साथ में जो लोग रहते हैं जिम्मेदार तो कर सकता अपने जिम्मेदार को लेकिन आप साथ ही क्या करें अच्छा सवाल तो आपके स्कूल में या वर्क प्लेस में या स्कूल कॉलेज या वर्क प्लेस में जो आपके साथ काम करते हैं उनमें अगर कोई बुराई हो तो इस बुराई को कैसे टैकल करें तो देखिए इस बुराई को आप उसके ज़िम्मेदार तक पहुंचा सकते हैं इन शाह ये गबत नहीं होगा जैसे एक लड़का है वो अफेयर करता है कॉलेज में आकर जो कि गलत है इससे उसकी ज़िंदगी और सामने वाली लड़की की ज़िंदगी ख़राब हो सकती है तो आप खामोशी के साथ उसके वालिद को जाके इन्फॉमेशन दे रहे हैं कि देखिए मैं कोई जासूस नहीं हूँ लेकिन मैं खैर ख्वाहिश से अच्छी नीयत के साथ आपके बच्चे की भलाई के लिए कह रहा हूँ कि आपका बेटा अफेयर कर रहा है जिससे वो लड़की की ज़िंदगी भी ख़राब होंगी और बच्चे की भी अगर आप शादी करना चाहते तो रिश्ता तय कर दें और नहीं करना चाहते तो बच्चे को आपकी अभी रोक दें मैं उनका साथ पढ़ता हूँ मेरा नाम आप मत बताइए बस उनको इससे हो सकता है वो नाराज़ हो जाए आ, बस मैं फिर चलता हूँ आप देखिए ये बिल्कुल आप कर सकते कलीग्स साथी आप लेकिन आपने किसको कम्प्लेंट की उसकी गिरबत किसको की उसके अथॉरिटी को की जो इसलाह कर सकता है अब आप एक लड़का अफेयर कर रहा है एक लड़की अफेयर आई आर करे आप पब्लिक में बोलो अरे उसको क्या दींदारी उसकी अफेयर करता हूँ उसकी क्या अफेयर आप गलत जगह बोलो ऐसा करने से किसी को फ़ायदा नहीं होने वाला है समझ रहे बात तो आप उसके ज़िम्मेदार को उसके गार्डियन को है तो ना उसके वालिद अगर वालिद वाले दादा वगैरह जो जिम्मेदार होते हैं घर के या फिर वो किसी जगह रहती तो वहाँ की अथॉरिटी को जैसा कि नुकसान पहुँचा रहा है किसी इंस्टीट्यूशन को तो उसके ज़िम्मेदार को कलीग्स आपस में रहने वाले कर सकते हैं ये इंफॉमेशन देना भी इन शीबत में नहीं आएगा तो कोई बुराई बद अखलाक़ी अगर आप बच्चों में अपने साथ वालों में देखें तो उनके वालदेन से डिस्कस करने में कोहिश इसी तरह कोई टीचर हो तो अपने स्टूडेंट्स की कुछ बुराइयाँ देखें उनके पेरेंट्स को बोले ये भी गीमत में नहीं आएंगे लेकिन वो पूरे स्टूडेंट्स को बोले एक स्टूडेंट की मैंने कंप्लेन किया उनके अब्बा को बुला गया बहुत फना कर रही है जो बैठे हुए इन यहाँ तो यहलत है ये, ये गीबत लेकिन वो ये कह रहे हैं कि देखो जो लोग गलती कर रहे थे मैंने सबके पेरेंट्स को बुलाया हूँ और एक एक करके बोलने वाली हूँ या बोलने वाला हूँ ये इसमें कोई चूँकि आप बच्चे की भलाई के लिए उसकी ये बुराई पर कि आपका बच्चा क्या कर रहा है पढ़ाई में सो रहा है आपका बच्चा पढ़ते वक्त खेलता है इसमें हालांकि बच्चे के सामने बोला तो बुरा लगेगा ना लेकिन ये उसके खैर खुआई के लिए और ज़िम्मेदार को कहा जा रहा है तो इन टीचर का पेरेंट्स को या गार्जियंस को बच्चे की कम्प्लेंट करना रिपोर्ट देना गलत नहीं है इसी तरह शहर में अमन व अमान रखने के लिए पुलिस वगैरह का ख़बरों का लेना और सही जगह तक पहुँचाना ये भी गिरबत में नहीं चूंकि अमन व अमान है लेकिन अगर फितना मचाने वो करेंगे तो गुनहार अमनोमान अमान के लिए या घर के बड़े का अपने घर के बच्चों पर या उन पर नज़र रखना या फिर मियाँ बीवी का अपने बच्चों के बारे में उनकी बुराई का डिस्कस करना कि हमारा बेटा ऐसा कर रहा बेटी ऐसा करे क्या करे ये भी गिरबत में नहीं आता क्यों तो वो दोनों अथॉरिटी हैं और वो तय कर रहे हैं इसी तरह मैनेजमेंट का आपस में अपने काम करने वालों के बारे में डिस्कशन करना मैनेजर बॉस का मिलकर डिस्कस करना है कि आदमी काम नहीं कर रहा क्या करना वो सही काम नहीं कर रहा क्या करना उसकी इसलाह कैसा करना ये भी गुबत में रहेंगे कब तक जब तक आपस में कर रहे हैं और पब्लिक में नहीं बोलेंगे आम लोगों को नहीं बोलेंगे किसी गैर आदमी को जैसा मेरा एक ऑफिस में एक सबॉर्डिनेट है मेरे नीचे काम करने वाला है मैं अपने बॉस को बोलता हूँ ये काम बराबर नहीं करता इसकी इलाह करेंगे या फिर इसको निकाल देंगे तो ये जायज़ है मैं अपने घर जाके बीवी को नहीं बोल सकता है कि मेरे सबॉर्डिनेट एक आदमी है ना वो फला साहब बहुत तो ही बेकार है यार कुछ काम नहीं करता मैंने बॉस को कम्प्लेंट कर दी अब गई हो गए क्यों जब तक बॉस के और आपके बीच में था वो ज़रूरत थी जब आपने अपने बीवी से किया ये गलत है समझ गया बात को यहाँ गईबत होगी तो लिहाजा कलीग्स की आप कंप्लेन या उनकी शिकायत या बैड बिहेवियर उनके वालदेन को बोल सकते हैं या जिम्मेदार को बोल सकते हैं इसी तरह टीचर अपने स्टूडेंट्स के लिए इसी तरह पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए इसी तरह घर का जिम्मेदार अपने मातहत लोगों के बारे में दूसरा डिस्कस कर सकता है इसी तरह घर के ज़िम्मेदार से किसी के मातहत की गलती एक घर का जिम्मेदार लीडर बड़ा आदमी है उसके घर के बच्चे शरारत करते हैं मोहल्ले में उनको कंप्लेन करना ये भी में इंशाल्लाह नहीं आता याद जाता क्योंकि आप उसकी इसलाह के लिए खैर खाई के जज्बे के साथ और सही आदमी के पास जाके उसकी गुजारिश करें इंशाल्लाह इसमें कोई हर नहीं दुकान के काम कर दूसरे शख्स को कुछ पैसे तो जिसने देखा वो शख्स में क्या करना चाहिए कह देना चाहिए मैंने एक अच्छा सवाल किया कि एक शख्स दो लोग एक ही जगह काम करते हैं एक आदमी ने जहाँ वो काम करते जिसके पास उसके गले में से उसके अकाउंट्स में से पैसे चुरा लिए आम जबान में दूसरा जो कलीग है मतलब ये दोनों साथ काम करते हैं बहुत अलग है अब एक ने देखा कि इसने मतलब अलिफ ने देखा कि बा ने चोरी किया तो अब क्या करें ए बी की कम्प्लेंट करें या खामोश खामोशर क्या कम्प्लेन गीबत में आएंगी या कैसे याद रखिए ए बी की कम्प्लेंट करें इन शाह गईबत में नहीं आएगा चूंकि वो वहाँ काम करते हैं हलाल रोजी कमाने के लिए वो आदमी काम ले रहा है इनसे ताकि उसके साथ काम करके इसके काम बिजनेस को एक्सपांड करे बढ़ाए चूंकि आदमी पूरे सिस्टम के लिए मुजिर है नुकसानदेह है समझ रहे तो लिहाजा उसके साथ काम करने वाला कलीग उसकी या तो पहले इसलाह करे आज ले लिया आइंदा नहीं होना पहला आइंदा भी ऐसा हो तो फौरन फिर कंप्लेन कर सकता बॉस के हद तक दूसरों को नहीं बोलेगा अब वहाँ पास गलती क्या होती है साथ वाला सबको बोलता रहे मेरे बॉस क्या साथ इतना चुरा रहा बॉस इसको ही चाटता लेकिन इसको ही चाटता बॉस को कभी नहीं बोलो रहा अच्छा ठीक कम्प्लेन नहीं हो रही दूसरी जगह हो रही तो बॉस को जाके बोले बॉस आपने हमको काम के लिए रखा अल्लाह मुझे माफ़ करे मैं गवत नहीं कर रहा हूँ इन्होंने चोरी किया अब आप देख लीजिए क्या है सीसीटीवी लगा दीजिए सबसे अच्छा ताकि अब आप कल को उसको बुलाएंगे मेरे को बुलाएंगे और वो बोलेंगे मैंने नहीं चुरा इसने चुरा तो मैं मेरे पास कोई कैमरे का नहीं आप लगा दीजिए ताकि आपका पैसा महफूज रहे मेरा काम था बता वो ये कर सकता है इनशाला ये बता में इनशा शुमार नहीं हूँ चूँकि कामन इंटरेस्ट के लिए सब काम कर रहे हैं कि बिजनेस बढ़े अच्छी रोजी कमाए एक आदमी ऐसा करने से बिजनेस डूबेगा नुकसान होगा मालिक को होगा और सी सीमा दूसरों को भी होगा लिहाजा दूसरों को इल्जाम भी आ सकता है तो वो बता सकता है बताना भी चाहिए ताकि सिस्टम अच्छे से चले तो इन शीज ये बताने में इनशाला कोई हर्ज नहीं होगा अल्लाह शो गुना नहीं देंगे असल फैज़ भाई मेरा सवाल ये है कि जैसे कि आप चार पाँच दोस्त रहते अपने कंटिन्यू की तो कभी कभी बोलते थे कि भाई ये वो चूंग से खर्चा नहीं करता ये नहीं करता यानी आपस में दोस्तों के सामने बोलते कि तो ये क्या में शुमार होंगी क्या वो आदमी वहाँ है जिसके बारे में बोल रहे हैं हाँ है वो भाई ने एक सवाल किया कि चार पांच दोस्त हैं और दोस्तों में जिस आदमी के बारे में बोला जा रहा वो भी मौजूद है वहाँ और ये बोला जा रहा है कि बच्चों में खर्च नहीं कर रहा बच्चों की सही तरबियत नहीं कर रहा तो क्या ये दुरुस्त है तो इस मामले में देखिए जो सर्कल है जो सर्कल है वो सर्कल की क्या नोइीत है वो दोस्तों की क्या नोयत है आपस में उनका क्या दोस्ताना है उस पर डिपेंड है फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे चार दोस्त मेरे बहुत ख़ास हैं लेकिन छठा नहीं है तो वो चार आपस में हम डिस्कस कर सकते कुछ भी एनी कि भाई तुम्हारे बारे में सुना तुम बीवी को खर्चे को पैसा नहीं दे रहे तो ये बोलेंगे हाँ यार हो रहा नहीं करूँगा इंशाल्लाह बाकी तीन बोलेंगे देखो ऐसा नहीं करना भाई मेरे ऐसा मत कर तेरे बारे में अच्छा उसने बोला गलत है यार लोग क्या बोलेंगे हमारे साथ हम तो नहीं तो ऐसा सिखा रहे फ़ुनाएँ तो ये दोस्तानों पे डिपेंड है उनका समझ रहा हूँ जैसा एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ सहाबा में हम देखते हैं कि सहाबा में से कुछ लोग एक दूसरे से जोक करते मजाक करते समझ आप कुछ करते एक दूसरे से कैसा करते हैं ये उनके दोस्ने पर इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्ने पर डिपेंड है उस इंटेंसिटी ऑफ रिलेशन पर डिपेंड होता ही कि कुछ साहबा खरबूज खाते और खरबूज खाने के बाद जो है उसके छिलके बचते तो एक दूसरे के गर्दन पे मार देते और दूसरा हंसता उनको बुरा नहीं लगता समझ रहे आप छिलका के गर्दन में चिपका तो बहुत बेचन नहीं होती ना लेकिन ये वो दोस्ताना है जिसमें आप पलट के गुस्सा नहीं आएगा पलट के आप सिर्फ हंसेंगे मत करो रे क्या शरारत कर रहे मेरे साथ आप मेरे साथ करें ना मैं फलां करूंगा ये दोस्ताना है लेकिन एक को छिलका मारे और बोले एक आइंदा नहीं आना तो मतलब ये दोस्ताना है लेकिन ये मज़ाक उसके साथ नहीं चलेगा तो ये सर्कल पर डिपेंड है इसी तरह कुछ साहबा के तालसा था एक साहबी खाना बनाता दूसरा उसका खाना उठा के लेके चले जाता और खा लेता जो पहला के कहता मेरा खाना खाए तो बोलते हमने खा लिया तो पहला जिसका खाना था वो दुआ देता अल्लाह बरकत दे उस खाने में अच्छा किया तुमने खा लिया समझ रहे आप तो इसमें उनके अंडरस्टैंडिंग लेवल लेकिन आप ये किस्सा सुन के आप दोस्तों को नहीं बोला तेरे घर का खाना मैं लेके भाग जाऊंगा तू ने खामो लेना अरे बहुत मेहनत से बेचारे ने बनाएंगा चिकन तुम लेके मत भागो ये लेवल ऑफ फ्रेंडशिप पे डिपेंड है तो अगर वो चार दोस्त वाकई में ऐसे दोस्त हैं जो आपस में सारे घर गृहस्थी की बातें डिस्कस करते हैं और उसमें ऐसा कोई नहीं जिससे कोई दोस्त नाराज होगा तब वो अगर आपस में दूसरे को बोले कि मैंने आपके बच्चों को देखा उनकी तरबियत सही नहीं हो रही तो बोलेंगे हाँ तुमने बहुत सही बोले यार कहाँ तुमने देखी वो गलती मेरी को बोलेंगे जब मैं घर आया था तुम्हारा एक बच्चा ऐसा कर मैंने कभी गौर नहीं किया जजाक अल्लाह बहुत अच्छा किया दूसरे बोलेंगे अरे हाँ इसको मालूम नहीं था यार फला समझा तो ये लेवल ऑफ फ्रेंडशिप पे अगर वो दोस्त आपको बोलता देखो तुमने आज बोले मेरे बच्चों के बारे में कल सबके सामने नहीं बोलना तो आप क्या करना आप बेहतर अकेले में बोलो सजेशन मतलब मेरे तरफ से मैं सुझाव ये दूंगा सजेशन मेरा ये है कि इसल अकेले में की जाए ज़्यादा असरअंदाज होती है लेकिन कभी कभी पब्लिक में किया जाना भी असरअंदाज होता है जैसा कि एक आदमी अपने बी पे ता है खुलेआम ता है तो वहाँ उसका पब्लिक में पकड़िए मतलब पूरे दोस्तों में पकड़िए कि तुम इतनी बातें करते हो अच्छी अच्छी आके दोस्ताने में और बीवी को मारते हो ये कौन सा तरीक़ा यहाँ वो शर्माएंगा इसके लिए वाक़ा मिसाल क्या लेंगे उस सहाबी की हम मिसाल लेंगे जो नबी करम की खिदमत में हाजिर अल्लाह के रसूल मेरा पड़ोसी मुझे तंग करता है कहा सब्र कर दूसरी बार आए कहा बहुत तंग कर रहा है कहा सब्र कर तीसरी बार है कहा बहुत तंग कर रहा है तो कहा अब तुझे इजाजत है बदला लेने की कहा अपना सामान निकाल के फेंक दी घर के आबीघ घर गए अपने घर का सामान निकाल के सड़क पर डाल दिया अब लोग आए अरे ये क्या हुआ कि मेरा पड़ोसी मेरे को तंग कर रहा है इसलिए सामान बाहर डाल लोग यहाँ से जा रहे हैं बोल रहे अरे कैसा पड़ोसी है तंग कर रहा है उसको समझ रहा फिर कोई आ रहा क्यों सड़क पे सामान ये मेरा पड़ोसी मेरे को तंग करता है इसलिए सामान सड़क पे फिर वो लोग जाते हैं बोलते रहे कैसा पड़ोसी तंग कर रहा वो थोड़ी देर बाद आया कहा मैं तुझसे माफी चाहता अपनी गलतियों के लिए तू सामान अंदर ले ले समझ रहे आप ये भी हो सकता है कब एक आदमी आम बोल रहा मैं अपनी बीवी को गुलाम समझता हूँ कभी भी तलाक दे दूंगा तो लोग बोलेंगे ना तुम्हारे साथ रहता वो लड़का क्या कर रहे तुम दोस्त तब आप उसको पकड़िए उसका मुआजा कीजिए कैसा मुआजाजा कि पूरे दोस्तों में कीजिए पब्लिक में नहीं कहना दोस्तों में कि तू हमारा दोस्त है हम इसलिए देर से बात कर रहे हैं ये कौन सा तरीक़ा आपने बीवी से सलूक कर रहे तो यहाँ वो पब्लिक प्रेशर से डरेंगे ऐसा करेंगे ना तो हम बैकआउट कर देंगे तेरी दोस्ती को बोलेंगे हाँ जो बैकआउट कर दो देख बोलना अभी तो बोल दे रहा है कल पछताएंगा अभी दोस्ती छोड़ छोड़कर बोलो नहीं चलो ठीक है मैं अपनी सलाह करूँ तो ये आपकी दोस्ती और माहौल पे डिपेंड है अगर अकेले में करना बेहतर है तो मैं तो रिकमेंड अकेले ही करूँगा बट कभी कभार पब्लिक में करना भी इसलाह के लिए दुरुस्त है पहले अकेले में कीजिए एक से दो बार नहीं माना था फिर तो पब्लिक में कीजिए ज़्यादा अच्छा होगा तो ये डिपेंड है आपकी दोस्ती पे इंशाल्लाह उसके अतबार से कहा जाए ग या नहीं है डिपेंड ठीक है और चूंकि वो सामने भी है तो सामने तो मसला ही नहीं लेकिन सामने भी कभी आदमी बुरा मान सकता है ठीक है तो लिहाजा आप उसको एक्सप्लेन करें और सामने बोलकर उसकी इसला करें लेकिन गीबत पीठ पीछे या उसकी गैर मौजूदगी में बोलना जो उसे बुरा लगे सामने ये गिबत होती है सामने भी इस्लाह करने के लिए बहरहाल आप इस तरह से कर सकते हैं असल शेख शेख मेरा सवाल ये है कि अगर हमारा कोई दोस्त है कॉलेज में या फिर हम कहीं पर काम करते हैं और वो नॉन मुस्लिम है और हम उसकी गिबत करें और बाद में फिर कभी मुलाकात ना हो और वो नॉन मुस्लिम है और उसकी डेथ हो जाए तो उसके लिए माफी का कैसा मसला है भाई ने एक सवाल किया है कि आम मामला किसी नॉन मुस्लिम की कोई आदमी मुसलमान गिरबत करे देखिए इस मामले में काफिरों की मिन जुमला करना ये तो दुरुस्त है कभी कभी ज़रूरत भी होती है जैसे अल्लाह ने काफिरों की बुराइयां कुरान में गिनवाई मिन जुमला एक अकेले काफिर को नहीं कहा मिन जुमला इसी तरह सहाबा में से हमने देखा खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों पर लानत भेजी मिन जुमला किसी एक पर नहीं जरूरत पड़ने पर, पर कुछ पर भी भेजी लेकिन मिन जुमला आमतौर से कि लानत तो इन काफिरों पर इन्होंने हमारी असर की नमाज़ ज़ाया कर दी होता ना एक वाक़ जंग के अंदर मिन जुमला ठीक तो लिहाजा मिन जुमला किसी की खबाहतें बताने के लिए या पिछली कौमों को जिनको हिदायत दी गई वो आज हिदायत से इन्हाफ़ कर चुकी है ख़ुद मुंह मोड़ चुकी है उनकी कुछ बातें बताना इन कोई मसला नहीं लेकिन भाई का सवाल एक मखसूस इंसान के लिए जो गैर मुस्लिम है उसकी ख़ीबत तो देखिए इसमें उलमा के जो फ़तावे मैंने पढ़े वो ये हैं कि एक मखसूस किसी पर्टिकुलर नॉन मुस्लिम की कीबत भी नहीं करना चाहिए ये बेटर है इसमें वो इख्तलाफ़मा कुछ ने कहा इसमें कोई मसला नहीं अगर बात बताई जा रही हो और वो ज़रूरी है तो लेकिन मखसूस किसी एक नॉन मुस्लिम कीबत के से मैंने फतः पड़े कि ना करना बेहतर है चूँकि कहीं ना कहीं गबत करने से मामलात में बिगाड़ आता है और कहीं ना कहीं बात सामने आ सकती है तो लिहाजा अवॉइड करना बेटर है अब अगर गबत कर दी हो किसी नॉन मुस्लिम की और इंतकाल कर चो तो क्या करें तो अल्लाह ताल से तबाह तो करें कि अल्लाह मैंने उसकी गबत की थी नहीं करना चाहिए ठीक है बस इतना इन शज़ीज़ आपके लिए काफ़ी है ठीक है तो लिहाजा एहतियात करें नॉन मुस्लिम की गबत करने में भी चूँकि गीबत का मसला ये है किबत आपके दुनियाई मामला भी ख़राब कर देती है अब एक कंपनियाँ अब इंडिया में हम रहते हैं नॉन मुस्लिम के साथ बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं मेजार्टी नॉन मुस्लिम है अब आपतें करेंगे तो गीबें पलट कर आती हैं इससे हसदें पैदा होती हैं इससे मसायल पैदा होते हैं लिहाजा बेटर पार्टी है कि आपबत करें ही ना किसी की सबसे पहले नॉन मुस्लिम भी तो अवॉइड करें ज़्यादा बेहतर है और इंतकाल कर जाए तो फिर उसके लिए कुछ नहीं अल्लाह से आपसे तबाह करे कि अल्लाह मैंने उसके साथ फ़लाँ फुला किया था यह गलत बात की थी यह इल्ज़ाम लगा दिया था चुगली की थी तो मुझे माफ़ करें इनशाला ये काम करें

सबसे पहली चीज़ याद रखिए अगर कोई आपकी हिब्बत करता है चुगली करता है बहुतान करता है तो वो आपको अपनी निकियाँ देता है ठीक लेकिन एक मोमिन का खैर का जज्बा यह है कि वो किसी भी इंसान को गुनाह में डूबते हुए नहीं देख सकता वो उसके लिए कोशिश करता है कि अपने भाई की सलाह हो जाए इसमें बहुत सारे लोग गलत रास्ता ये अपनाते हैं कि अगर कोई मेरी गिब्त किया तो मैं उसकी खिबत करना शुरू कर देता हूँ कोई मुझ पे इल्ज़ाम लगाए मैं उस पे इल्ज़ाम लगाना चालू कर देता हूँ जिसको कहेंगे मेरी चुगली करे मैं उसकी चुगली करता हूँ ये इस्लामी रूल नहीं है ईट का जवाब पत्थर से देना इस्लामी तरीक़ा नहीं है अगर ईट का जवाब पत्थर से होता तो नबी अक्रम देते कोई नहीं बचता ईट का जवाब पत्थर से नहीं इस्लाम ने कहा कि ईट का जवाब है तो पहले इसलाह की जाए ठीक है अगर इसलाह की बात नहीं मानता तो जिम्मेदार को बोला जाए नहीं होता तो फिर देखा जाएगा ईट का जवाब उसी ईट से दिया जाएगा जुल्म का जवाब जुल्म से उससे ज्यादा जुल्म करना गुनाह है समझ रहा तो रहे जैसा किसी ने एक हमारे खानदान के फर्द को मारा उसी जिसने मारा उसको ही सजा मिल सकती है पूरे खानदान को नहीं मार सकते है ना जुल्म का जवाब उतना ही जुल्म आपको मेरी हिबत कर रहा है, मैं क्या करूँ इसमें एक सबसे अच्छा पहलू जो होगा वो ये होगा आप जो कर सकते हैं खैर भाई के साथ उस भाई को कॉल करें जो आपकी हिबतें कर रहा है और कॉल रहा कि यह बताए कि मेरे भाई मुझे किसी ने ऐसा बताया है हालांकि वो गलत हो सकता है मुझे किसी ने ऐसा बताया है तो आप बोलेंगे उसने बिल्कुल सॉफीज़र सही है तो इन्हें बोलेंगे लॉ फिर मुनाजरे के लिए पर सामने वाला हो सकता है जिसने आपको बोला वो सामने नहीं आना चाहता है ना किसी ने मुझे ये बोला है कि आपने मेरे बारे में ऐसा कहा हालांकि वो गलत भी हो सकता है ठीक है तो मैं सिर्फ इसलिए फ़ोन लगा रहा हूँ भाई ऐसा वाकई में तो नहीं अगर ऐसा कुछ है तो मुझसे कोई गलती हुई तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कोई गलत फ़हमी आपसे मेरे तालुसे हो गई तो हम इजाला कर सकते हैं या आपने ये बात कही जो कि एक बहुतान है तो मैं चाह रहा हूँ आप अपने इस मामले में इसलाह कर तो वो बोलेंगे बिल्कुल जिसने आपसे कहा गलत कहा आपका ज़िम्मा ख़त्म हो गया आपका ज़िम्मा ख़त्म हो गया अच्छा ठीक है जजाक अल्लाह मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ वो आदमी ने मुझसे गलत कहा मैं माफ़ी चाहता लेकिन अगर उसने कहा और आपको झूठ बोल रहा है कि उसने गलत कहा तो उसको एक वार्निंग मिल जाती है अरे इसको तो मालूम हो गया मैं तो उसके ख़िलाफ़ कर रहा हूँ फिर भी इन्ह इतनी अच्छी बात करा अच्छा आदमी समझे ना एक वार्निंग मिल जाती है सेकेंड वाकई में उसने नहीं बोला बीच वाले ने कुछ तो भी आपके साथ धोखा कर दिया तो बोलेंगे देखिए आपको जिसने भी कहा मैं आपके बारे में बहुत अच्छा ख्याल रखता हूँ और आपको इसकी ज़बान पे अतमाम करना चाहिए क्योंकि हम दिल के हाल नहीं जानते आप कह जा ठीक है आइंदा अगर मुझे कोई कुछ बोले तो इन श्ला मैं इसका कभी बुरा नहीं मानूँगा और कहूँगा मेरा वो भाई बोल नहीं सकता एक एक रियल बताता हूँ एक रियल सिनारी हुआ था जिसका उसकी असलाह भी की गई थी कि एक आदमी के तालक़ से आए कि वो एक फुला आदमी की गिरबत कर रहा है तो हमने यही टेक्निक आजमाई उसको कॉल करके कहा आपके बारे में किसी ने ये कहा कि आप ऐसा करते हैं हालांकि वो आदमी गलत हो सकता है तो उसने कहा नहीं, नहीं मैंने नहीं कहा मैं आपसे आकर मिल सकता हूँ हमने कहा ठीक है आइए आए, आए बैठे उन्होंने कहा अल्लाह गवाह मैंने नहीं कहा हालांकि वो शख्स भी अल्लाह की खसम खा के करा कि इसने इतने लोगों के सामने कहा दसियों लोग बोल रहे हैं कहा लेकिन ये क्या बोल रहा है अल्लाह गवाह मैंने ऐसा नहीं कहा फिर हमने कहा देखिए इन आज के बाद अगर कोई शख्स ये कहेगा आपने ये कहा मेरे बारे में तो मैं कभी इसको सीरियस नहीं लूंगा और हंस के कहूंगा मेरे भाई ने ऐसे ही बोल दिया हूँ इसलिए कि आपने हमारे सामने जो कहा ये असल गवाही ये सुनकर हमने छोड़ दिया और आइंदा जब भी वो हमारे खिलाफ़ कुछ बोलता उसको बहुत खौफ होने लगा कि यार ये लोगों ने तो खुला छोड़ दिया हद बुलाया भी मुझे इसलाह भी कि बाद भी अगर मैं ना सुधरा तो अल्लाह के पास पकड़ हूँगी चंद दिनों बाद उसका रवैया और रविश बदल दी लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम क्या होता है हम उससे बात नहीं करते लोगों की सुन के जबकि उनकी ऑथेंटिसिटी क्या है वो भी हमको नहीं मालूम उसकी गिबत करते बिल्कुल गलत ठीक है तो लिहाजा आप कॉल करें रिक्वेस्टफुली कहें हो सकता है ये मेरी बात आपको बुरी लगे तो मैं पहले माफ़ी चाह रहा हूँ लेकिन किसी ने मुझे ऐसा कहा है हालांकि उसकी बात भी गलत हो सकती है कि आपने मेरे बारे में ऐसा कहा है मैंने सिर्फ इसलिए कॉल किया कि मेरे भाई को मेरे से नुकसान नहीं होना चाहिए कोई नहीं किया मेरी तो मैं आपको नहीं दे रहा हूँ तो फिर क्यों आपको मैं गुनाह में डालूँ और आपकी नहीं कह लूँ लिहाज़ा मुझे ऐसा कहा किसी ने आपने अगर वो डर गया फ़ोन पर तो झूठ बोल देंगे लेकिन बाद में इसलाह कर लेगा और वाकई में जन हाँ मैंने कहा हाँ ये तो गलत है इसका मतलब आप आइए उस गलत का इजाला करते हैं बैठ के स्कूल जा लीजिए और अगर वो गलत फहमी फिर भी बाकी है तो कहिए देखिए हम दोनों का मामला है आपस में आपको जो बोलना है बोली लोगों को मत बोले लेकिन कोई ऐसा आदमी जिस पर आपने वाकई में जुल्म किया और जिसको उसने बोला वो अथॉरिटी है जैसा मैंने कुछ गलत किया और कोई मेरे वालिद को कम्प्लेन करता है जायज़ कंप्लेन नहीं आपकी मतलब तुम्हें मेरा अब्बा कंप्लेन कर सकी आओ मेरे से बात करो जायज़ कंप्लें आप ये बोलिए अपनी इस्लाह कैसा करना है हाँ आपने मेरा अब्बा कम्प्लेन किए मैं समझ गया मेरी गलती मैं इस्लाह को रेडी आ जाऊँ अथॉरिटी की जाए तो अलग बात लेकिन हर किस ना किस को बोलते फिर रहा है तो बुला के इस्लाह कीजिए इंशाल्लाह ये ज़्यादा अच्छा होगा आपको डबल सवाब मिलेगा तो एक हकीकत में उसने गबत किया आपको अजर मिलेगा दूसरा नहीं किया तो दोनों के बीच में इजाला हो जाएगा और वाकई में कर रहा था तो उसकी इसलाह कर ले तो बड़ी बात हो जाएगी ठीक तो बहरहाल ये फायदे आप कर सकते हैं एक चीज़ ये एक चीज़ इसमें एक बात याद रखे मैंने लेक्चर में लेना भूल गया उसमें सवाल मैं ऐड कर देता हूँ है कि जब किसी ने आपकी गिबत की हो और आकर आपसे माफ़ी मांगी तो जिससे माफ़ी मांगी जाए वो ज़रूर माफ़ी दे दे और ओके ना रखे क्या वो ये चाहता है कि अल्लाह ताला उसको माफ़ ना करे हम सब चाहते हैं अल्लाह में माफ़ तो फिर हम भी लोगों को माफ़ करें अबकर रजी अल्लाह मिश् रजी अल्ला को ठीक जिनको आप स्टेफ़न के तौर पर वजीफ़े के तौर पर महाना कुछ खर्च देते जो आपके रिश्तेदार भी थे हज़रत आयशा रजूल्हाँ पर इल्ज़ाम लगा यह भी उसमें शामिल हो गए मुनाफिकीन की बातों में ये भी आ गए इन्होंने भी कहा कि हाँ ऐसा हुआ तो अबीख़ रजी अल्लाने इनको इस्तीफ़िन देना पैसे देना बंद कर दिया जब अल्लाह ने कुरान में आयत नाजिल की माएशा रजूल्हाँ की बराहत की कि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो, तो अल्लाह ने बयान किया कि वो लोग जो दूसरों के साथ अच्छा सलूक करते थे वो अपना सलूक बंद ना करें क्या वो नहीं चाहते कि अल्लाह उनको माफ़ करे वो भी लोगों को माफ़ करें तो इसी के तहत मैं कह रहा हूँ तो जिससे माफ़ी मांगी जाए कि मैंने आपकी हिब्बत की थी चुगली बहुत वो अल्लाह के लिए ज़रूर माफ़ करें इतना बड़ा दिल करने का बहुत अजर तजर्ब पाएंगे क्योंकि अल्लाह तला ऐसे लोगों को माफ़ करता है वो बंदे जो दूसरों को माफ़ करते हैं ठीक है ये करें हॉस्पिटल में काम करता हूँ

देखिए इस मामले में एक बात याद रखिए जो हमसे गलती होती है वो गलती क्या है पहले वो समझ रहे मसला ये हम लोगों के पास हम जिस काम के लिए वही काम को सबसे ज्यादा नापसंद करते किस सेंस में बताता हूँ एक आदमी गवर्नमेंट ऑफिस में बैठा है उसका काम है क्लर्क जॉब करना उसको वही काम जान पे आता सुबह आते चाय पीने जा रहा जल्दी नाश्ता खाते बैठ रहा लंबा नाश्ता खा रहा कोई आए तो अरे क्या आके खड़े हो गए तुम्हारा काम है उस काम से मोहब्बत करो उसको मोहब्बत करो कि मैं इसीलिए लिए बैठा और इसी की वजह से इनकम आती है मेरी हमको वही प्रॉब्लम होता सबसे बड़ा ठीक है लिहाजा आप जिस काम के लिए क्या है पेशेंट्स को अंदर भेजना उनको दवाएं समझा पेशेंट को आप पर भरोसा नहीं आ रहा डॉक्टर साहब को बताना तो आप हिम्मत बोलो कितना टाइम ले रहा है पेशेंट बहुत टाइम ले रहा है आजीवी दिख रहा सड़े हुए दिमाग का दिख रहा बहुत ही उछार दिख रहा फुला दिख रहा ये गबत है ये रिबत ना हाथमर ने क्या किया था ने वो कर रज़ी अल्लाने वो वाक़े के अंदर दोनों में से एक ने दूसरे क्या बोला ये तो घर के सोता पड़ा हुआ ठीक है आप अथॉरिटी नहीं हाँ आप अगर अथॉरिटी है कि भाई पाँच मिनट में पेशेंट ने बाहर निकल जाना डॉक्टर ने इसी काम के लिए आपको बिठाया तब आप बोल सकते हैं फॉरन फ़ोन मैंने बिल्कुल वेट नहीं कर सकता आपके लिए मेरे को पाँच मिनट की लिमिट है इससे ज़्यादा मैं आपको बर्दाश्त दूँ यह एक अलग शक है या आप किसी को बोल सकते हैं ये पेशेंट पाँच मिनट में निकल जाना चूँकि मेरा काम है कि पाँच मिनट पेशेंट को निकाल तुम्हारी जिम्मेदारी उसको पाँच मिनट में जाएगा तब तो गिरफ्त में नहीं आए लेकिन जब आप काम के लिए बैठे हैं और वो ज़्यादा टाइम ले रहा नो डाउट आप ये कह सकते हैं कभी आपको बहुत शुरू हो जाए अल्लाह उसकी मफफरत करें तो मैं समझा रहा हूँ समझता ही नहीं दुआ भी दी आपने और दुश्मनी का जज्बा भी नहीं आया वरना क्या होता एक पेशेंट आया टाइम ज़्यादा लिया आप बोलते क्या टाइम ले रहा है अगली बार आते आपके मुंह पे जो है ना बारह बज जाते आ गया आप फिर लेंगे उतना ही टाइम और फला है मतलब ख़ामोखा बुराए जबकि अगली बार जो है ना पेशेंट बन के नहीं आया डॉक्टर साहब को दावतनामा देने आया आप आपको तो दावत में आया कि मेरी शादी आई है बोलकर लेकिन आप ची गए तो आपका एक अच्छा मूड भी रहेगा अल्लाह रहम करे फिर से आ गया ये आदमी चलो टाइम लेता है थोड़ा दिल में सोचे पब्लिक को नहीं बोल रहा समझा लेकिन आप अथॉरिटी हैं अथॉरिटी होने के नाते आप बोल रहे ये आदमी हमेशा टाइम ज़्यादा लेता है और हमको इसको पाँच मिनट में निकालना चूँकि हमारी ज़िम्मेदारी तब आप किसी सबॉर्डिनेट को बोलने में गीबत नहीं है लेकिन आम एबार से आपको सी मत उनको बुरा भला मत किए क्यों तो आप दूसरों के सामने जब बुरा भला कहेंगे तो वो वह हाँ अगर डॉक्टर ये पूछिए फिर से क्यों आया पेशेंट अंदर जबकि मैंने तुमको बोला तब आप बिल्कुल बोल सकते हो डॉक्टर साहब मेरे लाख बोलने के बाद भी ये आदमी मेरी नहीं मानता और ये आ जाता है तो डॉक्टर ने तो आप समझेंगे आप गलत हैं आप बता रहे नहीं बोल के अंदर आ रहा तब आपका डॉक्टर को ये बोलना है कि पेशेंट मेरी नहीं सुनता इनशाला है ठीक है लेकिन आप तौर से कोशी मत दूसरों को मत बोले कि लंबा -लंबा लेता आगे बढ़ जाता हंसते रहता दाद देखो कि कैसे फला नहीं बिल्कुल नहीं इसलिए फिर ये खास जो निकलती की, वो हर औरत एक दूसरे को बोलती बोलना नहीं अमानत रखना तो तो ये ये क्या है है तो चुगली इतनी बढ़ती घूमते हुए वापस उसी के पास जाती हो और ये अक्सर हर औरत बोलती बोलना नहीं किसी माशाल्लाह एक बहुत ही आम और बहुत ही अच्छा सवाल आया है देखो मैं आपको बोल रहा हूँ किसी और को मत बोलना भाई का सवाल ये था कि बहुत सारी बार औरतों को देखा गया कि वो दूसरों की गिबत करती है और फिर बोलती है दूसरों किसी को बोलना नहीं हाँ ये सिर्फ आपके हद तक इसकी क्या हकत है देखिए अगर औरत को भी किसी औरत को कोई चीज़ बोलना है कोई ख़राबी बोलना है तो सेम रूल जिसको बोला जा रहा वो अथॉरिटी हो जैसा कि बेटी की खराबी है तो माँ को कंप्लेन करें बेटी की खराबी है या बहू की खराबी है तो सास को जाके बोले कि ऐसा सब प्रॉब्लम हो रहा है आपकी बहू से अथॉरिटी को बोलने में हर्ज नहीं है लेकिन आप किसी मजलिस में मिले मजलिस में मिलकर एक दूसरी औरत को बोल रहे ये औरत बहुत बेकार है यहाँ लेकिन ये राज है अपना किसी को नहीं बोलना अब इन्होंने जाके क्या करते दूसरे को बोलते वो औरत बहुत ख़राब है यहाँ लेकिन ये राज है अपने दोनों के बीच में हाँ किसी को नहीं बोलना मतलब ये हिडन सीक्रेट रहता जो पूरी दुनिया को मालूम रहता ये तो ऐसा ख़तरनाक हाल ही है ये जिसको मैं कहता हूँ किसी को नहीं बोलना इसमें एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ मैं गिबत और चुगली करने का जायज़ फार्मूला अल्लाह माफ़ करे मरती रात है लेकिन इतनी सड़ी हुई औरत है ना ये क्या बोलूँ तुमको में? मतलब पहले माफ़ी मांग लो और फिर गिबत कर दो अल्लाह माफ़ करे बोलना नहीं चाहिए किसका क्या देखे कैसी मौत आती इससे बुरी औरत तो दुनिया में नहीं होती आपने मतलब पहले अल्लाह से माफी अल्लाह माफ करे मरती रात है जीता दिन है फला है नहीं बोलना चाहिए फिर भी बोल रहे मजबूरी है और फिर तो ये दो तरीके एक करने के बाद ये बोलना कि किसी को नहीं बोलना आपने मतलब ये कि जाकर सबको बोलो ये और दूसरा ये कि गबत करने से पहले पूरे माफिया मांग लो जो अपने को भी अल्लाह ने बेटियाँ दी अपने क्या मालूम मरती रात जीता दिन है फ़लाँ हैं ये है कैसे मरते नहीं मालूम लेकिन वो बुड्ढी तो फ़लाँ ऐसी है उसकी बेटी तो फ़लां ऐसी हमारे पड़ोसी इतने गंदे फ़लह ऐसे जबकि जिसके सामने बोला जा रहा वो ज़िम्मेदार नहीं वो इनकी सलाह नहीं कर सकते तो याद रखो ये गईबत है आपके पड़ोसी आपसे नमक मंगा रहे देना है दे दीजिए फिनिश मामला आप दूसरों को बोलेंगे नमक मंगाते रहते नमक भी नहीं मांग के रखते घर में गीबत है अब अरे उसमें तो है ना नमक नहीं मंगाते हाँ ये तो है कि नमक नहीं मंगाते असलियत यही है लेकिन आपका नमक से ताल्लुक आवाम से नहीं है आप लोगों में नहीं बोल सकते अरे हमारे पड़ोसी में रिश्ता दे रहे आप वो तो नमक भी लाके नहीं रखते क्यों आपने यही बताओ क्यों रोज मंगाते हमसे मंगाने दो आपको देना है दो मैं देना हूं खत्म वह मेरा एक दोस्त रोज आके मेरे से चाय पीता पिलाना है पिलाओ मैं तो वो बंद रखो समझ रहे बात नहीं वो तो चाय नहीं पिलाता उसे घर में बेटी का को दे रहे आप चाय से बेटी का ताल्लुक नहीं देने से अलग इसका कोई रिलेशन नहीं है ना कुछ लोग होते हैं ना मोहब्बत में कुछ लोगों को मैंने ऐसा भी देखा वो कुछ लोगों को नेक समझते तो वो उनके चीज़ों को खाना पसंद करते हैं उनके साथ रहना पसंद करते हैं उनकी सहबत इख्तियार करते हैं तो भाई वो सोच के आता है कि आपकी मजलिस तीन दार लोगों की मजलिस है तो आप चाय पिलाएंगे अच्छा है या अपने पैसे को समझता है कुछ ना कुछ नाकिस है उसमें कमज़ोरी है या मिलावट है तो मैं चाहता हूँ आप हला मे भी कुछ भी हो सकता है भाई तो आप पिलाना पिलाना तो खामोश बैठो ये बोल नहीं सकते तो हम पास ये कॉमन ट्रेंड है कि किसी को बोलना नहीं है बोलकर कर गिबतें करते हैं दूसरा पहले माफ़ी मांग की गिबत करते हैं दोनों भी माफ़ नहीं होने वाले जब तक किसने किया और मैं अल्लाह रहम करे मैं बार बार औरतों से वो करता हूँ औरतों ने गिबत को जो अपनाया है ना अल्लाह अल्लाह माफ़ करे हमको इतना 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 कॉमन हो गया जिसकी कोई इंतजा नहीं कोई औरत इससे मुस्तफ़ा नहीं और जितना नज़दीकी रिश्तेदार उतनी ज़्यादा गिरबत करते हैं औरतों ने जो गिबतें कर कर के खलीजे है ना मर्दों के दिलों में जो है बेटे और बाप के दिल में हा? और बहू और बेटे के दिल के अंदर और पड़ोसी और पड़ोसी के अंदर ये खलीजे कभी दूर नहीं होने वाले खतल तक जा रही है बंद करो अल्लाह के लिए नहीं बताऊँगा कंट्रोल करो अपनी नफ्स को कंट्रोल करो अल्लाह ने अगर बोलने की सालायत दी तो उसको सही जगह इस्तेमाल करो दीनी दरस लोग बोले तो हाथ पैर काँपते पसीने छुट जाते हैं लेकिन अगर मजलिस में बोलो बोलो तो चबर 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 गीबतें चुगलियाँ ऐसी कि मतलब आपने सोचे भी नहीं होंगे घर में एक बर्तन गिरने की आवाज़ आई दूसरे दिन बहुतान मतलब बहुतान का हाल ये है कि रात में झार उठा उठा के फेंका दीवार पे बोले बिनी बर्तन क्या हो गया हालांकि बिल्ली ने गिराई हिस्सा क्या बिल्ली ने गिराया लेकिन मतलब मैनिपुलेशन देखो हिबत का शौक देखो आप कहाँ चलेगी बात और सर पकड़ पकड़ के मार रहा दीवार बोले आवाज आ रही अरे वो कीला ठोक रहा हूँ नहीं आ रही वही लग रहा बाद में आवाज है अम्मी जी अब्बा जी शायद जला भी दिया उसको कुछ तो भी हो गया कुछ भी नहीं हुआ किबोतान क्या है रमजान का महीना है रोज़ा शहर हुई सहर होती फोन लगा के चाल सिखाना वो दो औरतों ने वही किया था ना रोजे की हालत में थी दोनों इतनी गबतें की कि सड़ा हुआ गोश्त जमा हुआ खून और पीप निकला उनके अंदर से औरतें इस तरह गबतें ज्यादा करती मर्दों के मुकाबले में है ना लान तान ज़्यादा करती है मर्दों के मुकाबले में ना शुक्री ज़्यादा करती है जी इसके अंदर तो औरतों से मैं गुजारिश करूँगा अल्लाह के लिए गीबतों को कंट्रोल करें ऐसी औरतें भी गुजरी हैं जिन्होंने गीबत के डर से बात करना छोड़ दिया लोगों से ऐसी है तारीख़ इस्लाम में जिन्होंने गीबत के डर से बात करना छोड़ दिया कि नहीं गबत होती तो बात कम बहुत मुख्तर बातें करती थी बहुत मख्सर कुछ के वक़ात ऐसे इतनी बातें करती थी जितनी ज़रूरत की इसके अलावा मुँह ही नहीं खोलती थी और हदीस का मानना यही है कि मुँह खोलो तो अच्छी बात करो ना मुँह बंद रखो तो वेल इसका भी उनको अजर मिलेगा बोलने की सलाहित होने के बावजूद उन्होंने मुँह बंद रखा है ना लेकिन हमारे पास दो तो लोग जमा हुए क्या चल रहा उनका अल्लाह माफ़ करे किसी को बोलो मत आप हाँ उनकी बच्ची भाग गई बच्ची के भागने से आपका ताल्लुक नहीं ना देखो अगर आपका बच्ची से रिश्ता तय हुआ हो आपकी बहू बनने वाली और भाग गई तब तो आपको न्यूज़ दे रहे हो बट आपको खो लेना देना ये खिदमत आपने उनकी बुराइयों को फैलाया जबकि वो छुपा रहे हैं वो खुद अपनी इज्जत परेशान है जो चलेगी बच्ची के भागने जमा कर रहे हैं अपने आप सिमट रहे हैं अपने आप को अपने एसास को कंट्रोल करके परेशानी कौन से माँ बाप खुश होंगे उनकी बच्ची भाग गई तो है कोई ऐसा जो हंस के आगे छत पर चढ़ के बोल रहा मेरी बच्ची भाग गई इसका मतलब वो पागल हो गया उसको इलाज की जरूरत है वो पागल हो के लोगों को चिल्ला के वा मेरी बच्ची भाग गई पर आप उसके अंदर और मतलब एक गिरेबान में एक सुराख है आप दो हंगिया डाल रहे हैं पूरा हाथ डाल के उसको और चाक कर रहे हैं इज्जत बचाने की बात है देखो आपको किसी ने बोला ना उनकी बच्ची भाग गई बंद रखिए अच्छी कुछ बात है तो बयान कीजिए उनके बारे में खत्म ऑलरेडी उनकी बच्ची भागने से जो उनके ऊपर पहाड़ टूटे वो काफ़ी थे और नए पहाड़ तोड़ने की हमको ज़रूरत नहीं है बात खिला नहीं मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ कि आप उनकी चाची है ना हाँ मैं उनकी चाची हूँ बच्ची के लेकिन मेरा वहाँ नहीं चलता है तो मेरे सामने मत बोलिए मैं इस्ला नहीं कर सकता समझे आप तो अत वो आपको अथॉरिटी समझ के आए आप जिम्मेदार है समझ के आए मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ लिहाजा आप मेरे सामने मत बोलिए उनकी हकीक़ी ज़िम्मेदार उनकी ताई है उनकी वालदा है या हमारी सास है बच्ची की दादी है वहाँ जाइए आप हमारे पास क्या होता है एक गलती की बस पैरना शुरू अल्लाह के लिए मत करो जो फसाद मचा है जो हसदे थैली है जो दिल बुरे हुए ना अक्सर औरतों की नतीजा मैं आपके इल्ज़ाम धर रहा हूँ आप बिल्कुल इसको गलत मानी में ना लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आपके अलफाज को मर्द बहुत संजीदगी से लेते हैं इसलिए आपके अलफाज नपे तो ले माँ होने के नाते बेटा आपके हर अल्फाज को गौर से सुनता है आप जो भी सही और गलत कहेंगे वो असर ले लेता है उसका उसका असर लेता है आप सोच समझ के बोलना क्योंकि माओ के गलत अल्फाज है बेटों ने अपनी बीओं को तलाक दी है सोच समझ के बोलना असर है ना इसलिए मैं कह रहा हूँ आपकी आप अथॉरिटी है बीवों के गलत एक जुमले पर बेटे अपनी माओं से और बाप से अलग हो गए हैं बहुत सोच समझ के मुंह खोली बहनों के एक जुमले पर भाइयों ने अपनी जान दे दी तो फलाने मेरे को छोड़ा इन्हें चला गया लड़ लिया जान दे दी तो आपके जुमले असर रखते हैं तो आपकी गिबतें उतना ज़्यादा नुकसान दे दी हुई तो अल्लाह के लिए अपनी गिबतों को मर्द भी करते नो डाउट लेकिन औरतों की गिबतें जो नुकसान पहुंचाती है मर्दों की वैसे नुकसान नहीं पड़ता हालांकि ये भी हराम और वो भी हराम है लेकिन कसरत से औरतें कर अल्लाह माफ़ कर एक जुमला और बोल दिया दूसरा किसी को बोलना मत और बोल दिया अल्लाह के लिए मत कीजिए क्या हम चाहते हैं हमारी कोई बुराई लोगों में फैले नहीं हम किसी की बुराई ना फैलाएं वरना इसका जो नुकसान होगा इसका ख़मियाजा भुगतना होगा और वो हदीस को याद रखिए बुदाव की जो मैंने बयान की थी जो शख्स दूसरों कीमतें करेंगे और ऐब को कुरे देंगे अल्लाह ताला उसके छुपे हुए राजों को ला लेंगा सामने क्या आप चाहते हैं आपके छुपे हुए जिंदगी के राज सामने आ जाए चाहते तो करो जाननुम की आँग आग आपको नसीब हो तो करो फिर ख़बर का अज़ाब हो तो फिर करो फिर कोई मसला नहीं इतने लीडर है तो फिर तो कुछ नहीं लेकिन अगर अल्लाह का डर और ख़ौफ है तो अल्लाह के लिए इन को छोड़ दो मैं कह रहा हूँ आपको दावे से आपकी मजलिस और दावतों की और आपकी बातचीत की बात आदि कट जाएंगी आदि फोन का बिल आदा हो जाएगा आपका क्यों इसलिए कि आधी बातें गिबत में ही हो रही है आज यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ सास का बेटी के साथ गिबत करना बहू के बारे में बहू का सास और ननन के बारे में गिबत करना अपनी माँ को इनका उनके बारे में उनका उनके बारे में पूरा मैस क्रिएट कर दिया पूरा समाज पूरे मर्दों के दिल बुरे आपस में झगड़े फितने और दो अल्लाह के लिए इसलाह करो अपनी और ये येबत जैसी पूरी मोहलिक बीमारी से अपने नफ्स को पाक करो अपने रूह को हम पाक करें अल्लाह ताला हम तमाम को तोफ़ दे मर्दों और औरतों को कि इस मोहलिक बीमारी से सेबत जैसी अपनी हिफ़ाज़त करें वाक़िर दावानी अलहमदिल्लाबालमी सुल्खाना रबी कर रबिलजी सफ़ून वसामदुल्लबालमी